हेलो फ्रेंड्स, आज की कॉमिक्स है हू पार्ट वन। ये हू सीरीज़ की पहली कॉमिक्स है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हू रिटर्न्स आने वाली है, लेकिन उससे पहले हू रिटर्न्स से पहले आपको हू के बारे में पता होना चाहिए क्या था हू। तो हू की पहली कॉमिक्स यही शुरू करते हैं। शानदार कॉमिक्स हू ये कवर पृष्ठ हू रामेट पेश करते हैं। हू सीरीज बहुत ही भागदौड़ की है मैंने इस कॉमिक्स के लिए। बहुत शानदार मेरी बचपन की सीरीज हू। ब्रह्मांड जिसके अनंत रहस्य उसे कोई नहीं जान पाया, पृथ्वी भी उन्हीं रहस्यों में से एक है। पृथ्वी जहाँ मानवों की उत्पत्ति के बाद कई परिवर्तन हुए। अमीबा बंदर, बंदर से बना मानव अपनी बुद्धि के बल मानव विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। आधुनिकता की होड़ में इंसान के दिमाग पर हावी होने लगी शैतानियत। और इंसान इंसान का दुश्मन बन गया, शैतानियत ठाके लगाने लगी और जन्म हुआ कलयुग का। इंसान धत्ता चला गया कलयुग के जाल में। इतिहास गवाह है, जब जब पृथ्वी पर बुराई ने अपने पंख पसारे, जुल्म के हाथों मानवता पर गला दबाना शुरू किया, तब तक पृथ्वी पर अवतरित हुई है कोई ईश्वरीय शक्ति। पापियों के सर्वनाश के सामना करने के लिए अच्छाई और बुराई की जीत में जीत में हमेशा जीत अच्छाई की हुई है और बुराई को हमेशा परास्त हुई है। शैतान हमेशा मारे गए क्योंकि शैतान कभी भी इस लड़ाई में ईश्वरीय शक्तियों के बल प्रपंचों में नहीं समझ सके। बड़े ध्यान से सुनने थे सभी शैतान सम्राट हू के विचारों को। यह था शैतान सम्राट हू। इसलिए हमने लड़ने और ढंडने का ढंग बदला। धीरे धीरे इंसान का क्रोध, लालच, नफरत व ईर्ष्या के क्रोध के ऐसे चक्रव्यूह में जगह डाला। आज इंसान चाहकर भी चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकता और तोड़कर बाहर नहीं आ सकता आवारा। कल जो इंसान दुख और संकट की घड़ी में हमारे सबसे बड़ा दुश्मन यानी भगवान को पकड़ता था, भगवान उसकी मदद भी आते थे, वही इंसान अपने स्वार्थ और आधुनिकता की होड़ में भगवान को भूल गया। इसी कारण भगवान का ध्यान पृथ्वी की ओर से हट गया है। शैतान साथियों, यही समय है हम अपनी नीति पूर्वक चलते हुए पृथ्वी पर अपना शासन कायम कर सकते हैं। और इस काम के लिए हमने सुना है अपने शैतान सैनिकों के 10 सैनिकों को जो पृथ्वी पर जाकर अत्याचार, अराजकता, जुल्म, स्वार्थ, लालच व राजनीति का ऐसा तूफान चलाएंगे कि पृथ्वी पर हर ओर होगा शैतानों का राज। ये हीरे गिर रहे हैं पिरामिडों में। अचानक बदले मौसम तेवर देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उफ, पिरामिड की खुदाई के लिए प्रथम बार के साथ ही मौसम में अचानक तब्दीली कैसी कमाल की बात है। यह सर डिकोस्टा, कुछ देर पहले आसपास आसमान बिल्कुल साफ था। मजदूर के चेहरे पर आतंक दृष्टिगोचर हुआ था। पिरामिड की खुदाई का विचार त्यागने साहब, आज तक किसी ने भी पिरामिडों का रहस्य जानने की कोशिश की है, वह दृश्य और शैतानी शक्तियों के कारण तबाह बर्बाद हो गया। यह तूफान भी प्राकृतिक नहीं है साहब। इतनी ज़बरदस्त गरज के साथ बिजली गिरी, पिरामिड के उसे सुनो गए। मौजूद लोगों के कान क्रैक क्रम और पिरामिड के हिस्से पर स्थापित विशाल ग्रेनाइट स्टोन ब्लॉक के परख चौड़ गए। मौत की दहशत ऐसी थपेड़े उन मजबूरों को कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। रुको रुको, पृथ्वी के जिन स्याहों पर कोई पता नहीं लगा पाया, उन रहस्यों की परतों को प्याज की छिलकी तरह उधेड़ने की क्षमता थी। अब खुदाई कैसे होगी? खुदाई की जरूरत नहीं है, वह देखो प्रकृति ने हम इस काम में हमारी मदद की है। ओ गॉड, भीतर घुसने के लिए जगह बन गई है। मार्वलस, इस बार हमारा निशाना गिजा के पिरामिड है। थे तोबा, डेविड फर्नांडेज जूलिया, इस तूफान से बचने के लिए हमारा तुरंत इस पिरामिड प्रवेश आवश्यक है। उफ, मुंह है नाक में रेत घुस जा रहा है। अंदर को पंदेरों को हाथ सोया नहीं रहता। टॉर्च चला लो। इस असमान ढंग से प्रवेश करने का सबके दिलों की धड़कनें सीने पर चोट कर रही थी। टॉर्च की रोशनी पीला गोल धारा जैसे फर्श पड़ा जूलिया के सामने। बिच्छू, यह जगह खतरनाक है। डेविड के जूते ने मसल दिया बिच्छू का पिच। और इस फर्नांडिस के मुंह से अचानक उत्तेजना मिश्रित चीख पड़ी। सर डिकोस्टा, वह देखिए। उफ, लगभग 25 फुट लंबी इस गैलरी के पार इस मकबरे का पहला कमरा दिखाई पड़ रहा है। सर डिकोस्टा की आंखों में मंडाली की सफलता की अद्भुत चमक। सर डिकोस्टा, यह क्या है? इस बॉक्स में क्या होगा? जैकॉल, जैकॉल गॉड एनीबॉस। इजिप्ट लोगों के अनुसार ये देवता पिरामिडों में मम्मी बनाकर रखे गए प्राचीन राजाओं के संस्कार में मदद करता था, जिसके द्वारा कोई भी मृत राजा इस संसार में प्रवेश करेगा। जूलिया फर्नांडेज और जैकल की मूर्ति को उतारा और जे नकाशी लकड़ी के द्वार को बहुत चक्के हुए सब। उफ, ये तो रत्नों जवाहरात हीरे मोतियों का बना अनमोल हार है। वाह, हमारे विपुल खजाने में करोड़ों का इजाफा हो गया। फर्नांडेज की आंखों में उतरा है लालच के विषाणु ने देखकर डिकोस्ट आगे बढ़ चुका था। 14 चांदी रत्न बेजोड़ दरवाजे की ओर। यह कहीं होनी चाहिए, यहीं कहीं होनी चाहिए। 20,000 साल पहले वह शैतान व क्रूर मारे जाने वाले राजा पेत खामेन की मम्मी। डेविड फर्नांडिस, दरवाजे को खोलना होगा हमें। इसी पल भयानक गड़गड़ाहट की आवाज़ से 25 फुट ऊंची गैली स्थापित भारी पत्थर नीचे आ गए। बड़े उफ, हमारे आने का रास्ता बंद हो गया। घबराओ नहीं, हमने जो रास्ता चुना है उसमें हमें परेशानियों का सामना तो करना ही होगा। डेविड,
ताकत के इस्तेमाल दरवाजा खोलने में सफल हुए। मम्मी के दर्शन की कल्पना से ही होश उड़ जाते हैं। अंकल और इस पूरा सारे कोर्स था मम्मी का, हम क्या करेंगे? खजाना तो हमें मिल गया, बाकी काम सरकारी आर्कलॉयज पूरा कर लेंगे। हमें संपूर्ण पिरामिड का रहस्य जानना है। पिरामिड का खजाना हम छुएंगे भी नहीं। उस दरवाजे के पार मौजूद 15 फुट लंबी गैलरी में बंद हो गया संकरा रास्ता और सनसनाने लगे डेविड का माता सर डिकोस्टा। इतना भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? ऐसा हवा के दबाव और पिरामिड के बने इस कक्ष की बनावट के कारण भी हो सकता है। डेविड आगे बढ़ो। और इसी दृश्य से सनसना गई उनकी आँखें, जिसमें कफन की ऐसी रखी राजा बेत खामेन की मम्मी। डेविड की हल्का कंपन शुरू हुआ चीख और डिकोस्टा ने खोल दिया उस प्राचीन भेद में पुस्तकों में। माँ बेत खामेन मिस्र का एक छोटे रियासत का राजा जो पशु रक्ष से स्नान करता था, मासूम बच्चों का मांस खाता था, जन्म की जागीर था, अन्याय जिसका धर्म, इसकी मौत एक रहस्यमय रहस्य थी। कहा जाता है कुछ शैतानी ताकतों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोशिश में कहीं उस शैतानी ताकतों द्वारा मारा गया। नियम अनुसार राजा बेत खामेन की मम्मी को बनाकर पिरामिड बनाकर सुरक्षित रख दिया गया है। चीख की आवाज़ जो उसी पल बिजली कड़कड़ाहट के साथ जिसमें टकराई। डेविड डेविड कहाँ गया है? चीख की आवाज़ डेविड की थी। चीख उस गुफा से आई है, मगर वह गुफा कब बनी? उधर डेविड का सही बुरी काबरा था। उफ, जाने के शैतानी शक्ति के वशीभूत होकर मैं चलाया हूँ। बरसों से प्यासा हूँ मैं, मुझे खून चाहिए, खून जो मुझे शक्ति देगा। इतनी जोर से एक चांटा उसके गाल में पड़ा और उसका संपूर्ण वजूद तंत्र आ गया और बेहोश होकर लुढ़क गया। इस जिस्म में रहकर मेरे खून की आवश्यकता को पूरी होगी और हासिल होगी शक्ति। तभी हवा के झोंके से मंदिर सर डिकोस्टा जूलिया फर्नांडिस प्रवेश किया। बोरा डेविड, ये बेहोश कैसे हो गया? ये हमारे साथ रहकर भी अपने होश कायम रख पा रहा? अकेले में तो उसने होश होना ही था। बाहर जोरों पर तूफान था। अब इस हालत में तूफानी मौसम से निकलना ठीक नहीं होगा। आज रात हमें इस पिरामिड में बितानी होगी। इधर अचानक खुली डेविड की आंखों में भयानक सुरक्षा शैतानी सुरक्षा थी। खून खून। जूलिया का जिस्म स्वयं में अमर था। मैं 20,000 वर्षों से प्यासा हूँ। फिर अचानक जूलिया की आँख खुली और उसकी आँखों की बंद हो गई। अरे हवा में कैसे तैर रही हूँ मैं, यहाँ कैसे आ गई? बेत खान इनकी मम्मी की निगाहें उसके होश फाख्ता हो गए और उसकी निगाहें स्थिति। डेविड, उफ, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? डेविड कहो, मैं जानता हूँ। और तुम्हारा खून मेरी 20,000 वर्षों प्यास पर जाएगा? नहीं। डेविड की खूनी दांत जूलिया के गर्दन में धंस गए और डेविड जूलिया के कंठ से उबल पड़ी। दहशत में चीख, खून, हाहा, नहीं डेविड नहीं। और चू दर्दनाक चीख का झंझोड़कर फर्नांडिस सर डिकोस्टा, जूलिया की चीख। डेविड, जूलिया कहाँ गई? वह दरवाजा सामने ही था, हमें फौरन देखना होगा। उधर जूलिया की लाश मिली और डेविड उससे नहीं मिला। ओफ डेविड, यहाँ नहीं है फर्नांडिस, इतना कुछ हो गया हमें पता तक न चला। डेविड बेहोश पड़ा दूसरे कक्ष में। डेविड डेविड आहा, होश उड़ गया फर्नांडिस के भी। अगले दिन शांता तूफान, बाहर का भी और अंदर का भी होश में आ चुका था डेविड। लेकिन जूलिया की मौत की खबर को उसके चेहरे के भाव भी ना बदले थे। सर डिकोस्टा, चट्टानों खिसकाने से यहाँ इतना बड़ा रास्ता बन गया, आसानी से निकल सकते हैं। पहले हमें जूलिया की लाश को यहाँ से बाहर निकालना होगा, फिर जीप तुरंत बाहर लौटे। सर डिकोस्टा, कुत्ते हमारे जीप के पीछे काम भाग रहे हैं। गति की जीप की गति बढ़ाओ। भाव गुर्र, अचानक भयानक ढंग से घुघराते हुए उछाल पड़े कुत्ते। रेत पर जीप गति नहीं ले पा रही। उफ, भाव भाव, वह जो शक्तिशाली, ये कुत्ते तो पागल लगते हैं। इन्हें रोकने के कामयाब हो गए, इन्हें रोकने, लेकिन उन्हें रोक पाना संभव था। हम 25 लोग एक साथ सर डिकोस्टा महल पर हमला बोलेंगे। एक दोस्त अचानक इस हमले से कारण बोलेंगे, दूसरा हम 25 हथियारबंदे एक साथ हैं, हमें संभलने का हल्का भी मौका नहीं मिलेगा। और डिकोस्टा, सर डिकोस्टा के बाप दादाओं की तिजोरी का विपुल खजाना हमारे कब्जे में होगा। यह हमला कब होगा बाबा खान? आज ही रात। इधर डिकोस्टा के महल में मौजूद डिकोस्टा चर्च के पादरी देख रहे में जूलिया का विधिवत संसार हुआ। फादर जॉन अर्सी आसीन थे। सर डिकोस्टा फर्नांडिटे भी जूलिया औलादों की तरह प्रिय थे। फिर बाबा डिकोस्टा का उन्होंने, डिकोस्टा क्या आप जानते हैं जूलिया की मौत का सारा खून निचुड़ाने क्या हुई है से हुई है? या क्या कह रहे हैं फादर? शैतान जूलिया पिरामिड मौजूद की शैतान शक्ति का शिकार हुई है। और तभी पिरामिड महल में लौटते हुए चीप पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। सुना है कुत्ते शैतानों को जल्दी सूंघ लेते हैं। क्या कुत्तों ने हमला किया था? कुत्तों ने चीप पर हमला किया, इससे तो इसमें क्या था? जूलिया की लाश पर। डेविड, फादर, इस डेविड ने विचित्र हरकत की थी। फादर, अगर पिरामिड ने जूलिया खोया तो हमने वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे, ये बहुमूल्य हार लेकर लौटा हूँ। शायद इसी वजह से कुत्ते तुम पर झपट पड़े थे। डेविड कठोर होगा डिकोस्टा का। डेविड, लाओ ये हार मुझे दे दो, मुझे इस वक्त तुम्हें पिरामिड पहुँचाना होगा, क्योंकि सरकार को दी पिरामिड की अंतिम रिपोर्ट में जिक्र किया है यह हार वहाँ मौजूद की आवश्यक है। अकेले इस हार की कीमत में हमारे पुरखों की धन संपदा से भी अधिक होगी। सर डिकोस्टा फर्नांडिस डेविड की जुटा। डेविड, ऐसा कहकर तुमने अपने सर डिकोस्टा के विश्वास के प्रति वफादारी को लात मारी है, लेकिन यह हार तुम्हें देना ही होगा।
छीना झपटी में माल माला बेशकीमती पत्थर फर्श पर बिखरते चले गए। अब मनुष्य के साथ उठा रो पड़ा हुआ को उठा कुत्ता सर्द हवा के थपेड़े जैसे हिल लगे डोकोस्टा महल पर। इधर डेविड की आंखों में सुर्खी नजर आने लगी, फर्नांडिस की आंखों झपट ली, खून खून सर डोकोस्टा आहा डेविड पागल हो गया क्या। उधर 25 को डेविड की खून की शैतानी शक्ति हल्के से दूर जा गया डोकोस्टा और चीख पड़ी डरती फर्नांडिस की। उधर 25 घोड़ों पर सवार अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक और बेरहम साथियों के साथ महल पर हमला बोल रहे पहुंचा था बाबा खान। जिंग 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 क्रैक आहा जो भी दिखाई पड़े भूनते चलो, गोलियों की आवाज़ से बादलों की गरज दम तोड़ रही थी। उसी समय हवा में लहरा उठा फादर जॉन का हार्ट और स्पर्श फर्नांडिस पे जी गए। इस पर शैतानी साया डोकोस्टा से दूर रहो फादर, डोकोस्टा बुरी तरह झुंडोड़ा फर्नांडिस फर्नांडिस फादर ये मर गया है। डेविड से खून टकला, खून 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 डोकोस्टा बझावट पड़ा, फादर इसे शैतानी शक्ति से मुक्त करो, खून खून पवित्र क्रॉस जबरदस्त चोट भैर चीत कर आहा वीपसत हो चला गया डेविड का चेहरा। और इसी पर डेविड पुनः उठ पाता फादर जॉन के हमें पवित्र क्रॉस का नकीला सिरा डेविड के सिर पर से नहीं फादर नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म कर देने के लिए विवश हूँ मेरे बच्चे आ मैं मजबूर था डोकोस्टा, अगर मैं इसे ख़त्म ना करता तो इस पर चढ़ा सता नहीं शायद जूलिया फर्नांडिस की हत्याओं के बाद यहाँ और तबाही में रहता। यह सब क्या हो रहा है डेविड, मैंने हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था और आज कुछ देर में हमेशा के लिए छोड़ गया डोकोस्टा तुम्हारे तुम्हें पिरामिड के अभिशक्त मम्मी का शाप लगा है। और इस तूफान को समझने की कोशिश करो, इकट्ठा करो इस मनहूस दौलत को, ले जाओ जहाँ से डेविड उसे ले आया था, जल्दी करो डोकोस्टा जल्दी करो। तभी गोलियों की प्रचंड आवाज़ें वहाँ गूंजी और डोकोस्टा कान फादर चश्म को छलनी करता लगा जगह चश्म आ फादर जिंग 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 गुस्सा बना डोकोस्टा देखता रह गया जल्लादों को जिनके रूप में गए वहाँ प्रकट हो गए थे। बाबा खान यहाँ तो कदम कदम पर पड़ा फैला खजाना आहा इतना बड़ा चमकदारी हीरा ये तो सूरज की तरह चमक रहा है। क्रोध और चेतना के मारे सर डोकोस्टा के नसों में तनाव था। तब बाबा खान ने अपने भद्दे पीले हाथों से स्टेनगन डोकोस्टा की छाती पर दाई तड़ाक। सर डोकोस्टा हम तेरा खजाना लूटने आए और हम तेरे अलावा डोकोस्टा मैंने तुम जिंदा बचन बचे आहा बाबा खान को जवाब मिला एक छना गया थप्पड़ के रूप में। जवाब इस थप्पड़ का जवाब डोकोस्टा को मिला खंजर के प्राण खत्म आहा बाबा खान तुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए ही छोड़ेगा सर डोकोस्टा कच्च बुरी तरह तड़प कर फर्श पर गिरा सर डोकोस्टा और बाबा खान ने जमकर लूट बचाई। मैंने तुझे एकदम इसलिए नहीं मारा डोकोस्टा क्यों मैं चाहता हूँ जो चाहता हूँ कि तू अपनी तबाही अपनी आंखों से देखेगा, तबाही तो तू अपनी आंखों से देखेगा बाबा खान। बाबा खान मैंने फर्श पर बड़े इन बेशकीमती हीरों का ठगा लिया, वाह खजाना नहीं लूट रहा तू बाबा खान अपनी तबाही लूट कर भाग रहा, तेरा सर्वनाश होने वाला भागा तो तबाह होने वाला है। डोकोस्टा की पसलियों पड़ी बाबा खान की ठोकर डोकोस्टा के शेष शब्दों को कांठ में जाओगी लूट समाप्त हुई। सर डोकोस्टा बाहर निकलने के बाद महल को ध्वस्त कर देंगे अगर तू बच सका तो बस लेना। बाबा खान निकल गया जान बाकी थी फादर के जिसमें डोकोस्टा तुझे मम्मी तो तुझे मम्मी की इमारत को वापस लाना होगा वरना तबाही आहा अबड़ गए फादर जॉन के प्राण पखेड़ू। अब बुरी तरह लड़खाता डोकोस्टा गिरा, जो लोग वो लोग रॉकेट लॉन्चर से महल को ध्वस्त करने वाले हैं। सचमुच बाबा खान के संकेत पर रॉकेट लॉन्चर छूट पड़ा तबाही का दागो रुम डोकोस्टा महल जमीन से उखड़ते पत्थरों की तरह भरभरा गए। उधर उस पत्थर को सरकराकर बाहर निकला सर डोकोस्टा अपनी आंखों से तबाह होते डोकोस्टा महल को और उधर चल पड़ा थाने बढ़ते समय सर डोकोस्टा हम्फ। सर डोकोस्टा के मुंह से आप बीती सुनकर सन्न गया, ओ बाबा खान अब बचेगा नहीं डोकोस्टा, हम पूरे महल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे लेकिन इस वक्त आपको इलाज की जरूरत है। जी वायरलेस से 25 साथी से जिंदा मुर्दा पकड़ने का इनाम प्रस्तावित किया गया, खून बहुत निकल गया कुछ नहीं कर सकते, हॉस्पिटल की तुरंत डोकोस्टा का इलाज किया जाए। बाबा खान 28 से उबले थे सफलता की साहा आखिर हम डोकोस्टा के अटल खजाने को लूट लाए। बाबा खान ये तो 10 हीरे मोती पूरे खजाने में चार चार लगा देंगे, चार नहीं 10 चार। हाँ बाबा खान मैं इस कलश में से यंत्र कैसा निकला है, यंत्र हाँ बाबा खान यह देखो यह तो सिग्नल यंत्र है, ऐसा दूसरा यंत्र डोकोस्टा महल में होगा जिससे डोकोस्टा यहाँ तक पहुँच सकता है। यंत्र अपनी खजाने की जरिए सुरक्षा इंतजाम किया हुआ डोकोस्टा ने मगर हमने तो संपूर्ण डोकोस्टा महल को तबाह कर दिया, अब हम कोई नहीं पहुँच सकता और ये खजाना हमारा है। गलत बर्री मौत तो तुम तक पहुँचने मौत को तुम तक अब पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता हा हा और यह सारा खजाना बाबा खान का है, सिर्फ बाबा खान का टर्र बाबा खान आहा जिसे नीलम प्रस नीलाम करके मैं प्राप्त करूँगा सोना और फिर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। नीलामी से भाग लेने के लिए विश्व के छठे हुए को क्या था अपराधी
उस समय सड़क बोर होने वाली थी। हाँ, नीलामी हो चुकी, खजाने के बदले मुझे मिल गया है गोल्ड, जिसके बदले मैं ये देश छोड़ दूंगा। तभी गुंडर सर, बाबा खान, हम जानते हैं तुम इस खंडर में छपे हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दो। पुलिस यहाँ कैसे पहुँची, कहीं उस यंत्र के जरिए तो नहीं? हिंसक नजर आ जाएगा बाबा खान, इतने बड़े खजाने के लिए मैं लाशों के पहाड़ को लगा दूंगा, खून की नदियाँ बहा दूंगा। हम तीन गिनने तक, बाबा खान, एक, मुझे अपने ऊपर मौजूद हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। अंधेरे का लाभ उठाकर बाबा खान, दो, इन सब भुट्टों की तरह भून डालूंगा। इन सब खजाने के लिए इकट्ठा करने के लिए मैंने मेहनत की, आसानी से हाथ नहीं लग दूंगा कभी नहीं। बाबा खान हेलीकॉप्टर में समा गया बाबा खान, और इस तरह पूरा हेलीकॉप्टर से लैंड होगा। ओहो, धोखा, और उधर उठता चला गया बाबा खान, टर्र टर्र, कई शोले लपके, फायर, धाए 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 धाए, बेशुमार लोहा बरसता गया बाबा खान के, जिंग 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 जिंग, लाशों के ढेर बरसने लगे। फिर जवाई फायरिंग में गोल निस्तर था, हेलीकॉप्टर गोल था बाबा खान का। आ, बाबा खान नाम है मेरा, निस्ते नाबूद। बाबा के नीचे हैंड ग्रेनेड थमा, हैंड ग्रेनेड, और इधर हाथ ऊँचा उठा पुलिसकर्मी का, और धाएँ, और बाबा खान का दुर्भाग्य, निशाना बहुत सटीक लगा उसके हाथ पे, और कण भेदी धमाके के साथ पर कच्छड़ गए हेलीकॉप्टर के, बाबा खान के वरुम। और इधर, ओहो, आपको कुछ पूछना हो तो पूछना, डिकोस्टा होश में आ गया, मगर सर डिकोस्टा के पास समय कम है ज़िंदगी का। सॉरी सर डिकोस्टा, बाबा खान के अड्डे भारी बात है, गोल्ड में लगता है वह खजाना हार सहित बेच डाला है। तब अपने 25 सहित हाथी को मार गया, वो अभिशप्त हार, हीरे, पिरोहित, कीमती पत्थर। इधर सर डिकोस्टा का ज़िंदगी का सूर्यास्त हो गया, और इधर पूरब का सूर्यास्त, पूरब की ओर से सूर्यास्त की सूर्य रश्मियाँ पृथ्वी को छूने लगी थी। समाप्त। तो ये हु सीरीज पार्ट वन यही ख़त्म होती है। सो हु सीरीज के अगले पार्ट में मिलते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पेश है आज की कॉमिक्स हु पार्ट टू, हु टू। ये हु जो वन कॉमिक्स थी उसके अगला पार्ट है, वो आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल में हु कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आगे पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं हु टू। ये कवर पृष्ठ, पेश करते हैं हु टू, हु सीरीज। शैतान सम्राट हु, जो धरती पर शैतान आज कायम करना चाहता था, उसकी आज्ञा पर धरती पर ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, प्रतिशोध की राजनीति करने वाले पहुंचे थे 10 शैतान। इधर पिरामिड का रहस्य जानने के लिए सर डिकोस्टा, जूलिया फर्नांडिस, डेविड ने पिरामिड प्रवेश किया। टॉर्च जला लो। पिरामिड में एक मंडराती एक आत्मा, प्यासी आत्मा ने डेविड के शिकार को अपना निवास बनाकर जूलिया का खून पीकर उसे मार डाला। जूलिया की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब डिकोस्टा महल में पहुंचकर डेविड ने फादर जॉन डिकोस्टा फर्नांडिस की पिरामिडों की रानी मम्मी चलाया हुआ हार दिखाया। छीना जपटी में हार टूट गया और डेविड पर हावी पिरामिड खूनी आत्मा ने फर्नांडिस को ही मार डाला। आहा, जबकि इधर फादर जॉन ने पवित्र क्रॉस की मदद से डेविड तथा खूनी आत्मा को मार डालने में कामयाब हो गया। नहीं फादर, नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए विवश हूँ मेरे बच्चे। आ, तभी बाबा खान ने वहाँ पहुँचकर हमला बोल दिया। उसी समय डाकू बाबा खान सर डिकोस्टा की अतुल संपत्ति लूटकर डिकोस्टा महल की ओर बढ़ा था। इसी हमले में बुरी तरह घायल हो गए फादर जॉन। सर डिकोस्टा, बाबा खान ने 25 आदमियों के साथ जमकर लूटपाट की। डिकोस्टा महल को ध्वस्त करके लॉन्चर रॉकेट छोड़ दिया था। भीतर पिरामिड को हार को तुम्हें वापस लाना होगा। डिकोस्टा महल को ध्वस्त करके जाने से रोक सका। इधर बाबा खान ने डिकोस्टा महल से लूटे गए खजाने पिरामिड के हार को विश्वविख्यात माफिया गिरोहों को बेच डाला, लेकिन इन वक्त पर पुलिस ने वहाँ पहुँचकर बाबा खान को मार डाला। इधर हॉस्पिटल में हो गई डिकोस्टा की मौत। यहाँ तक कथानक आपने पढ़ा हूँ मैं, अब आगे पढ़ते हैं। ये सब प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़ें। 20 मंजिला 5-स्टार होटल डार्क पैलेस की छत पर शानदार पार्टी। मिसेज शीतल शेठ ने 25वें जन्मदिन पर केक काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू शीतल, डार्क पैलेस। मिसेज गजराज सेठ ने मिस शीतल को दिया अनमोल तोहफा। इसे खोलकर देखोगी झूम उठोगी। सच सचमुच फटी रह गई आँखें, शीतल की आँखें। ओफ, इस नेकलेस में तो विभूषित इस हीरे की चमक की आंखें तो नहीं ठहर पा रही। अद्भुत है ये। उस हार से खुद गजराज शीतल के गले में इसमें सुशोभित हो गया। अचानक बिजली गुल हुई। अरे क्या हुआ, बिजली गुल हो गई। अंधेरे में चीख गूंज उठी। आहा, फर्श पर खोलकर एक बोतल शहीद हो गई। खनाक। और गजराज सेठ के कांसकों ने शीतल सेठ को अपनी ओर खींचा। बचाओ शीतल। ओफ, जबरदस्त खूनी हादसा होने जा रहा था। गजराज, ओफ। तभी किसी उसी पल मेहमान की फुर्ती देखने काबिल थी। सर, मेज के ठीक नीचे से पहुंची उसी पल बिजली गड़बड़ा उठी। आहा, और वहां पर देख स्याही सी पुत मौजूद मेहमानों की चर्चा में। उफ, अगर मिस्टर नारायण तेज को ठीक मेज को ठीक समय पर शीतल जी के नाम धकेती तो गजब हो जाता। ओहो जीसस, एक अनहोनी टल गई। तुम ठीक तो हो ना शीतल? हो गजराज, अचानक यह सब क्या हुआ? यह सब शीतल पर टले उस भयानक संकट का
संकट का खुशी से पार्टी में और जोश भर गया मिस्टर नारायण। आज के आपके कारण मेरी पत्नी को नया जीवन मिला है। उसी वक्त चमत्कृति पार्टी दूर कहीं घड़ियाल रात 12 बजने की सूचना 12 घंटे बजाकर देगा। टन 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 वापसी के लिए पहला कदम रखने वाली शीतल सेठ। आहा, आज पार्टी का डबल मजा आ गया। और होनी के लिए अपना खतरनाक जबड़ा बोल दिया। गजराज, अरे उफ, लिस्ट अपने बीच चली गई। पर यह हुआ कैसे? दरवाज़ा बना था, लिफ्ट कैसे चल सकती है? दूर वेग तक नीचे चलती लिफ्ट को नियंत्रित करने की बदहास चेष्टा की शीतल ने। ओ गॉड, इसकी तो नियंत्रण प्रणाली काम ही नहीं कर रही। इसी तरह अनिष्ट की आशंका से थरथरा उठे थे। लिफ्ट के स्थान पर कूदने की गजरा को जकड़ लिया। शीतल में आ रहा हूँ, रुको, पागल मत बनो। नीचे फुर्ती से बिखर गई लिफ्ट, नीचे चलती चली गई धड़ाक। अंदर खून से नहा गई शीतल। घटनास्थल पर कुछ मिनटों में शीतल एम्बुलेंस छोड़ गई, दौड़ पड़ी शहर के सबसे महंगे गंगाराम अस्पताल की ओर। वूं वूं वूं, केस की गंभीरता को सघन चिकित्सा कक्ष में खलबली मचा दी थी। और सीनियर सर्जन डॉक्टर गजोश गजराज ने मुखातिब हुए। मिस्टर गजराज, आपकी पत्नी की हालत गंभीर है, 6 यूनिट खून चढ़ाया जा चुका है, लेकिन खून की कमी फिर भी बनी हुई है। उन्हें फ़ौरन खून की जरूरत है, तो आप मेरा खून लीजिए, मगर उसे ठीक करिए डॉक्टर। हमारा खून भी टेस्ट कर लें डॉक्टर, शायद वो शीतल जी से मैच कर जाए। स्थान भारत, देहरादून की खामोशी। वह अद्भुत प्राकृतिक छटा बिखेरती स्वर्ग सी धरती। डून स्कूल, देहरादून स्कूल, सर विक्टर डिकोस्टा, 15 वर्षीय खूबसूरत, ब्रिलियंट, गंभीर, आकर्षक व्यक्तित्व चेहरा, दून स्कूल का कक्षा 11 का छात्र। पिछले वर्ष दून के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों ने गौरव उसे प्राप्त हुआ था। विक्टर जो इस समय मौजूद था हॉस्टल की वार्डन मिस जूही के ऑफिस में। विक्टर, मिस्टर से तुम्हारे लिए पैकेट आया। मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट की मृत्यु के बाद उनकी अलग इच्छानुसार दादाजी ने मुझे अपने अलग हिंदुस्तान में रखा, क्योंकि मम्मी हिंदुस्तान थी और मेरे पापा भारत में बहुत पसंद आता। दादाजी ने हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। यह सुनकर वार्डन मिस जूही की आंखें विचित्र भाव से उड़ी। विक्टर, तुम्हारे दादाजी का देहांत हो गया है? नहीं, दादाजी ने भेजा होगा, कल मेरा जन्मदिन है। यह पैकेट और ये तार, वहाँ की पुलिस ने तुम्हारे नाम भेजा है। विक्टर ने संभालते हुए जूही पार्सल खोला। इसमें एक डायरी और एक फोल्ड किया हुआ कागज़ है। विक्टर, इसे खोल कर देखो। फोल्ड किया हुआ कागज़ वसीयत थी और डायरी ने विक्टर खोली। प्रिय विक्टर, जब तक ये डायरी और वसीयत तुम्हें मिलेंगे तब तक मैं तुमसे दूर जा चुका हूँ, लेकिन तुम पर एक भारी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ। तुम्हें इस जिम्मेदारी को पूरा करना है बेटे, आत्मा की शांति, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। विक्टर ने डायरी का पन्ना पलटा और एक एक करके कई पन्ने पलटे। अब तब मुझे फ़ौरन अपने माइकल चाचा के पास चौनासर जाना होगा। मैडम, मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ। विक्टर, मैं तुम्हारी छुट्टी और चौनासर जाने की व्यवस्था करती हूँ। देहरादून के पास चौनासर की ओर रवाना हो गया विक्टर। मैं आपकी अंतिम इच्छा को ज़रूर पूरी करूँगा दादाजी। और उस वक्त शाम 7 बजे थे और जब उस एकांत स्थान पर पहाड़ी भूत की खड़ी कॉटेज कॉल बेल की विक्टर ने दबाया। करन, अगले क्षण दरवाजा खोला, झांका मधुर ने। कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? सुनने की आवाज से मधुर कंठ से, विक्टर डिकोस्टा, वह विकी, तुम विकी हो? विक्टर ने सुताया, तुम अंदर आओ ना प्लीज विकी। चट दरवाजा खुल गया, अपार हर्ष है। तुमने कोई पहचाना नहीं है? मधुर हूँ, आज बरसों बाद किसी घर में किसी कदम पड़े हैं। तुम अंदर आना विक्की, अंदर आ, पापा तुम्हें देखकर कितने खुश होंगे, उछल पड़ेंगे। सचमुच माइकल चाचा उसे सीने से लगाया। तू बहुत छोटा था रे, तेरे पिताजी दादाजी मुझे छोड़कर साया में दूर रख के वचन लेकर मुझसे चले, मुझे ले लिया था। क्योंकि मैं तंत्र मंत्र भटकती रूहों को सिद्ध करने में लगा रहता था, इसी कारण तुम्हारे पिताजी और दादाजी मुझसे नफरत करते थे और चाहते थे कि मैं दुष्कर्म छोड़ दूँ। वो सब काम अब मेरी ज़िंदगी बन चुके हैं। विश्राम डिकोस्टा की डायरी पढ़ने के बाद माइकल का गंभीर हो गया। तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे लगता है तो आप पहुँचे हो, लेकिन पिरामिड में मम्मी की अमानत ढूंढना इतना आसान ना होगा, क्योंकि ऐसा जिक्र इस डायरी में कहीं नहीं है कि बाबा खान के पास वह हार कहाँ गया। चाचा जी, दादी ने इस डायरी मुझे केवल आपसे मदद लेने को आया, आखिर कोई रास्ता तो हमें ढूंढना होगा। बड़बड़ा उठा माइकल। यह हार कहाँ, यह बात सिर्फ मैं बाबा खान बता सकता है। बाबा खान मारा जा चुका है। तुम चाय पी लो विक्की, इस समय समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। मिल गया हल, इस समस्या का हल, प्लेन चिट। मैं बाबा खान की आत्मा को प्लेन चिट बुला रहा हूँ विक्की, तुम मेरी आत्मा आज्ञा के बिना इस घेरे से बाहर मत आना। उसी क्षण सिरा मधुर और विक्टर के जिस्म में धुंधली सी सफ़ेद आकृति प्लेन चिट के बर्तन मंडाने लगी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मुझे तकलीफ हो रही है। बाबा खान, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तुम्हें इस तकलीफ से शीघ्र मुक्त कर दूंगा। सुलग रहे, सोनों से बदली आई थी माइकल का कि मुझे बताओ बाबा खान सर डिकोस्टा के खजाने के साथ तुम बेहद प्राचीन काल की मम्मी की अमानत के उस हार को कहाँ रखा था? बाबा खान की आत्मा से गले से खटखट फूटो सर, मैंने उस हार के हीरों को अलग करके बेहद ऊंचे मूल्य पर विश्व के माफिया गिरोहों को
खजाने के साथ नीलाम कर दिया है। मुझे उन माफिया गिरोह के नाम पते सही हैं। बाबा खान की आत्मा सब कुछ बताई चली गई। अब मुझे आज़ाद करो, मैं तकलीफ़ हो रही है। अभी नहीं, अभी उन लोगों की तस्वीरें तुम्हारी आंखों में देखूंगा, उसके बाद तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। विक्की बेटे तैयार हो जाओ, मुझे बाबा खान की आत्मा को मधुर के शरीर में प्रवेश करना होगा। तुम्हारे सामने अभिशप्त नींबू पड़ा है, आदेश पाती नींबू के दो टुकड़े कर देना। ध्यान है विक्की, जरा सी चूक मधुर की जान खतरे में डाल सकती है। लेकिन चाचा जी, बाबा खान की आत्मा को आप मेरे शरीर में विक्टर की बात सुनकर मंत्रों को उच्चारण को तीव्र कर चुके। बाबा खान इस शरीर में प्रवेश करो। खूबसूरत चेहरा पलों में विकृत हो चला गया। उन लोगों की सूरतें एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने लाओ बाबा खान, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। तब माइकल ने चीख कर विक्टर को आदेश दिया। विक्की हरी, अब नींबू काट दो। पसीने से लथपथ था विक्टर का चेहरा और उसी पर हड़ाहट में नींबू छूट कर दूर जा गया। चाचा जी, विक्टर पड़ता नहीं, इस खेल से बाहर मत आना। नींबू को घेरे में रहकर उठाने की चेष्टा करो। हरी अब विक्की, यह देख, चीख पड़ा माइकल और घेरे के अंदर फर्श में लिट गया विक्टर। हम्फ हम्फ, जल्दी करो विक्की, जो ओ गॉड हेल्प मी। उसी पल जो है भयानक नशे भयानक ढंग से छूने लगी और फई फट जाएंगी। विक्टर जैसे पागल उठा हम्फ और अगले पल कटार की धार नींबू के दो टुकड़े कर दिए और कट गया नींबू। इधर धड़ाम से फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। मधुर मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? ओहो मधुर शीघ्री। ओफ चाचा जी, आपने मधुर दीदी को जानकर तमड़ इसके लिए। अगर मैं ऐसा ना करता तो उन लोगों की तस्वीर न देख पाना संभव था जिन लोगों के पास पिरामिड की मम्मी की अमानत है। भाव्य को रोकर माइकल डिकोस्टा के सीने में लग गया वेक्टर और मासूम बच्चों फुट फुट होकर। ओह पिताजी और दादाजी हमेशा कितना गलत समझते रहते थे आपको। अब तो महान है चाचा जी, और मधुर दीदी बहन का प्यार ना होता तो मुझे आज मालूम पड़ा। यहाँ मैं अगर ना आता तो सारी उम्र मुझे ये प्यार नसीब ना होता। प्लेन चिट की इस घटना के 3 दिन पश्चात वेक्टर बेटे, ये हैं उन 10 लोगों की तस्वीरें जिन्हें मैंने इस कला के जरिए बनाया है। इन्हीं के पास पिरामिड की भूमिका नाम आता है। अब इनकी खोज की अमानत के वापस लाना तुम्हारा काम है। इन तस्वीरों के पीछे उन लोगों के नाम व पते लिख दिए गए हैं। मैं उन लोगों को जरूर ढूंढूंगा, लेकिन यह काम तुम अकेले नहीं करोगे विक्की। यह काम मैं तुम्हारा परपस साथ दूंगी, मैं भी साथ चलता, लेकिन जिन सिद्धियों को मैं पूरा करने में लगा हूँ उन्हें बीच में छोड़ जाना बेहद खतरनाक होगा मेरे लिए। माइकल से भरपूर मिला लेंगे वह वेक्टर मधुर साथ देकर चढ़ पड़ा एक ऐसे मिशन पर जिसकी सफलता या असफलता की कोई गारंटी नहीं थी। अलविदा बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफल करे। इधर शीतल सघन चिकित्सा क्षेत्र में अभी भी जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रही थी, और इधर डॉक्टर घोष मोहन के साथ ICU में और बढ़ रहे थे। आइए मिस्टर मोहन कपूर, आपका खून शीतल के खून के साथ मैच कर गया, थैंक्स गॉड। गजराज सहित मौज लोगों की निगाहें ICU के दरवाजे पर चिपकी रह गईं। इधर डॉक्टर घोष की देखरेख में खून मिस्टर मोहन कुमार की नाड़ियों में सामने आने लगा था। नर्स, अधिक देर तक 1.5 यूनिट खून आप मिस्टर कुमार को पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। डॉक्टर घोष के जाने के बाद नर्स लेबोरेटरी में केस की फाइल लिखने में व्यस्त थी। ICU में कक्ष की धार जैसे पैनी खामोश छा गई और इधर अचानक बोझल हो गई थी मिस्टर मोहन कुमार की आँखें। इतना अधिक बोझल की नींद से बंद हो गई उनकी पलकें। खून तेजी से खिंचता चला गया जिस्म नाड़ियों में। नर्स लीलू बोटी उठकर शीतल की नब्ज पर हाथ रखा, उस भयानक सन्नाटे में धक धक की ध्वनि की साफ होती की थी। अचानक ही चकराया उसका दिमाग, उफ, कुर्सी पर निधाल से गिर पड़ी। इधर दमे के मरीज के हदर हाफने लगा मिस्टर कुमार, हम फम। इधर डॉक्टर घोष भीतर प्रवेश कर गया, अगले क्षण पाओ तले जमीन खिसक गई। ओ माई गॉड, बाज के समान मोहन कुमार की ओर झपटे। दंग रह गए डॉक्टर घोष के ऊपर ऐसे बोतल के आगे जाते खून देगी। ओ गॉड, पाइप की खून तो खाली है तो क्या? ऑफ नहीं, नब्ज टटोली तो नब्ज गायब थी मोहन कुमार की। पागलों की झुंडा लिली लिली, ओहो, बरस पड़े डॉक्टर घोष पर। तुम यहाँ सो रही हो, उधर देखो, गजब हो गया मिस्टर मोहन। सारा चश्मे उसके खून से नहीं छुड़ सका। बेको, ही इज डैड। अलग फाल क्यूटी, नो। शीतल सेठ पूर्व चल रही थी और हार्ट भी सामान्य थी। ओफ, जरूर से ज़्यादा खून इसके जिसम में जा चुका है, फ़ौरन ब्लड टेस्ट करो। हरी अप, टेस्ट रिपोर्ट में डॉक्टर घोष के और चक्के खड़े रिपोर्ट कागज देखते चले गए। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इतना खून चढ़ा होने के बाद भी खून की वैसी कमी आश्चर्यजनक विषय है, आतंकित। हड़बड़ाई सी खड़ी नर्स लीली बूटी ने पूछने का साहस तक नहीं हो पाया था। मोहन कुमार की आकस्मिक ढंग से हुई मौत सबके चेहरों पर मातम छा गया। फिर डॉक्टर घोष के ऑफिस में, डॉक्टर घोष, आप अपनी इस गलती को खूनी गलती को स्वीकार कीजिए। मिस्टर मोहन की मौत का आप और ड्यूटी नर्स की लापरवाही से हुई। नो नेवर, यह एक आश्वास है जिसे खुद मेरा वजूद हिला रखा है। खून की एक यूनिट लेने के बाद 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस केस में सिर्फ 10 मिनट में मोहन कुमार को सारा खून आपकी शरीर की पत्नी में ट्रांसफ़र किया है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। बर्फ खाना हमारा कोल्ड स्टोर है, यहीं से फिर जहाँ से निर्माण होता है बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियों का, और यहीं से फिर बर्फ़ पूरे शहर में स्थान स्थान पर जाती है। इसके अलावा
कुछ एक विशेष सिलनियों का निर्माण होता था जिसका रहस्य जान लेने का अर्थ था। एक भयानक मौत, एक भयानक ठंडी मौत, आहा ओहो खच। ये विशेष सिलियाँ दूसरे सिलियों के बीच में कुछ विशेष स्थानों पर सप्लाई की जाती थी, जहाँ सिलाइयों के सफ़ेद पैकेट निकाल लिए जाते थे और इन पैकेटों में मौत और फिर हेरोइन बेची जाती थी पूरे शहर को। और पूरे शहर में शामिल हो भोले वाले जो नशे के जाल में फंसाए जा रहे थे। और आज बर्फ खाने पहुँचा था विक्टर डिकोस्टा, जिसके साथ ही मधुर, कौन हो तुम, मुझे इस व्यक्ति से मिलना है जिसका नाम ब्रिगेंजा है और जिसकी नशे के धंधे पूरे शहर में ज़बरदस्त पकड़ है। विक्टर दास की बात सुनकर जादुई असर हुआ। कौन हो तुम, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि तुम भी उनमें से एक हो। बाबा खान की नीलामी भाग लिया था। मिस्टर ब्रिगेंजा, हम किसी एक चीज़ किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, वह हीरा चाहिए जिससे बाबा खान ने तुम्हें नीलामी खरीदा था सोने के बदले। तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। तुम दोनों को मैं जिंदा जाने नहीं दूंगा। या नहीं है, तुमने यहाँ से पहले क्यों नहीं सोचा? मिस्टर ब्रिगेंजा, मैं फिर से कह रही हूँ, वह हीरा हमें वह हीरा चाहिए। और वह भी जान लो कि वह तुम्हारे लिए मौत और तबाही है, और उसे हमें लौटा दो। ब्रिगेंजा, मम्मी की अमानत है। किसी आरा मशीन के चलने की आवाज़ तेज गूंज उठी बर्फ की आवाज़ में। घर्र, यह कटर बर्फ की सिल्लियों को काटने के साथ साथ तुम्हारे इंसानी जिस्म के टुकड़ों को काटने में काम आएगा। इसी पल कठोर हो गया विक्टर का स्वर। कुछ भी करने से पहले ठहरो मिस्टर ब्रिगेंजा, और इसे देखो, तुम्हारी कार। जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूँ, इस सूट केस में भरा बारूद अगर फटा तो तुम इस बड्डे को ना खुद बचा पाओगे। उसके फटने में जो टाइम बम में रखा है, उसके फटने में केवल 2 मिनट बचे हैं और इस बम को केवल मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। जल्दी करो ब्रिगेंजा, आधा मिनट गुजर चुका है। जल्दी बताओ, वह हीरा कहाँ है जिसे तुमने बाबा खान की नीलामी से खरीदा था? उस वक्त मधुर ने एक शीशी में भरा केमिकल पसीने से चाहा ब्रिगेंजा, यहाँ पहुँच कर वह हीरा मैंने एक बड़े ज्वेलर जौहरी ब्रदर्स को दिया था। टाइम बम डिस्कनेक्ट करो। जौहरी ब्रदर्स का पता बताओ जल्दी। ब्रिगेंजा टेप रिकॉर्डर की ओ तरह बोलता चला गया। और इस वक्त मधुर ने एक शीशी में भरा केमिकल सूटकेस में फेंका और तेज आवाज़ के साथ बड़ा सूटकेस चारों ओर घना धुआं छा गया। धोखा पकड़ा और बस के दाने पाए खौं खौं, लेकिन कोई भी स्थान से आगे न बढ़ पड़ा। धुआं छटा तो, और फिर अब अपनी नागों छिद्रों से फिल्टर निकाल लो। जहरीली गैसों कोई डर नहीं। सूटकेस में भरे जहरीली गैस के पाउडर और शीशे में भरी केमिकल रिएक्शन विस्फोटला खूब काम आया मधुर दीदी। हाँ, और अपनी विज्ञान की पढ़ाई को ऐसे कई करिश्मे सीख चुकी हूँ मैं। यहाँ पुलिस के बारे में यह बता देना चाहती हूँ, शैतान अपने आने के लिए सजा पा सकें। मधुर की सूचना बर्फखाना सील कर ब्रिगेंजा उसके आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। उधर मधुर जौहरी ब्रदर्स के शोरूम पहुँचे। ओह, शोरूम तो चलकर राख हो गया है। उन गार्ड से पता करते हैं। 3 दिन पहले भयानक आग लगी थी जिसमें शोले भी भड़क रहे हैं। और आग कैसे लगी, पुलिस किसे लाख से खपाने का रहस्य पता नहीं लगा पाई। जौहरी ब्रदर का मालिक शिव कुमार जौहरी 55 पति जलने कारण अस्पताल में था। हाँ, वह हीरा मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा था और शायद आग लगने से पूर्व मैंने आखिरी बार हीरे जड़े नेकलेस को बचा था। जल्दी बताइए सेठ जी, वह नेकलेस किसके किसे भेजा था? क्योंकि वह मम्मी की अमानत है और जहाँ आएगा मौत तबाही का खेल कहेगा मैं अमानत को प्राण बचाना है। ओहो, इधर शीतल के खून उतरने की आवश्यकता भी बनी हुई थी। आइए मिस्टर अर्जुन, आपका खून भी शीतल से मैच करता है। लेकिन डॉक्टर घबरा नहीं, इस बार मैं खुद वहाँ रहूँगा। अर्जुन का खून शीतल बेहोश की नशे में दौड़ने लगा और नर्स दोनों ड्यूटी लगा दी थी। स्वयं डॉक्टर घोष शीतल निगाह में थी, सबको सामान्य चल रहा है। तब अचानक डॉक्टर घोष की उंगली रक्त प्रवाह देकर ब्लड ट्रांसफर पर थिरकी और बेहोश शीतल की सामान्य गति चल रही थी और उसी पर भारी हो गई अर्जुन भी और दिमाग चलाने लगा घोष का। उफ, क्या हुआ सर? सर सर, आहा, नर्स की स्केल फटी सी आँखें चिमके पानी की बूंद बिस्तर पर उछलते अर्जुन। हम फाफो उन्हों, दमे के मरीज की तरफ उठा अर्जुन। घबरा कर अर्जुन और उसकी लपकी नर्स अचानक ठोकर खा गिरी। ठक, आहा, ओहो, कंठ से एक तेज चीख रही, होश उड़ गए। खून की एक छी अर्जुन से शरीर से खाली होती चली गई। हम फम फम फम, अजीब सा भयानक टेढ़ा मेढ़ा होता। ठीक उसी पर लपका हाथ, तड़ाक, और भयानक आकाश थरथरा उठा। कड़ा कांप उठी धरती। नेकलेस के लिए हाथ में लिए चीख उठा विक्टर। मधुर दी, जल्दी करिए, अभिमंत्रित पवित्र क्रॉस खोलिए। तेजी से आंखें बड़ी मधुर खोल चुकी थी क्रॉस रूपी व डिबिया और इसी पर बाज के समान झपट कर विक्टर ने क्रॉस में डाल दिया। उफ, मधुर ने खटाक से डिबिया को बंद किया और इधर शांति छा गई। चौक कर उठे। ओह, क्या हुआ था मुझे तुमसे? अर्जुन की हालत गंभीर है डॉक्टर को, जल्दी कीजिए। आहा, डॉक्टर को उसने तुरंत ब्लड सप्लाई पाइप को शीतल की कलाई से अलग कर दिया और इस पर बोतल में भरी अर्जुन की नाड़ियों में समाने लगा। सॉरी मिस्टर गजार, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। नहीं, और तभी मधुर की ओर क्रॉस से स्थापित है। ओह, यह सब इसलिए हुआ, इसका मतलब शीतल पहले से ही मर चुकी थी और मम्मी के अभिषेक कारण साथ चल रही थी। और वह नेकलेस उतारते जाने से शैतानी साया भी शीतल से उतर गया और शीतल पूर्ववत लाश में बदल गई। उफ, मिस्टर गजराज, इस नेकलेस की पूरी कीमत हम आपको देंगे क्योंकि इसमें स्थापित हीरे को ब्रांड पहुंचाना है। कीमत लेके मैं क्या करूंगा, मेरा सबको तो शीतल के साथ पहले ही लुट चुका है। समाप्त।
तो दोस्तों ये शानदार कॉमिक्स हु टू यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे इसके अगले पार्ट हु थ्री में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। पेश है कॉमिक्स हु थ्री। इसके पिछले दो पार्ट हु कॉमिक्स हमने अपलोड कर रखे हैं। नहीं पढ़े हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आगे हु कॉमिक्स की प्लेट में आगे पढ़ सकते हैं। पेश करते हैं हु थ्री। इसका देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, बड़ा ही शानदार कवर पृष्ठ है। बहुत ही मुझे बचपन में मनमोहक लगती थी सीरीज़। बहुत इसके बीच भाग दौड़ की है, मिली है, तब जाके हु थ्री हु सीरीज। चीन जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, चीन जो विश्व में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कारण जाना जाता है। विश्व में चीन एक ऐसा देश है जहाँ सांप, चमगादड़ों और मेंढकों को भी भोजन के रूप में खाया जाता है। उसके स्वादिष्ट चॉपसी, कई स्वादिष्ट भोजन जो दुनिया भर में चाउमिन चॉपसी जो शौक से खाए जाते हैं। बेन हू नामक उस छोटी सी रियासत में संचालन इसी बेन हॉल से होता था। राजकुमारी शी के संकेत होता था और राज बेन हू की बागडोर थी रियासत की राजकुमारी शो के हाथ में, शी के हाथ में। राजकुमारी शी जो आज पालतू तेंदुआ को भोजन कराने पहुंची थी। पिंजरे का दरवाजा खोल दो और राजकुमारी शी के भयानक तेंदुए पिंजरे में पहुंचे। गुर्र 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 और मौत से घबरा उठे बकरे। बुरी तरह घबरा कर इधर भागे, लेकिन पलक झपकते ही बकरों को चीर फाड़ डाला तेंदुओं ने। बेन हू के सुरक्षा पूर्ण जिम्मेदारी थी विशेष पदाधिकारी मिस्टर चौन की, जो इस वक्त अजीब सी निगाहों से देख रहे चौकशीन को। आपको ऐसे खतरनाक मंजर नहीं देखने चाहिए मैडम, तेंदुओं के मुंह में लगा खून साफ कर रही थी शी के आ गए। मिस्टर चान रियासत चलाने के लिए साथ हमें पता होना चाहिए कहाँ पर वार करने पर शिकार को तुरंत प्रायोजित किया जा सकता है। हम वही देखना चाहते थे। राजकुमारी शी ने एक अनोखा परिवर्तन महसूस हुआ चान में। मनुष्य जिसके विकास की चिड़ियाँ चढ़नी शुरू करी, पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने। आधुनिक बनने की अंधी दौड़ और जिसमें फंसकर लालच स्वार्थ वशीभूत इंसान का नैतिक पतन हुआ। उसके दिमाग को जकड़ लिया शैतानी ताकतों ने। तब पृथ्वी के चारों ओर शासन कायम करने का ख्वाब पूरे शैतान सम्राट हु अपना जाल फंसा चुका था 10 शैतानों की पृथ्वी को पृथ्वी और भेजकर। और इस समय शैतान सम्राट हु अपने शैतानी ग्लोब में देख रहा था पृथ्वी का दृश्य। मेरे एक शैतान सैनिक पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। मेरे शेष शैतान सैनिक को खोज के लिए ये अभियान निकल चुके हैं दोनों, और इन्हें रोकने के लिए एक मानव कोई माध्यम बनाऊंगा। अगर खुल्लम खुल्ला शैतानी शक्तियों का प्रयोग कर मेरे अभियान को खतरनाक होगा। मुझे अपनी सीमित शक्तियों का प्रयोग करना होगा। हु रिटर्न्स जो अब आने वाली है कॉमिक्स, उसी में शैतान सम्राट हु फिर वापस आएगा। इधर बॉम्बे एक्सप्रेस के S4 कोच में थे विक्टर मधुर। गाड़ी छूटने में 10 मिनट बचे हैं विक्की, 10 मिनटों में अपनी सीट्स पर होंगे। उसी वक्त पूरी गतिविधि के साथ फिसलते हुए एक अंतर्वक्ष थी। ओहो वो तीसरा पैसेंजर कहाँ गया, हमारा सूटकेस। उसी तरह सूटकेस विक्की की नींद टूटी। ओहो वो रहा हमारा सूटकेस, उसके पास उसमें हमारी पासपोर्ट और मम्मी की अमानत है। कनपटिया सजाने लगी थी उसकी। कंपार्टमेंट के विकास में पहुंचे विक्टर ने चोर उफ और चोर का शक्तिशाली घुसा प्रदर्शन विक्टर के चेहरे से टकराया। उफ विक्टर ने स्वयं चोर की टांग पकड़ ली। उफ अगर ये सूट के लिए जाने में सफल हो गया तो गजब हो जाएगा। चोर के हाथ से सूटकेस पार लिया, चीख निकलाई विक्टर के मुंह से। मुझे लगा मैंने कोई चीख सुनी, विक्की कहाँ गया। इधर विक्टर का जिस्म आए होते का ओह नो, वह तो सूटकेस सही ट्रेन में कूद गया है। तभी उस तरह आके विक्की ओह गला फाड़ कर चीख उठी। कंपार्ट में भागा। उधर विक्की दिलदाने पे आया उफ उठकर लड़खड़ा उठा। उफ उधर सर्च ऑपरेशन में टॉर्च की रोशनी में भाग रहा था चोर। अपना सूटकेस तुरे में किसी भी सूरत में हासिल करना है। हाथ में था पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा। चोर ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इसके पीछे ट्रेन में कूद पड़ूंगा, इसलिए सबसे लापरवाह है। पत्थर ठीक चीर की खोपड़ी चोर की खोपड़ी में लगा। हा भड़ा अगर संभल पाता उससे पहले ही उछलकर विक्टर उसे आगे ले गिरने पर विश कर दिया। आहा और चोर की ओर से कोई जवाबी कार्य न होने पर विक्टर ने टॉर्च की रोशनी से लगा। मेरा फेंका पत्थर इसके सिर पर पूरी शक्ति से लगाया जिससे अपने होश को बैठा है। मैंने ढूंढते हुए जंजीर खींच लिया। विक्टर अगर मैं चोर से ट्रेन से ना कूदता है चोर हमारा सूटकेस ले उड़ता। विक्टर सूटकेस ने डाया। विक्की तुम ठीक तो ना मधुर, इस रूट पर ट्रेनों में चोरियों की बहुत खबरें मिलनी थी। चोर के हाथ में ही है आपने कपड़ों और नीचे ताकि गाड़ी कूदने से पहले चोट ना लगे। ये पेशेवर चोर है। इधर जो है मुंबई सेंट्रल पहुँचे बॉम्बे ने हमारी फ्लाइट रात 2:20 में। मुझे तो स्वयं सोचकर छुट्टी तोड़ी है मधुर दीदी, अगर वह चोर हमारा सूटकेस ले जाने में कामयाब होता तो क्या होता। ये इधर नागराज बना हुआ है और कॉमिक्स का स्टॉल है जो अक्सर स्टेशनों में मिलता है। रात 2:20 विमान चीन की ओर उड़ान भरी। दूसरे देशों में हमें भाषा की समस्या भी उठानी पड़ सकती है मधुर दीदी शायद, लेकिन अंग्रेजी के रहते समस्या गंभीर नहीं होगी। बिजली भयानक रूप से गड़गड़ा रही है बेन हू के महल पे। ओफ चीन मिस्टर चांद लगता है आज कोई भयानक तूफान आने वाला है। खनाक
सचमुच मौसम का ऐसा तीव्र खौफनाक तूफान कभी नहीं देखा था। खन खन जरूरी दौड़ने लगी थी, आवाज़ों के साथ झूलने लगा था कीमती फानूस, खाना खच खच खच। और अचानक ही आहा, खून से तरबर हो गया उसका जिस्म। संतरावटी कर्मचारी, ये तो मर गया। राजकुमारी शी, बहुत चक्की थी राजकुमारी सिंह, हमारा दिल बार बार चिक कर गया। कोई तूफान आने वाला है, लाश को हटाने की व्यवस्था करो। अब इस तूफान की कोई भी कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है तूफान में। और इधर रात को बर्फ़ की सिल्लियों में रखने का निर्णय लिया गया। बाहर चल रहे भीषण तूफान में कोई कमी नहीं आई थी। अगले दिन संपूर्ण बहन ने बचे गई, सब पर सारा मांस नुचा हुआ है। वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानवर के लाश को झंझोर डाला है। चांद के निवेदन पर राजकुमारी सिंह को लेकर पालतू तेंदुए के पास पहुंचा। पिंजरा टूटा हुआ, राजकुमारी दोनों तेंदुए गायब हैं। अगर तेंदुआ युद्ध पर स्तर पर तेंदुआ की तलाश की गई। इधर अंगारे सुनती थी राजकुमारी सिंह, पिछले 10 सालों में तेंदुए आए, मगर ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई। अगर सचमुच दरिंदा भरा यह काम मेरे पालतू तेंदुए के यहाँ भयानक सजा दूंगी। मगर तेंदुओं को हर रात एक जिंदा बकरा भरपूर भोजन देता है, फिर क्यों? उधर महल में प्रविष्ट कर फट गई सबकी आँखें, क्योंकि इस पर इजायब जो महल का अजायब घर था वहाँ रखी जाती रियासत की ऐतिहासिक महत्व तो बहुमूल्य चीज़ें हैं। राजकुमारी जी, दोनों तेंदुओं के जबड़ों पर अतला, अगर इसका मतलब इन दोनों ने ही शवों के मांस को नोच खाया है। और राष्ट्र राजकुमारी सी हंटर बरसा रही थी, दोनों तेंदुओं पर उग्र न हुए थे। खड़ाक सड़ाक बल्कि चाटर सी के बाहर, ना जाने क्यों मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं कि तेंदुओं ने एक लाश पर मांस नोचा है, जबकि ये दोनों पालतू तेंदुए केवल जिंदा बकरों को मारकर ही उनका भोजन करते हैं। गर्र गर्र। विक्टर और मधुर पहुंचे थे चीनी पुलिस की फाइलों में, कैसे डाकू के रूप में क्या था जो चीनी पुलिस की फाइलों में, यह कैसे डाकू जो आज तक किसी पुलिस के हत्या नहीं चढ़ा। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि कभी चुप नहीं बैठता और डकैतों एक डकैती की सफलता के तुरंत बाद दूसरी डकैती की योजना बनाता है। यह सब तो बाबा खान की आत्मा के मुंह से मैं सुन चुका हूँ। इस पेपर द्वारा कोबरा द्वारा डली गई पिछली डकैती का जिक्र है, और फिर इससे पहले कि अगली डकैती के लिए निकल पड़े हमें उसके हाथ से हाथ रख उन पर हमें उन पर हाथ रख देना चाहिए। पिछली डकैती पिछले एक हफ्ते पर भेज दी, ऐसा वश संभव है क्योंकि यह सब संभव है। ऐसे पुलिस पकड़ने मार डालने में सफल हो जाए, अगर ऐसा संभव हुआ तो दूसरे हीरे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा खान की आत्मा हमें कोबरा का जो पता बताया था उसके अनुसार एक ड्रग बदनाम नाइट क्लब में ड्रैगन में मिल सकता है। इधर शैतान सम्राट हु की निगाहें अभी तक उस पर जमी हुई थी। शैतान सम्राट, अब तो मैं तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। तेजी से आगे बढ़ते टैक्सी के पाप बुरी तरह फूल गए। ओहो, टैक्सी के ब्रेक फेल हो गए हैं। ओह गॉड, सामने एक और ट्रक संकरी और सामने साइकिल सवार हमारे रास्ते पर है। बड़ी दक्षता से ड्राइवर बचा उस दुर्घटना में। स्क्रिच पीछा, मैंने उस टैक्सी को उस पहाड़ी रास्ते पर डाल दिया है। उम्मीद है चाड़े पर टैक्सी जबरदस्त ढंग से कम होगी। ये सड़क तो आगे ख़त्म हो रही है, हाँ रफ्तार धीमी करके कूदना होगा। उसी चाण डोनों दरवाजे से कूदे। ओहो उफ, टैक्सी नीचे खाई काड़ी खाई खाई में गिरती चली गई। ओहो, विक्टर के कान पर छींक रहे थे मधुर। विक्की विक्की, टैक्सी नहीं कूद पाया, यह नहीं हो सकता। पागल उतरे छींकती है विक्की विक्की, तुम कहाँ, आवाज़ दो मुझे। ओहो विक्की, मधुर दीदी। मधुर ने थाम ली विक्टर की बाँह और लता के समान चिपक गई विक्टर से। ओह विक्की, तुम्हें सड़क पर ना देखती तो मेरी जान चली जाती। जान तो उस वक्त में निकल गई मधुर दीदी जब मैंने अपनी दरवाजे के लॉक में जाम पाया, फिर इन वक्त पर दरवाज़ा खोल कूदने में कामयाब रहा। किस्मत हमारा कदम कदम पर साथ दे रही है मधुर दीदी। पहले हमारे सूट के चोरी होने से बचा गया, हम दुर्घटना वाले बचे हैं। हमारे सिर पर चोट आ गई है, कारण ही बेहोश हो रहा है, हम इसे उठाकर ले चलते हैं। आहा, जिस समय डॉक्टर हवाई में छोड़कर बाहर निकले उस समय शाम 4 बजे थे। आज की ताज़ा खबर, कुख्यात डाकू कोबरा गिरफ्तार, लड़का चीनी भाषा में चिल्ला रहा था, लेकिन कोबरा शब्द विक्टर की और मधुर के कानों में सीटी बजा चला गया। पेपर एक क्षण में, ओह हाँ ये तो पेपर चीनी बजाया। मोरू दीदी, ये भैया जिसकी हमें तलाश है, कैसे पता लगा कोबरा की तस्वीर के साथ क्या खबर छपी है? वे अंग्रेजी, यहाँ अंग्रेजी को भी इवनिंग निकलता होगा, कभी कभी कोई इवनिंग निकलता होगा, हमें ढूंढना होगा उस अखबार में। इसे किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़वाया जा सकता है जैसे इंग्लिश आती हो। वेरी गुड, इंग्लिश अखबार ढूंढने की बजाय ये ठीक रहेगा। वह अब डिपार्टमेंट स्टोर में एक आदमी आसानी से मिल गया। कुख्यात डाकू कोबरा आज उस वक्त आश्चर्य ढंग से पकड़ा गया जब वहाँ एक बैंक डकैती में दिन दहाड़े डकैती फरार होता। डकैती के बाद कोबरा उस 6 साथी से वैन भरागने की कोशिश की, फरार की, लेकिन अचानक वैन का पहिया पंचर हो गया और वैन छिड़का कर बेहोश हो गई। पुलिस के हत्थे चढ़ गया, खुले मेन रोड के रास्ते भागने में फरार सफल हो गए साथी। कल सुबह ठीक 10 बजे कोबरा को चिचिन
पुलिस स्टेशन के लॉकअप से निकालकर अदालत में पेश किया जाएगा। डिपार्टमेंट स्टोर से बाहर निकल रहे मधुर विक्टर के मस्तक बल पड़े थे। ये तो गंभीर है समस्या मधुर दीदी, हम कोबरा तक कैसे पहुँचेंगे? आश्चर्यजनक ढंग से गिरफ्तार हुआ है कोबरा, क्या तब तक उस तक पहुँचने के लिए पुलिस की मदद लें? नहीं, अगर हमने ऐसी कोई चेष्टा की पुलिस तो उस मम्मी की अमानत तक पहुँच जाएगी और वह हीरा हमें शायद प्राप्त ना हो, बल्कि हो सकता है उल्टे पुलिस हमें ही परेशान करें। फिर हम क्या करें? हमारे पास वक्त कम है, कोबरा को अदालत नहीं पहुँचना चाहिए बल्कि हमें बीच में ही कोबरा की पुलिस से कैसे छुड़ाना होगा। छनाक, जोरदार आवाज़ से मिस्टर चांद के शयन कक्ष में रखी कांच की खूबसूरत कलाकृति को चकनाचूर कर दिया। खनाक, राज कर्मचारी इधर समेटने दौड़े। ओहो, एक हल्की चूक ने चकनाचूर चूक से शानदार कलाकृति चकनाचूर कर दिया, पर न जाने क्या वो अचानक चिकने फर्श पर गिरी। ओहो, और उसके अचानक आने से पूर्व भी एक दूसरे के आलिंगन झपट पड़े। चर्र चर्र और गूंज उठी दर्दनाक छी खटाक आहा, और बैठ की बढ़ता चांद उस तरफ का ओह नो, और बूंद के अचानक झलका और चांद के समान पसीना। ओहो, कोई है, दरवाज़ा खोलो। इसी क्षण बिजली गुल हो गई और गुप्त अंधेरा छा गया और तड़पता रह गया। आधा जिस्म टांगों से टकराया और मौत की झुझरी दौड़ गई। उफ, उधर दो कदम पीछे हटने के प्रयास में फर्श पर धराम से गिरा और ठीक 5 मिनट बाद जान में जाना भाई, आधे घंटे जिसमें तड़पना रुक गया था। चांद दराव जटा, उफ, सब कुछ कितना खौफनाक विचित्र हुआ है। झपट का दरवाज़ा खोलकर उस क्षण भग से उड़ गया दिमाग। ओ गॉड, लाश का शेष जिसम कहाँ गया? कनपटिया सनसाने लगी थी आंखों से झाका कॉफ। अगले दिन मधुर ने रिस्ट वॉच में समय देखा, 9 बजने वाले की ठीक जानते हैं। 15 मिनट पुलिस की गाड़ी ऊपर से गुजरेगी जिसमें कोबरा हुआ। तुम्हारी स्कीम तो ठीक है, स्कीम है तो शानदार मुझे, लेकिन यह काम कर जाए तभी सफलता की गारंटी है। हम जरूर सफल होंगे। विधि, हम मीथेन गैस से भरे सिलेंडर का वाल्व ढीला कर रही हूँ। आगे बढ़ते रहे विक्की, हरी अब प्रत्येक 25 फुट पर खड़े ऐसे दूसरे सिलेंडर में वाल्व भी हमें तुरंत खोलने हैं, और एक एक करके 6 सिलेंडरों के वाल्व खुलते चले गए। मधुर विक्टर, हमें फ़ौरन बाहर निकलना है, अब हमें स्थान बढ़िया जमाना है। 9:13 हो चुके हैं और 2 मिनट बाद कैदियों को लेने के लिए वाहन आती होगी, वाल्व खोल दूंगी। और इसी पर संकेत करते ही चीख पड़ा विक्टर, मधुर दीदी वैन, और फुर्ती के साथ मधुर गटर में खोला। इस समय गटर के चप्पे चप्पे मीथेन गैस भरी है, मीथेन गैस सिलेंडर गटर का मेल खालते ही लगेगा सड़क पर, सड़क गटर में समा जाएगी, जल्दी करो मधुर दीदी। और इसी पर वैन तो पहुंची लेकिन उसमें गोलियां निकलनी पड़ी। तड़ा तड़ा चिंग जमी चिंग बैंग, आश्चर्य का जवाब फूटा। ओ गॉड, या तो वैन पर हमला किया, कहीं कोबरा के आदमी तो नहीं जो मेरी योजना को धराशायी होती दिख रही है? धड़ाम, आंसू गैस के गोलों ने धुआं धुआं फैला दिया था। वेरी गुड, तुमने इतने बड़े अच्छे हमले पर मौका किया। सड़क की लंबी संकरी सुनसान होने का फ़ायदा हमने उठाया था कोबरा, लेकिन कुछ आगे बढ़ते ही ब्रुम, गटर के धमाकों ने सबके छक्के छुड़ा दिए। धमाके कैसे हो रहे हैं? ब्रुम ब्राम ब्रुम ब्राम, कोबरा ने हटकर छलांग लगा दी, लेकिन एक झटके में उछलते चले गए कोबरा के साथ ही। उसी पर हैर पर डूब गया कोबरा, हम्फ, बेहोशी काले संसार में डूबता चला गया। और इधर संपूर्ण बेनहू महल में रात वाली घटना आतंक व्याप्त हो गया। यह घटना अभी मेरे महल के बिजली की तरह कौन दी है राजकुमारी? शीर दरवाज़ा किसी ने एक शैतानी ताकत से बंद हुआ है और शख्सियत के साथ कहाँ पाँव में कहीं छुपा है, जिसने कहीं बाहर आते आधे कटे सबको गायब कर दिया। खून सने उसके पाँव के निशान मुझे इस शख्सियत तक पहुँचा कर सकते हैं राजकुमारी शीर। क्या, कौन है वो दरिंदा? आधे जिस्म को क्यों गायब कर दिया उसने? बदवास पहुँचा सर, आधा जिस्म मिल गया है। ओह, कहाँ? हमें जो मान ले चलो मदरस देगा। ओ गॉड, आधे जिस्म का मांस नोच कर दरिंदे ने उसे गायब कर दिया है। राजकुमारी शी, पहली बार इस तरह का काम किसी इंसानी दरिंदे ने किया है। हम उसे मौत की सजा दिलवाएंगे मिस्टर शान, और मैं अभी इसी मैं आपको उसी के पास लेकर जा रहा हूँ, आइए मेरे साथ। ओह, यह तो इस क्षण राजकुमारी शी के चेहरे पर कई सलबटे हैं। यह तो तुम हमारे कक्ष में ले आए, मांस को दरिंदा यहीं छिपा है। राजकुमारी शी, आइए मेरे साथ। अचानक हिंसा उठ होती और वो रहा वो दरिंदा। क्या तुम पागल हो मिस्टर शान? बौखला गई शी। नहीं, मैं पूरे होश आवास में हूँ राजकुमारी शी। पहली रात उस मुर्दे का मांस तुमने ही खाया और आपने तेंदू को जानबूझकर खुला छोड़ा ताकि तुम पर किसी का शक ना हो, और दूसरी बार अनजान फर्श पर बिखरे कांच पर तुम्हारा पाँव पड़ गया और खून सनसने बिखरते चले गए जहाँ तुम आधे जिस्म को अपने मांस से भूख के लिए शांत के लिए ले गई थी। और अचानक बेहद इंसान हो गया राजकुमारी शी का चेहरा। हाँ, मुझे इंसानी गोश्त चाहिए और मैं तुम्हारा शिकार करूँगी, बुरी तरह चीख उठी। चीख पड़ा शान और आँखों में महीन के कांच डुबके बुरी तरह टुकड़ तड़प उठा। राजकुमारी शो के हाथ में दिखाई पड़ने लगा खूनी खंजर, खूनी पंजा, और उस खूनी पंजे से उस जिस्म का आधा मांस नोचा। शान की
मैंने चीखों से गूंज रहा शख्स लेकिन बाहर चढ़े चिंगार में चांद की चीखें दबकर रह गईं। उधर मोटरसाइकिल की ओर दौड़ पड़ा, जल्दी जल्दी तेज चलो विक्टर, इधर जबरदस्त अंधड़ में। साइकिल की स्पीड को रख पाना मुश्किल था। उधर चर्चा ध्वनि से ढचो विक्की खचो चर्चा रो गॉड झूम झूम धर धर धड़ाक। इधर राजकुमारी शी का सियाना पंजे पर उतर कर मांस खा रही थी और अनजाने भी अंधे में अंधे हो गए। चांद ने हाथों में रखा एक कलामत पे लगा, मैं तो जिंदा ही छोड़ूंगा हत्यारी चुड़ैल। उस समय भयानक तूफान प्रवेश कर गए थे अंदर और इधर जो है बालकनी के आ रहे थे संभल कर विक्की और मैं। इधर राजकुमार चांद जो है राजकुमारी शी को भयानक ढंग से वार करने से नहीं चुका था। शान मार डालूंगा मैं तो ये चुड़ैल। और इसी पर राजकुमारी शी चांद की टांगों पर झपट पड़ी और राजकुमारी शी कोई शैतान सवार था राजकुमारी शी पर। उसी पर गंभीरता से जानकर दरवाजे को झपटा विक्टर और मधुर। ओहनो राजकुमारी की स्थिति बता रही है कि कोबरा ने उन्हें बिल्कुल हमें ठीक बता दिया था। वैसी और दरवाज़ा बंद करता हूँ। आप राजकुमारी ने पिछले दिनों एक खूबसूरत दुर्लभ हीरा प्राप्त किया था, हमें उस हीरे तक चाहिए वरना यह तबाही नहीं रुकेगी। वह हीरा बेत खामिन की मम्मी का अमानत है। हाँ मैं तुम्हें मारे चलता हूँ। और फिर मदन ने उठा लिया अपशब्द हीरो को, यही है वो हीरा, जल्दी करो मधु दीदी, इसे पवित्र क्रॉस में डाल दो। विक्टर ने हीरे को पवित्र क्रॉस में डाल दिया और उस समय शांति छा गई। लगा जैसे मनुष्य के बादल छट गए, तूफान शांत हो गया और पिरामिड का रहस्य जानने की उत्सुकता में डिकोस्टा जूलिया फर्नांडेस डेविड की पिरामिड की आत्मा अंदर चली गई थी। पिरामिड में मंडराती एक प्यासी आत्मा ने डेविड के खून शरीर में अपना निवास बनाकर जूलिया का खून पीकर उसे मार डाला था। आहा, डेविड ने मम्मी के बेशकीमती खाने हजाने को चुरा लिया था। उस समय डिकोस्टा ने महल में पहुंचकर हार को डिकोस्टा को दिखाया और फर्नांडिस ने हार को छीनने की कोशिश की, छीना झपटी करी लेकिन डेविड ने फर्नांडिस को भी मार डाला। इधर एक खतरनाक बड़ाकू बाबा खान सर डिकोस्टा के महल पर खजाने के लूट के देश से बढ़ रहा था। उधर फादर खान ने खूनी आत्मा को मार डाला, डेविड भी मारा गया। बाबा खान ने हमला बोल दिया, मौत व लूट में खेल जमकर डिकोस्टा महल ध्वस्त हो गया। पिरामिड की हार को तुम्हें वापस लाना होगा डिकोस्टा, बाबा खान की लूट में उस माल को विश्व कुख्यात माफिया ग्रहों को नीलाम करके, लेकिन पुलिस के हाथ में जिंदा ना बच सका। इधर डायरी में सारी महल के डिकोस्टा माइकल चाचा की मदद से प्लेन चढ़े, बाबा खान की आत्मा ने उसमें मुजरमों के पते उन जिनके पास थे। पिरामिड की आत्मा मम्मी की अमानत कोबरा भी उनमें से एक था। और इधर मधुर के मुँह सब सुनते ही आश्चर्यजनक ढंग से बाहर से खुला रह गया, राजकुमारी शी और चांद का मुँह। ओ फिर शैतानी ताकत ने मुझे मास्कोर बना डाला था, जो मुझे अभिशप्त हीरे कारण मुझे यहाँ ले आई थी। ओफ अब उम्मीद है कि आप उस हीरे को हमें देने में कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। तुम दोनों कारण अनर्थ होते बच गया बच्चों, अब यह हीरा मुझे नहीं चाहिए। समाप्त। तो दोस्तों एक शानदार हु टू कॉमिक्स यहीं समाप्त, कॉमिक्स हु थ्री कॉमिक्स यहीं समाप्त चलती है। मिलते हैं अभी से अगली कॉमिक हु चार में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। पेश है कॉमिक्स हु चार। इससे पहले कि हु की 1 2 3 हम कॉमिक्स अपलोड कर चुके हैं, हु कॉमिक्स सीरीज में पढ़ लीजिए। पेश करते हैं हु चार कॉमिक्स। इसके आगे की कॉमिक्स है जिसमें हीरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये इसका कवर पृष्ठ। पेश करते हैं हु चार। हु फोर विश्वविख्यात अंटोरिया के भयानक मीलों धूल भरे घने जंगलों में सटा हुआ आधुनिक शहर बुलबोन। खतरनाक हिंसा जंगली जानवरों के शहर में प्रवेश पाने के लिए लोहे की जाली नुमा बाड़ियों बाड़ लगा दी गई थी। रात के समय इन बाड़ों में फॉरेस्ट अधिकारी करंट छोड़ जाता था ताकि जानवर इस बाड़ में को गिराने की चेष्टा न करें। इधर महल में एक रहस्यमय घटना घटी थी। सू सू किसी आहट से खुली मालिक की नींद और कौन हो तुम, और जवाब बड़ा ही हिंसक निकला, खचाक आह। और रोंगटे खड़े हुए, गोला गोला बुका 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 बचाओ बुका बुका माँ, किसी को भी बख्शानी भैरम दरिंद्रों ने। और फिर हुई लूटपा झींगा बिंगा ब्रॉक प्रॉक कर्रकी तड़ाक। और फिर दिखाई पड़ी वह रहस्यमय दृश्य, या तो सन्नाटे में तभी गूंज रही थी झिंगरों की आवाज़ें, तभी फ्लैट से भयंकर वधू की पुलिस वहाँ पहुँची है। और अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। कत्ल रहस्यमय ढंग से हुआ है जिसके कारण उसी रहस्यमय ढंग से हुआ है जिसके कारण कई दिनों से शहरों में सनसनी फैली है। तड़ाक। इस वारदात में भी दरवाजा बंदर से बनता समझ में आता। रहस्य में हत्यारे अंदर से आदके से आते हैं। सर कुत्ते आ गए हैं, कुत्तों को किसी जंगली जार बॉच कर रुक गए हैं, सर इन्हें अंदर ले चले। वुफ वुफ। इस बार भी इस तरह कुत्ते जंगल के अंदर आकर हथियारों की गंध नहीं ले पा रहे हैं। वुफ वुफ। मदर विक्टर जो मम्मी की अमानत को वापस लाने का निश्चय करके निकल चुके थे और पहले भारत फिर चीन और फिर अपशब्द दो हीरे प्राप्त कर चुके हैं, और इस बार और शैतानी पवित्र क्रॉस के अंदर रख दिया था शैतानी शक्तियों का प्रकोप रुक सके, और शेष हीरों की तलाश अभी जारी थी।
और एक समस्या उनके सामने थी, हमें दक्षिणी अफ्रीका जाने का वीजा नहीं मिला, हम पैसे पहुँचेंगे दक्षिणी अफ्रीका में काले गोरों के लेकर जो मतभेद हैं, वहाँ की सरकार पैदा की गई है, सरकार पैदा कर रही है, उसी को लेकर भारत और कई अन्य देशों को दक्षिणी अफ्रीका से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ रखे हैं, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है, मानने वाले धर्म को मानने वाला देश है, जातिवाद को हरगिज़ स्थान नहीं दिया था, चूँकि हमारे पास हम भी भारतीय हैं इसलिए हमें पासपोर्ट दक्षिणी अफ्रीका यात्रा के लिए मान्य नहीं है। मदर टैक्सी लेकर निगाह घूमी, वहाँ पहुँच कर रुकी कार में झाका चांद ने, तुम दोनों के चेहरे को देखकर लगता है, चेहरे को देखकर मैं कह सकता हूँ वही हुआ जिसका डर था, आओ कार में बैठो फिर बात करेंगे। विक्टर मधुर राज मेहमान बने थे, बेनहू महल के सिक्योरिटी ऑफिसर चांद ने उन्हें अपनी कार में बिठाकर वहीं छोड़ा चला गया था। अब लौटा चांद की बात पुनः आगे बढ़े, मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर फूफू के पास चला गया था। कौन फूफू? फूफू जो नकली पासपोर्ट बनाने का काम करता है, उसी से पासपोर्ट बनाने को राजी कर लिया है। ओह क्या सच? लेकिन हमने इसमें तो हमारी तस्वीरें नहीं लगी हैं। हाँ लेकिन तुम्हें इसमें ले जाने के लिए चल रहा हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद यह बात नहीं कह सकोगे। चांद की मेहनत के बाद पासपोर्ट वीजा सहित वे चौंके, मदर के हाथ में दोनों चौके बिना रह सके। फिर दोनों ढाई घंटे बाद दोनों की शक्लें दोनों आईने के सामने थे। ओ गॉड, मिस्टर ली ने हमारी पासपोर्ट लगी तस्वीरों को भेद बिल्कुल मिटा दिया। सचमुच अब कोई नहीं कह सकता कि पासपोर्ट में हमारी तस्वीर नहीं लगी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमें पानी के स्पर्श से बचना होगा। फिर उस वक्त महल दोनों के दिल धाधा करके भेजे थे पासपोर्ट ऑफिस के ऑफिसर में, मिस्टर जिम और मिस्टर लारा आप दोनों साथ हैं? यस सर। फिर दोनों पेट पीट कर चुके, आहा पेट दर्द क्या हुआ? आपके पासपोर्ट ओके हो चुके हैं, वहाँ बैठे विमान उड़ने में आधा घंटा बाकी है। आहा, विक्टर ने छोड़ी कुर्सी, मधुर दीदी क्या हुआ तुम्हें? चोर की दाढ़ी में तिनका, नकली पासपोर्ट पकड़े जाने के वैसे तुम्हारे माथे में पसीने की धार फूट निकली थी, तो तुम्हारे माथे से कनपट्टी तक मेकअप की पोल खोल रहा था। अगर मैं ऐसा न करती शायद ऑफिसर तुम्हारी बात को ताड़ जाता। ओह गॉड, लेकिन इतना मेकअप हल्का तो नहीं था, पसीने से महे लगे, मैं भी टॉयलेट में मेकअप ठीक करता हूँ। फिर तेज गांव में टॉयलेट की ओर बढ़ा और मौत का भयानक साया मंडरा रहा था। हू के रूप में मेरी शक्ति के हल्के से पसीने व की बूंदों के साथ मिलकर तुम दोनों की असफल कोशिश छोटी सी कोशिश थी, लेकिन तुम्हारी सफलता मेरी असफलता है। मैं हर कदम पर तुम्हारी मंजिल को तुम्हें दूर करता रहूँगा, मंजिल से दूर करता रहूँगा। इधर विमान में सीढ़ी जोड़ दी गई थी और विक्टर प्लेन की ओर चढ़ चुका था। प्लेन की ओर पैसेंजर प्लेन में चढ़ने शेष थे। शुक्र है चीन से अपनी सही गंतव्य के लिए निर्धारित निर्विघ्न निकले हम। अब यहाँ से यह सब संभव हुआ चांद कारण, जिसकी राजकुमारी शी के आदेश अनुसार इस काम में हमारी पूरी मदद की है। और अचानक उनके पांव तले जमीन खिसक गई जब हवाई जहाज से जुड़ी सीढ़ियाँ दूर छटने लगी। ओह नो, उफ उफ। और इसी पल एक झटकी रखा गया, नो उफ, मौत के मुंह में। ओह माय गॉड, हमारे अगर मेरे हाथ में सीढ़ी पर से छूट गया तो मेरे वाहन मुझे कुचलता डर डालेगा। और इधर सीढ़ी के छोर से उठका लेग व्हील, लेडर व्हील का ड्राइवर पागल हो गया क्या? बौखला गया लेडर व्हील का ड्राइवर, गाड़ी रोको। हे वाहन, लेडर व्हील अपने आप कैसे चल रही है? उसका कोई सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। लेकिन इस बार ड्राइवर की कनपट्टी ऐसे गर्म हो गए, सीटी हटाकर प्रेशर कुकर की भाव में छोड़ दी गई हो। उफ, लेडर व्हील आकर आइकल टैंकर की ओर जा रही है। ओ गॉड हेल्पर, लेडर व्हील आज मिस्टर चुंग की ड्यूटी थे, लगता है पागल हो गया। वह लेडर व्हीकल एयरक्राफ्ट फ्यूल टैंक से टकराने जा रहा है। और उसी पर लेडर व्हील का ड्राइवर अंजाम की भयानक कल्पना से कूद गया। इसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है, अब लेडर व्हील के टैंकर को टकराने से नहीं बचा सकता। मदर के मस्तक से पसीने की बूंदें उठ छूट चुकी थी। उफ, फिर हवा के झोंके समान लेडर व्हील के आगे से गुजर गई। वह डगेस टोली और जबरदस्त धमाके के साथ लेडर व्हील एयरक्राफ्ट ने फ्यूल टैंक से टकराया। भड़ाम ब्रूम ब्रूम दूर तक उड़ते चले गए आग के शोले। उधर जय दृश्य देखकर मधुर के रोंगटे खड़े हो गए। शुक्र है मैं ठीक समय पर ट्रॉली लेकर पहुंच गई। उफ, आप ठीक तो है ना? मिस लारा नाम है मेरा, आपकी बदौलत जिंदा हूँ। आपका नाम जा सकती हूँ? कैली नाम है मेरा। इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी और एक घंटा विलंब से विलंब उड़ा विमान उड़ गया। ओह विक्की, लगता है जंप के कारण मेरे पाँव में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास मोच पोच के लिए रेल स्प्रे है। इधर केली की निगाहें अचानक अपने हाथ पर झटकी। मेरे हाथ पर एक कालक कब लगी, शायद उस वक्त जब मैं लेडर व्हीकल से नीचे गिरा था। और अब आपके मोच का दर्द कैसा है मिस लारा? जिम ने मेरे पांव पर स्प्रे किया है, वो काफ़ी आराम है। ओहो, जंगल में सटी जाइनोमा बाढ़ में रहस्यमय कट रहा था, जंगली खंभे से बिजली के तार झूल गया और फिर आगे बढ़ने लगा। बंकाला बंकाला शहर में भयानक सन्नाटा था, हुका हुका। फिर अचानक न जाने क्या हुआ तो उस तार को पकड़ लिया चिंगारियाँ पचंदी, च्याला त्याला, और फिर वह रहस्यमय दृश्य।
वारदात की घटना, पुलिस दल की घटना स्थल की ओर लपका, और इस बार पुलिस को सबूत मिला अचानक टंबा कबीले के जंगली की लाश। ये हालत बता रही है कि इसे करंट लगा है, और इसकी हालत बता रही है कि ये बिजली की तारों को छुआ है। इसके माध्यम रहकर अंदर आने की चेष्टा कर रहा था। तो क्या इस वारदात में टुंबा जंगलियों का हाथ है? और भीतर का दृश्य और ही भयानक था। हत्या की नशंसता, उफ 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 उफ, क्रूरता की कहानी थे जिसमें के टुकड़े। दम्बा कबीले के जंगलियों ने ही नशंस हत्या की है। इसने पिछले कई दिनों से शहर में आतंक फैला रखा है, लेकिन टुंबा कमला जो सभ्य कबीलों में जाना जाता है, तहकीकात के लिए हमें फ़ौरन टुंबा कबीले जाना होगा। टुंबा कबीले में जंगली ने मिला, कमाल है कबीला खाली है, सब लोग कहाँ गए? जंगली की जंगल में आगे की जाना खतरनाक खतरे से खाली नहीं था। जैसे चीख उठा वह, सर मैंने वृक्ष से लिपटी इस बेल की सांप को चलते देखा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तभी वो जिसम के दर्श सामने आया, छक्के छूट गया। नो आहा ओ गॉड, शुरू हो चुका था मौत का तांडव। बुलबुल नाइट क्लब से आधी रात के बाद नशे की झोंक से बाहर निकला गेंडे कैसे जिस्म जिब्राल्टा हिच, और शक्ल से भयानक खूनी चल्ला दिखाई पड़ी। जिब्राल्टा उस समय चिपकी थी चार आंखें हैं, मधुरा विक्टर की आंखें हैं। ये तो जिब्राल्टा है, जबरा का माया समझा जाता है। बाबा खान की आत्मा के अनुसार जबरा की ऐसी कोई बात नहीं है जिब्राल्टा ना जानता हो। हाँ, इसलिए जबरा के साथ ही जिब्राल्टा की तस्वीरें भी बाबा खान की आत्मा ने हमें दी हैं। जुए और शराब के समय जबरदस्त लाते हैं, ऐसे यहाँ जुआ खेलने और शराब पीने प्रत्येक रात्रि जाता है। हाँ, लेकिन आज का सारा नशा हिरण हो जाएगा मैसेज जब उस मैसेज पर इसकी नज़र पड़ेंगी। इधर सचमुच मैसेज ने जिब्राल्टा के होश गुम कर दिए। जिब्राल्टा में जबरा का पता चाहिए, कागज व कलम के कार कासवर्ड पे ना, कोई हरकत मत करना क्योंकि ये तुमने मैसेज पढ़ रहे होगे, तुम सभी सहित कार पेट्रोल से ना चुके होगी। शर उफ पेट्रोल, पेट्रोल से पूछते हैं ना गया जिब्राल्टा। अगर तुमने फौरन ही जबरा का पता है लिखकर कागज पे लपेट कर कागज की और कम से कम 10 फुट दूर तक नहीं फेंका है, चलती हुई थी असलाई कार पे उछाल दी जाएगी। पसीने की बूंदें जिब्राल्टा मस्तक मंडराने लगी थी। कागज कलम उठाकर फटाफट को लिखता चला गया। तुम्हें जबरा का पता जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें गलत जगह पे भेजा तो पता नहीं लग पाएगा कि जबरा के दुश्मन कौन है। ठीक उस समय कार प्रवेश करती चली गई, सड़क में उछाल दिया वह जलता सिगा, लेकिन पूर्ते अनभिज्ञता जिब्राल्टा पेट्रोल भी आ पहुँची। जलते सिगार से पेट्रोल को छुआ और आग पेट्रोल दौड़ती चली गई। उफ विक्की भागो उफ, और जिब्राल्टा के कार में बुरी तरह भरपूर फुर्ती दिखाई, लेकिन आहा उफ ये दहशत की आंखें, खौफनाक दृश्य है। उफ हमने ये अंजाम भी चाहा था, नियति ने उसका यही अंजाम तय किया था। मधुर दीदी जंगल के हिस्से को रोनता हुआ तेजी से आगे बढ़ा था। बुलडोजर घड़ और बुलडोजर पर था बुलडोजर ऐसी उसका मालिक जैबरा। रुको यही जगह है, एक मोटे छोटे से विमान मलबे के निकट रुक गया जैबरा। यही है वह प्लेन जो इंजन में उसी खराबी के कारण था यही पर गिरा था। विमान के छूट लेने के बाद बटन दबाकर अपने पायलट की सीट पर हवा में पैराशूट की मदद से उड़ रहा था। अपनी बंद आँखों मैंने विमान के मलबे को ढेर में बदलते देखा है, न जाने मैं कहाँ जाकर उतरूँगा। अंटारिया के जंगल भयानकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन मेरे पास अपनी सुरक्षा के साधन थे जिसकी मदद से बचकर मैं बुलबोन पहुँच गया था। लेकिन उस स्थान का और भयानक सी चमक आ गई थी जबरा की आंखों में। विमान के उस मलबे को कहीं दबा हुआ बेशकीमती रडूंडों से हीला मलबे के ढेर से गायब था, लेकिन उस स्थान का नक्शा में आंखों में बनाता चला गया। बिजली सा चमकता वो हीरा जहाँ भी होगा अपना पता खुद देगा। विमान में विस्फोट के बाद हीरा यहीं कहीं गिरा हुआ ढूंढो, लेकिन जैबरा अगर हीरा घनी गाड़ियों में कहीं गिर गया होगा तो कैसे ढूंढ पाएंगे हम उसे? जैबरा वह भला कहाँ मिलेगा, भला किसका हो सकता है? भला कहीं हीरा उसके हाथ से तो नहीं लग गया? अंटारिया का जंगल हिंसाकर नरभक्षी जंगली कबीले भी आक्रमण करते हैं। बुल्लू बुल्लू किले के लिए हो, जैबरा कहते हैं भूंडालों ने बिंग 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 बिंग। जनभक्षी जंगल की धरती घूंघा नरभक्षी घूम से लाल होती चली गई, और जैबरा ने पड़े जंगलियों के भाले से मैच किया तो प्लेन कैश वाली जगह पर पड़ा था। यह भाला ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह है कई इन जैसे कई और जंगली कबीले हैं, हो सकता है वीर हैं किसी के पास हो। मुझे भी ऐसा ही शक है जैबरा, अब उन्हें करनी थी वैसी कुछ कबीलों की खोज। इधर होटल के कमरे में प्रवेश किया मधुर विक्टर, चौंक पड़े। हमारे यहाँ जाने के बाद भी कमरे में कोई आया था विक्की? ओह गॉड, सूटकेस खुला पड़ा है, शायद सामान फैला हुआ। मधुर दीदी चोरी है तलाशी? ओह शुक्र है, सही सलामत है। विक्की हमें सूटकेस से निकालकर पलंग के नीचे छुपा देने वाला आइडिया में आज एक और अनहोनी बचा ली।
और क्रोध से दांत पीछे विक्टर ने इंटरकॉम को इसी किया, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। ठहरा विक्की, मैनेजर को बुलाओगे तो पुलिस केस बन सकता है और तब ये क्रॉस बरामद हो सकते हैं जिनमें अभिशप्त हीरे हैं। खुद हमारी पोल खोल सकती है। मत भूलो कि हमारे पासपोर्ट तक नकली हैं, इसलिए हमारे लिए गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। विक्की, तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। तभी उनके जहन चकराने लगे। मधुर दीदी, 1 रुपया तक चोरी नहीं हुआ है। कमाल है, तो फिर किसी को क्या पड़ी थी सामान की तलाशी लेने की? किसी ने तलाशी ली है और उसके पीछे कोई तो मकसद होगा। हाँ, यह जानने के लिए फिलहाल कोई जरिया नहीं है। ये काम किसका है? सारा सामान यथावत रखने का। कब कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम अंटेरिया के जंगलों में प्रवेश करेंगे। जिब्राल्टर ने कागज़ पर जेब्रा तक पहुंचने का नक्शा बनाया। उसके मुताबिक वहां पहुंचने जेब्रा का प्लेन क्रैश हुआ था। होटल के किसी एक दूसरे कमरे में घूम रही थी आवाज़। फिर हमें इससे पहले कि जेब्रा उस हीरे तक पहुंचे, हमें उस हीरे को हासिल करना होगा। साथ ही सावधान रहना होगा उस अज्ञात रहस्यमय व्यक्ति से जिसने हमारे कमरे की तलाशी न जाने क्यों ली। रहस्यमय नुकसान से था उस रहस्यमय शख्स के होठों पर। जैबरा जब बुलडोजर तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था, आसपास कई कबीलों को ढूंढकर सफाया करना है। इन्हीं कबीलों में इसी कई को आसपास होना चाहिए। वह हीरा जंगल में मौत का डंडा गुजरा। जैबरा, हाँ, ख़त्म कर देंगे उन जंगलियों को। एक एक करके जंगल की तलाश चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे थे। उसी समय बढ़ता हुआ काफिला सहसा ही चीख उठा। ओ यह क्या, हमारे सामने एक साथी को वृक्ष की साधन जकड़ लिया है। मुझे बचाओ, आहा। उस दृश्य से लोगों के होश उड़ा दिए। ओफ, यह क्या, यह शाखा तो जंगली माना में बदल रही है, बचाओ। और उस समय हक्का बक्का रह गया जैबरा की करता मूर्छा। यह कैसा वृक्ष है जो इंसान में भी बदल सकता है, बदल जाता है? धम्म से जा गिरी जैबरा की उस साथी की लाश और क्रोध चौना में कांपता हुआ चीख पड़ जाए। कायरों, उड़ा दो शैतान को गोलियों से। जिंग 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 खून से नजर चला गया वृक्ष और जैबरा के बुल्डोजर ने पर खच्चे उड़ा दिए। उस वृक्ष के कारण उसी पल हाथी की चिंगार से गुजरा। ओ माय गॉड, मैंने वृक्षी जंगली हाथी सूंड पकड़ कर लटक गया है। क्रियाँ, ओह, ये कब पहुँचा? पलक झपकते ही जंगली वृक्ष में बदल गया और जैबरा, आहा। जैबरा के उस बुलडोजर का जब मुँह उधर रह गया और अचानक ही निकल खड़ा हुआ बुलडोजर झुक गया। ओफ, एक और नरभक्षी माना पेड़। बुलडोजर की शाखाएँ जकड़ती चली गई वृक्ष की शाखाएँ और जैबरा उस नीचे कूदता चला गया। आतंकित सा चीख पड़ा, वगैरह भागो यहाँ से। जैबरा को ऊपर लाने की रस्सी फेंको। जब रस्सी पकड़कर ऊपर आया, हाथी के पेड़ों को बचाते हुए ले चलो। न जाने कौन सा वृक्ष कम महा नरभक्षी निकला है, मुझे तो यहाँ हर पेड़ के डर डर लगने लगा है। वो कुछ आगे बढ़े थे क्या? चीख पड़ा जैबरा। ठहरो, रुको, क्या हुआ जैबरा? उस वृक्ष में बदल गए नरभक्षी मानव के हाल में वैसा ही भला था जैसा मैंने क्षतिग्रस्त विमान के पास पड़ा मिला था। जिब्राल्टर द्वारा नक्शे के मुताबिक मदर और विक्टर प्लेन में बजे जैबरा यहाँ आ चुका है, यहाँ से जा चुका है और यहाँ किसी बुलडोजर टैंक के निशान बने हुए हैं। अपना रास्ता साफ है, जैबरा जरूर बुलडोजर लेकर गया होगा और हमें अपने निशानों को छोड़ता हुआ पहुँचता है। सावधान रहना, जब किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमें पास केवल शिकारी चाकू है। लेकिन खतरा तो अचानक ही सिर पर आ गया। जरूर मधुर दीदी, बचो। अचानक ही अनायास हाथ में आया। उन्होंने कहा, विक्की। और चाकू के बाहर से क्रोध तेंदुआ पीछे हटा और पुनः विक्टर पर झपटा। धड़ाम से नीचे जमीन पर आ लगा और तेंदुआ के माथे से निकलती खून की धार देखकर दोनों की आंखें चलती। क्यों ना इस पर गोली चलाएं मधुर दीदी? गोली? उफ, यही कहीं ये काम उस रहस्यमय शख्स का तो नहीं है जिसने गुप्त तलाशी ली थी? उफ, मगर वह सहायक कौन है? हमें क्या चाहिए? फिलहाल आगे बढ़ो, हमें बहुत चौंकना रहना होगा। रहस्यमय शख्स इधर उधर दबोचना है, वह कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। रहस्यमय सहायक के होठों पर वही मुस्कान थी। कुछ भी कदम आगे बढ़ाने पर मधुर सरसराती निकल गई। मधुर कहा, सरसरा ठीक, एक तभी संभल पाते नरभक्षी जंगली बुल्लू बुल्लू हुल्लू उल्लू इक्का। नरभक्षियों के सामने देखते ही जिसमों पर चीटियां सी रंगने लगी थी। सोचने का समय नहीं था, विक्की अटैक, लेकिन हमें उन प्राणघातक हमला नहीं करना है जब तक हमारी जान पर ना आ बने। चटाओं के दिशा में भागे, भागो मधुर दीदी, वे भाले उछाल रहे हैं, सांप की तरह लहरा रहे हैं, भागो। तभी तेज आगे बढ़ी बेल। मधुर दीदी, उफ नरभक्षी बेल। उधर मधुर दीदी झटके से काट दी। उफ, एक भयानक चीख, इंसानों की तरह चीखता रहा। आहा मधुर दीदी, अब फेंक दो इसे विक्की। गॉड, ओहो, हा। इसी पल भूत के तरह सामने आखड़ा हुआ एक और जंगली यकायक वृक्ष में बदलने लगा। विक्टर ने मधुर को थाम लिया। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, भागो मधुर दीदी, भागो यहाँ से। भयानक शोर में मचाते हुए जंगली पीछे खड़े हुए थे। उफ, हू, तुम्हारे लिए जंगल मौत की जंगल साबित होगा। आहा, उफ, जकड़ लिया मधुर दीदी का पाँव, मधुर का पाँव। जंगली बेहद निकट आ गए और होश खोल गए। मधुर, विक्टर और मधुर के चीख पड़ी। मधुर, विक्की, तुम बात जाग भाग जाओ। विक्की, वरना ये हमें किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं मधुर दीदी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। भयानक जंगलियों के भाले जिसमों को भेजने के लिए उठा लिए। हमारा अभियान अधूरा छूट गया विक्की। नहीं, ऐसा नहीं सोचता, गॉड हेल्प अस। और उसी पल कई
जंगली भूमि वगैरह विभिन्न से छोड़े रखते हुए आ ये गोलियाँ उसी रहस्यमय शख्स ने चलाई हैं। इस बार झाड़ियों से निकल गया रहस्यमय शख्स। कैली, हाँ मैं दक्षिणी अफ्रीका सीक्रेट एजेंट, मुझे तुम पर चीन में उस वक्त ही शक हो गया जब मैंने अपने हाथ पर लगी कालक देखी थी। वह कालक तुम्हारे मेकअप्स की थी जिसकी पुष्टि तुम्हारे पाँव का मोज का हाल बाने की थी। तब मैंने उस कलाई का रंग हल्का गोरापन लिए हो पाया था। अब आपकी मोज का दर्द कैसा है? तुमने हमारे कमरे की तलाशी क्यों ली? अब तुम्हारा दक्षिणी अफ्रीका आने का मकसद पता करने के लिए मैंने उस वक्त पता चला कि कमरे में माइक्रोफोन लगा दिया था और तुम्हारा पीछा करने का यहाँ उद्देश्य मैं रुकावट बिना जैबे तक पहुँचना था और उस वक्त खतरनाक अपराधी तक पहुँचने का नक्शा तुम्हारे पास था। मिस वंदर, मिस विक्की, मिस्टर विक्की, आप दोनों का दक्षिणी अफ्रीका आने का उद्देश्य पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद। तो उसके शेष मुँह शब्द मेरा खचाक आहा इंसान में दस हो गॉड, ये टुम्बा कबीले के लोग हैं जो शायद शहर में वारदात करने के बाद यहाँ जंगल और पेड़ में बदल जाते हैं। तुम भाग जाओ, मैं अपने रोल से तीनों अपनी मौत स्पष्ट नजर आ रही थी लेकिन कई भाले उसके गूंजने लगा मधुर संगीत। यह संगीत कहाँ से बजने लगा? आवासी चल रहे संगीत को सुनकर सभी जंगली नाचने लगे और मेरा मन भी नाचने को कर रहा है। तभी उस समय मैंने कैली ने अपने रुमाल कानों में ठूस लिया और मदमस्त है, यह समय व्यर्थ कमाने का नहीं है। मधुर विक्की के कान ही बंद होने लगे और संगीत की ध्वनि ना पहुँचे। कैली ने रुमाल के उस टुकड़े को कानों में ठूस दिए। तभी आश्चर्य ढंग से ठीक हुआ, ओहो यह संगीत तो लहरी इस वाद्य यंत्र से फूट रही है। उस विचित्र सन्यासी ने अपने पास जाने का आने का संकेत किया और फिर एक घंटे बाद जब उस सन्यासी के साथ गुफा में सुरक्षित है। आप कौन है? कैसा जादू यंत्र है? मैं एक तपस्वी हूँ, मैं तपस्या में लीन रहता हूँ। ये जादू यंत्र में जंगल में पड़ा मिला था। इस चमत्कारिक शक्ति को देखकर इसे मैंने अपने पास रख लिया था और इस आज बात के कारण हमारी जान बच गई। विक्टर ने सन्यासी बाबा को अपने मौजूद होने के कारण बताया। कैली टुम्बा कबीले के का एक आक्रामक हो जाने का विषय और सबको सुनने के बाद टुम्बा कबीले के लोगों का कारण ही किसी पर आक्रमण नहीं करते। मुझे लगा अभी शब्द हो गए, हमें तुरंत यहाँ वहाँ पर पता बताने की कृपा करें। टुम्बा कबीले के लोग कबीले में प्रवेश किया जबरा कैसा है भला? उसका मतलब टुम्बा कबीले वहाँ पहुँचे हैं और हमें वहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। धड़ाक, तो यह टुम्बा देवता का मंदिर लगता है, तोड़ दो इसी को। हीरा मिल गया, हीरा देवता के सामने रखा है, हर्रे। तभी जबरा ने हीरो को सुना खचा खच 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 कई भालों से जब भीतर चला गया। जैबरा का जिसम खचा खचाक और टुम्बा के कबीलों के जंगलियों ने जैबरा व उसके साथियों के कई टुकड़े टुकड़े कर डाले और गूंज उठी मधुर वलहरी की स्वरें जो नृत्य करने से रोक ना सके। और एक हाथ बढ़कर उसने उठा लिया वह हीरा और इधर उफ ये क्या संगीत बीच में ए और अगर ये संगीत बीच में रुक जाए तो अभिशप्त हीरा पवित्र कोश में पहुँच चुका है। बाबा शी बाबा ने उसे वहाँ चलने का संकेत दिया और फिर उन्हें जंगलों की सीमा पे यहाँ समाप्त कर जंगल की ओर ले आया। शुक्र है यह हीरा हम प्राप्त कर सके और मैं एक खतरनाक अपराधी की मौत देख सका। और फिर मिस्टर कैली हमारे रहस्य जानने के बाद भी आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? क्योंकि हवाओं के मुजरे में हमारे तुम्हारा आने का उद्देश्य पवित्र था, अभी तुम दोनों को दक्षिणी अफ्रीका छोड़ने तक इसी रूप में मेरे मेहमान बनकर रहोगे। और फिर वहाँ से लिपट कर वे लिफ्ट लेकर वे शहर की ओर चल पड़े और इसके बाद शहर पर फिर कभी टुम्बा कमीले का भयानक हमला नहीं हुआ। समाप्त। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होती है हू 4। हम मिलेंगे किसी अगले पार्ट हू 5 में। चैनल सब्सक्राइब करिए। पेश है कॉमिक्स हू 5। इससे पहले कि हू 4 कॉमिक्स हम अपलोड कर चुके हैं, हू कॉमिक्स सीरीज में जाके पढ़ सकते हैं। पेश करते हैं हू 5। यह ऐसा कवर पृष्ठ पेश करते हैं हू 5। मानव प्रकृति की पृथ्वी को अनुपम भेंट। भगवान ने केवल इंसान को ही विकसित बुद्धि दी है जिसके प्रयोग से वो अपने विकास की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। यह अत्याधुनिक अंधी दौड़ में शामिल होकर प्रकृति ने अनमोल उपहार बुद्धि को इंसान खुद ही विकृत करता चला गया और अब आसान हो गया था बुद्धि पर शैतान का कब्जा। और शैतान सम्राट हू ने बिछा दी थी शतरंज और चल ये बिछा दी थी शतरंज और चल दी थी मानवता को डसने के लिए शैतान की चाल। जाओ धरती के इंसानों पर कब्जा कर लो, इंसान के दिमाग में हावी लालच ईर्ष्या हवस क्रोध को अपना माध्यम बनाकर छिपे इंसानों का कत्ल कर दो और इंसान पर इतना अधिक हावी हो जाओ कि भाई भाई का गला काटे जरा बिना लज्जाए। और जब ये होगा पृथ्वी के जरे जरे पर हू का राज। इधर चमचमाते हुए शानदार राशि घोड़े पर सवार प्रिंसेस जूलियट का व्यक्तित्व किसी भी अप्सरा को मात कर रहा था और हॉर्स राइडिंग की प्रिंसेस की दिनचर्या में शामिल थी। प्रिंसेस रोमियो हर बार प्रिंसेस जूलियट हर ऐसी खतरनाक हरकत गले पर अटक जाती थी। यह वह नन्ना सा खूबसूरत प्यारा सा प्राणी खरगोश जो है चंचल स्वभाव दब्बू या डरपोक समझाता था, हल्की सी आहट पर जिन्हें खतरे की चेतावनी देने लगते थे।
और वह अपनी जान बचाने के लिए समझ आता था कि सुरक्षित जगह पर, और प्रिंसेस जूलियट की खूबसूरत आंखें मांद के ऊपर एक पीछा करती हुई चली गईं। वाह कितने प्यारा सफ़ेद खरगोश जो हमारे महल में भागता दौड़ता नजर आना चाहिए। ओह कहाँ गया खरगोश की खूबसूरती में सम्मोहित बड़ी प्रिंसेस जूलियट के खतरे की परवाह नहीं की, और जो अंधेरा होने के कारण मांद में मौजूद था छीं 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 छीं, और प्रिंसेस जूलियट उसकी खबर आवाज निशाचरों की खबर थी। कहाँ हो प्यारे खरगोश? खरगोश तो मांद की दूसरी तरफ निकल गया, लेकिन इसी पल प्रिंसेस जूलियट की खनकदार आवाज़ एक मोमेंट स्पर्शी चीख में बदल गई। आई तिलस तिल तिलाता हुआ सिर मांद से बाहर खींचा और रूह कपा देने वाले प्रिंस प्रिंस प्रिंसेस धराती जी वातावरण धला दिया, और इसी पल झपड़ कर निशाचर को दबोचने वाला प्रिंसेस दबोच रोमियो का ही था। ओफ ये तो चेहरे में बुरी तरह चिपक गया है। प्रिंसेस गेरू को कलेचे नस्तर चुपता चला गया, और फिर प्रिंस निशाचर खींच जलने में सफल हुआ। बुरी तरह चेक कर प्रिंसेस जूलियट आई, इधर गुलाबी चेहरा खून से लाल हो चला गया, और राय स्पेंसर के फैमिली डॉक्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर कुत्ते भेड़िया बिल्ली या किसी भी जानवर या चमगादड़ जैसे रक्त पिपासु प्राणी काटने पर अधिक खतरा जिस बीमारी का होता है वह रेबीज। और माइक्रोस्कोप के नीचे प्रिंसेस जूलियट की खून की जांच करते हुए क्रिस्टोफर आगे बुरी तरह ओह नो नेवर असंभव कैसे हो गया ओ गॉड क्या हुआ डॉक्टर मेडिकल स्टीम ऐसा आज तक ना हुआ है ना कभी सुना है प्रिंस के किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव भी हो प्रिंस की किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव भी हो और बी नेगेटिव भी क्या प्रिंसेस के रक्त में डबल ब्लड ग्रुप मौजूद है प्रिंस सर डिकोस्टा जूलिया डेविड फर्नांडेज विश्व के साथ आश्चर्य गीजा पिरामिड का रहस्य जानने के उद्देश्य से बेथ खामेन की मम्मी का याद कराना कोई इस खजाने को छूने की चेष्टा न करे वेदस हीरों को बेशकीमती चुरा लिया डेविड ने। तब डिकोस्टा महल में पहुंचने पर डेविड ने दिखाया कि बेथ खामेन की मम्मी का हार सबको सांप सूंघ गया वह हार को वापस पहुंचाने के लिए पहुंचाना होगा लेकिन फादर जॉन समझ चुके थे इतना आसान ना होगा। डेविड की आत्मा ने फर्नांडिस पर कब्जा कर लिया था और विवश होकर फादर जॉन ने डेविड और उस पर हावी आत्मा को मार दिया। तभी वो पहुंचा क्या था टारा डाकू बाबा खान उसके हमले में बुरी तरह घायल हो गए। फादर जॉन और डिकोस्टा बाबा खान खजाना हजार लूट कर भाग गया। मरते समय डिकोस्टा ने फादर जॉन को बचा लिया। तुम मम्मी की अमानत को हार को वापस लाकर पिरामिड को सौंपना हुआ यस फादर और पुलिस की जबरदस्त कोशिश में बाबा खान मारा गया लेकिन मौत से पहले डिकोस्टा महल के भूमूल खजाना दस हीरों को हीरे को नीलाम कर चुका था। हॉस्पिटल में पहुंचने में सर डिकोस्टा की मौत हो गई और अगर पुलिस को सारी जानकारी पहुंचानी थी डिकोस्टा के एकमात्र वारिस विक्टर तक अगर वह हार वापस मम्मी तक ना पहुंचा तो धरती पर शैतानी ताकतों का बोलबाला होगा प्रलय आ जाएगी। तुम्हें वह हार प्राप्त करना होगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी मैं मम्मी की अमानत को वापस करके प्राप्त करूँगा दादाजी। विक्टर माइकल के चाचा माइकल चाचा से मदले ने पहुंचा उसकी मुलाकात हुई चचेरी बहन मदर से तो तुम विक्की उफ विक्की ने दोनों को सब कुछ बताया और इस प्रकार शुरू हुआ मदर विक्टर का खौफनाक सफर जो मुसीबतें थी। कैली तुम्हारी मदद से हमें हीरा प्राप्त हुआ हमारे पास तीन हीरे आ गए हैं हो गए हैं और सफलताएं भी थी। दक्षिणी अफ्रीका के खुर्राट जासूस कैली की मदद से वे आसानी से आगे निकल गए। हमारा अगला पड़ाव होगा ऑस्टनबर्ग वहाँ से हम मम्मी की अमानत उस हार का चौथा हीरा प्राप्त कर सकेंगे। ऑस्टर्मर के शानदार होटल में उस वक्त मौजूद थे मदर विक्टर अंडरवर्ल्ड में डायन के नाम से प्रसिद्ध है हमारा अगला शिकार हत्या लूट पर नाम के प्रसिद्ध हत्याएं लूटपाट व अपहरण में उसके मुख्य अपराध हैं और वो शख्स शब्दों से ज़्यादा गोलियों का इस्तेमाल करता है। उसे हीरे की बरामदगी आसानी नहीं होगी हमारे लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी मजबूती एक शक्तिशाली दिमाग दुश्मन से दिमागी लड़ाई केवल उसे बुद्धि क्योंकि केवल बुद्धि ही बल पर हावी हो सकती है। शायद तुम ठीक कहते हो विकी लेकिन काश देख पाते बुद्धि और बल से पर एक चीज़ है जो किसी और वक्त किसी और पर हावी थी। हाँ मैं हूँ धरती पर लगातार हो रही इंसानियत की मौत का सबसे अधिक फ़ायदा मुझे ही होना है क्योंकि तभी कायम कर पाऊंगा अपना शासन शैतानी शासन हाँ और इस शैतानी शासन में दो शैतानी दुश्मन मेरी राह में सा रोड़ा बने हुए हैं। होटल की दीवार पर है छिपकली की तरह टेंगते चले जाने पर यह चमत्कार पहली बार नहीं दिख रहा था क्योंकि वह था पेशेवर चोर पीटर मेरे हाथों और पाँव में फिट उपकरण में छिपकली की तरह चिकनी से चिकनी दीवार पर चिपकाए रखते हैं और मेरा इस बार मेरा निशाना बारी मंजिल पर रूम नंबर 20 में मौजूद मिस्टर ब्रून का कीमती सामान। इसी पर अनभिज्ञता पीटर की हू की चमकती छाएं छिपी थी। हीरो का व्यापारी मिस्टर ब्रून ब्रून के कमरे में नहीं अब तू जाएगा विक्टर के कमरे में अब बुरी तरह चिका कौन है खनाक रोशनी की तीव्र चमक पीटर की आंखें उफ
स्प्रिंग के धमाके चला करो, यह क्रॉस हमारे हवाले कर दे बेवकूफ, अगर ये खुल गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। सुना नहीं तुमने, वरना मैं शोर मचा दूंगी, खुंकार हो गया पीट के। चलो मुझे हीरे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे गले भी काट सकता हूँ। इसे कैसे पता चला क्रॉस में हीरा है? पीट ने झपटका शेष क्रॉस भी उठा लिया। चिल्लाओ, जल्दी चिल्लाओ, मगर किसी को यहाँ पहुँचने में जितना समय लगेगा उतने में तो मैं तुम दोनों गले रेत कर डालने के लिए काफ़ी होगा। गजब कर दिया पीटर ने। याहू, मैं जानता था कि ये चोरी मुझे माला माल कर देगी, पर यह कभी सोचा था विक्टर की उस फाउंटेन मैन का प्रयोग कभी शस्त्र के रूप में हो सकता है। साँ खच आहा, और निकट पड़ी कांच की सेंटर। घसीटता हुआ विक्टर आगे बढ़ता चला गया। मधु दीदी, वह क्रॉस सीधे संभालो। धड़ाक आहा, मधुर ने लपक लिया क्रॉस वे हीरे को। हीरे क्रॉस वे इन खांचों में फिक्स हो गए, कर गिरने से बच गया। और सिमले से कोई गुलदस्ता पीटर की ओर झपटा। मेरे सही समय पर बुद्धि मुझे फाउंटेन मैन का इस्तेमाल समझ में आ गया, और यह गुलदस्ता। लेकिन उसी पर समूचा जिस्म कांप गया। काटो खून नहीं, चोर जी। मधु दीदी आहा, विवेकी ओफ। मधुर ने उतार लिया ड्रैप्टी रॉड और चीते की तरह टूट पड़ा पीटर पर। घबराना नहीं विक्की, घबराना नहीं। अचानक से पुलिस सामान रेंगता हुआ फर्श पर आ गिरा, कई चक्कर लगा गया। मधु दीदी, इस शैतान से भी दो क्रॉस और हासिल करने हैं। और इसी पर पीटर कुर्सी के लिए खिड़की को रेंग गया, लेकिन उसी पर विक्टर बाज की तरह पूछ लिया, यह मेरे हीरे लिए बिना मैं तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा शैतान। उसी पर विक्टर तेज झटके के साथ प्रणाम सू नीचे आ गिरा। उफ, उधर गूंजती चली गई पीटर की चीख। और उन दोनों ने झपट कर हीरे खिड़की भाजा का नीचे उस चोर की लाश आसपास भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है। उसी कोर्ट में हाथों में बंधे उपकरण उतर गए हैं, इसी कारण वह छिपकली के समान दीवार पर चल रहा था, लेकिन अब नीचे गिर पड़ा। मधुर के चेहरे पर गहन परेशानी थी, लेकिन वह खौफनाक वह उपकरण लेकिन उसका खौफनाक रूप उन उपकरणों के कारण नहीं था। हो सकता है पवित्र क्रॉस खुल जाने के कारण ऐसा हुआ शायद, लेकिन इस बार ऐसी घटनाएं क्रॉस के किसी बैंक लॉकर जैसी सुरक्षित जगह में नहीं रखना चाहिए। इस बारे में बात सोचेंगे, फिलहाल इस कमरे को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि चोर वाली घटना का संबंध इससे फिलहाल न जुड़ पाए। रॉयल पैलेस, शाही परिवार के बोरिस प्रिंस रोमियो का निवास। उस चीख के साथ ही संपूर्ण सिंधी सनसनी भगदड़ मच गई। प्रिंस रोमियो के मौजूद घटनास्थल पर पहुंचे। क्या हुआ इसे प्रिंस? इसकी गर्दन पर दो दांतों के निशान है, किसने इसे खून पिया? क्या है, मर चुका है? जवाब उस समय कथित लाश ने दिया, ये तो जिंदा लाश है और अभी इसे मर समर रहे हैं। ओ गॉड आहा। फिर डॉक्टर क्रिस्टोफर ने उसे प्रिंस रोमियो की प्रस्तुत किया। प्रिंस का दिमाग चला, नहीं है, नहीं हो सकता। अगर बटलर में खून की एक बूंद है तो जिंदा कैसे है? प्रिंसेस की ब्लड की जांच के बाद यह आश्चर्य घटना बता रही है कि महल पर कोई मुसीबत मंडरा रही है। फिर अगली तूफानी रात मर्सिडीज की पिछली सीट को देखकर चौंक पड़ा डॉक्टर जेम्स। वह पिछले कई दिनों से प्रिंसेस दस्ताने पर कोई अपने हाथ नहीं उतारे। अचानक इस प्रिंस के हाथ से दस्ताना उतर गया है और प्रिंस अभी अपने कमरे में नहीं गए होंगे। उसने दस्ताना उतार कर, ओह गॉड ये क्या है? दस्ताने से खून देखकर जम गया था डॉक्टर जेम्स का। उसने किस तरह पुकारा, होश जेम्स आ प्रिंस। खुद गर्दन जेम्स की गर्दन पर मिले दो लाल निशान पूर्व हेल्पर्स की चर्चा का विषय बन गए। मेरी गर्दन ड्राइवर की गर्दन जेम्स की गर्दन पर बटलर के निशान दांतों के दो निशान, क्या उसे खून की जांच की गई थी? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा प्रिंस की जेम्स के शरीर में भी जांच किए खून नहीं निकला है, वह भी जिंदा है। प्रिंस, मैं प्रिंसेस की रक्त की जांच करके एक बार फिर करना चाहता हूँ। कोई और भाव आ रहे थे प्रिंस की आंखों में, कई दस्ताने चढ़े अपने दस्ताने चढ़े हाथों बेचैनी के साथ दबा रहा था प्रिंस। काफ़ी सवाल था प्रिंसेस की हालत में। मेरा चेहरा तो विकृत नहीं हो गया प्रिंस? नहीं, चमका दौड़ा काटे जाने पर भी निशान शीघ्र बढ़ जाएंगे। देखो आईने में आपकी खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरती चला भी आज नहीं आई है। ओह थैंक्स गॉड। उसी पर डॉक्टर क्रिस्टोफर वहाँ प्रवेश किया। प्रिंस की अचानक गुलते फैल गई। ओफ यह है क्या? ओफ प्रिंसेस के चारों ओर एक चमकादड़ साया दिखाई दे रहा है, चमकादड़ी साया दिखाई दे रहा है। अगले दिन सुबह डॉक्टर क्रिस्टोफर की गर्दन पर दांतों के निशान। ओफ पुलिस को बुलाना जरूरी हो गया। रॉयल प्रिंसेस के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बयान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर मिस्टर रोनाल्डो कोई कसर न छोड़ी। महल में कोई गड़बड़ चल रही है, मुझे उसका पता लगाना होगा। सर से होश आ रहा है, लेकिन फिर ऑफिसर के लाग जाने के बाद भी क्रिस्टोफर एक शब्द ना बोल सका। और ऑफिसर बावर्ची खाने बयान सदर हो गया। प्रोफेसर रोनाल्ड, यह सारा खूनी चक्कर तब शुरू हुआ जब से प्रिंसेस उस मनहूस चमगादड़ ने काट लिया था। प्रिंसेस वैम्पायर बन गई हैं और वह लोगों का खून पी रही हैं। शट अप, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। उस रात मचे हड़कंप के बाद हिरन की तरह कुलाचे मारता हुआ ऑफिसर रोनाल्डो महल के दौड़ा। चीख की आवाज़ लगता है को
कोई वैम्पायर का शिकार बनने बन गया है शायद, या बनने जा रहा है। महल की गैलरी में लोन की ओर भागते साइक और रोनाल्ड का रिवॉल्वर, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गोली उस चला जानी पड़ी उसे धाएँ, लेकिन एक भयानक चीत करके सारा कलाबाजी खाता गिरता रहा पड़ा। प्रोफेसर रोनाल्डो अकेला नहीं था, ये तो वह पिशाच जो महल में लोगों का खून पी रहा है। बटलर, ये तो बटलर है, उफ। नब जब पूर्वज चलने लगी थी तभी कुछ लोग दौड़ते वो बचे। प्रिंस इसने एक स्वीपर का खून पी लिया है। खबर ही ऐसी थी कि भभू कोटा डायन का चेहरा। क्या बटलर मारा गया? कैसे? इनफॉर्मर बटलर की मौत के एक एक अंश बताया चला गया। बटलर की मौत पर सांप सुन गया डायन को। ओहो, हमारे काम का क्या हुआ? बटलर ने काम पूरा किया कि नहीं? मैं खुद ही महल की देखरेख के लिए महल में बटलर के साथ नियुक्त था डायन। मेरे ख्याल से बटलर अपना काम खत्म कर चुका था। चमकादार की आंखों में चमक लिया कि तो फिर खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? सबको मिशन के लिए तैयार होने का आदेश दो। किराए की एक मोटरसाइकिल पर बांधकर विक्टर सुबह निकले। डायन पर हमारी स्कीम तो चल जाएगी ना मदरुद्दीन? ज़रूर। ज़बरदस्त ढंग से उसे मोटरसाइकिल ब्रेक मारने रुकते रुकते मोटरसाइकिल साइज टकरा गई और बीस वक्त पैकर धड़ाक। बचो विक्की क्रीच, एक तरफ तो शरुआ, पकड़ो पकड़ो वह शैतान है पिशाच। साइज पिंगी था, मैं कुछ देखता हूँ जी। ओफ विक्की रुको, तभी साय को दबोच लिया। ओह गॉड, तभी साय नहीं, ओफ ये तो शैतान, जरूर उसमें शैतानी शक्ति भरी हुई है इसमें तो। लेकिन पीछे विक्टर की गर्दन में था पीले गद्दे धांस धगा खूनी दांत धसा देता। धड़ाक घर्र, आँखों का लहू गिरा था। लेकिन मधुर ने मोटरसाइकिल को से कुछ डाली सी टांगे हैं तो जब भागने में काबिल नहीं छूंगी। शैतान दृश्य देखकर चैन की आज उन्होंने मधुर दीदी वह तो हवा की तरह तैरता हुआ निकल गया। व्यक्ति हम अपने आने के उद्देश्य से भटक गए हैं, नहीं बल्कि घटनाक्रम ऐसा घटा है कि हमें शामिल होने विवश हो गए हैं थे। चब चलो, लेकिन मोटरसाइकिल काफ़ी कोशिश करने में स्टार्ट नहीं हुई। और इधर महल में बचे हंगामे से प्रिंस साहब पूछा, आप लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? महल में पिशाच घुसा है, हम उसे महल में आते देखा है, बाहर निकालो। यहाँ कोई पिशाच नहीं है, यह पिशाच नागरिक का खून पीने की कोशिश किया, उसे बाहर निकालो वरना है महल में हंगामा मचा देंगे। मैं कह चुका हूँ यहाँ कोई पिशाच नहीं है। अगर ऐसी बात है प्रिंसेस को बुलाओ। प्रिंसेस कहाँ है? शहर में अखबार बड़े बड़े हैं। प्रिंसेस देखो, महल के बावर्ची खाने द्वारा प्रिंसेस वैम्पायर होने का इल्ज़ाम। महल में अजीबोगरीब घटना है, बकवास बंद करो, प्रिंसेस के पास ले चलो। तभी प्रिंस रोमियो ये स्टेथोस्कोप सड़क पर जहाँ मिला खून पीने वाले साया गुजरा। निसंदेह में डॉक्टर क्रिस्टोफर को चेक करना चाहता हूँ। उस समय सूरज की रश्मि यहाँ धरती को छूने लगी थी। तभी डॉक्टर क्रिस्टोफर जेब में हमेशा मौजूद स्टेटोग्राफ गायब है। प्रिंस और मुझे डॉक्टर के क्रिस्टोफर की कस्टडी में लेना होगा। प्रिंस के कक्ष में समुद्री वाली खिड़की ग्रिल गायब है। कैसा रहस्य है? क्या है? प्रिंसिपल ने गायब कर प्रिंसेस ने गायब कर दिया ये जिंदा लाशें, यानी वैम्पायर। महल में प्रत्येक व्यक्ति वैम्पायर कैसे बन गया? हाँ, मरने से पहले बटलर हमारा काम आसान कर गया। अट्ठारह से डायन के कंठ से प्रिंसेस कक्ष के देखरेख के बाहर खिड़की के पे ढीले करता रहा। और फिर प्रिंसेस ने हमले के बाहर उस खिड़की के एक उछाली एक गोह और गोह की विशेषता थी कि जहाँ कदम जमा दे वहाँ से उखाड़ने के लिए हाथियों का बल भी काम नहीं आता। और प्रिंस बटलर द्वारा ढीले से की गई खिड़की को हटाकर समुद्र में फेंकने में भला कितनी देर लगनी थी। और फिर किसी में दिवोश दवा के स्पेस आसान हो गया और प्रिंसेस जूलियट बेहोश मिली। उठा लो इसे। प्रिंसेस का अपहरण करने के बाद अब प्रिंसेस की फिरौती की कीमत होगी। वह हीरा जो मैंने खुद एक व्यापारी का रूप बनाकर प्रिंसेस रोमियो को बेचा था। हाँ, इतनी लाजवाब चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। हाँ, और फिर कदम नाना भून डालूंगा फायर करना, क्योंकि विक्टर के चेहरे पर सकता था। क्योंकि अगर वहाँ से 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं गए तो पुलिस को अड्डे की सूचना दी जाएगी। कौन हो तो मैं तुम्हें जिंदा ही छोड़ूंगा। डायन वक्त वक्त कम है, उस हीरे को चाहिए। बाबा खान से नीलामी में खरीदा गया था। बचे 12 मिनटों में ही तुम्हें उसका पता देना है, क्योंकि 15 मिनट में तुम्हारा तयशुदा जगह पहुंचना जरूरी है। और इस इन्फॉर्मर हमारा इन्फॉर्मर तुम्हारी जानकारी पुलिस को ना दे दे। ओह, अगर मैं तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दूँ तो समझ लेना तुम्हारे सिर पर मौत का एक ऐसा फंदा लग रहा है जो किसी पर गंदा फेंक सकता है। विक्टर ने 3 बार सूर्य तेजी से हो रहा था। विक्टर ने सिर्फ 3 मिनटों में अभिषेक हीरो के बारे में बताया। सबको सुनने के बाद शिकोर के डायन गए, वह हीरा तो मैं प्रिंस रो। ओह, तेजी पर डायन ने घुटघुट चीख सी निकलाई। अब प्रिंस डायलॉग की चीख से कांप गया। प्रिंस जूलियट क्या हुआ? पकड़ो उसे। आहा, तभी प्रिंस ने उस पकड़े बदमाशों को बोला, आहा बचाओ, ये वैम्पायरी तो वैम्पायर बन चुकी है। विक्की अभिषेक हीरे कारण हुआ है। अब प्रिंस ने गोलियों से बूंदा चला गया। नहीं नहीं, और उसी लाश ने बोल के डायन की गर्दन, नहीं। और लास्ट डायन करने में मधुर दीदी, ये वैम्पायर है, किसी को काटेगा उसके जैसा बन जाएगा। तभी प्रिंसेस डायन और दूसरे आदमी खूनी वैम्पायर बन चुके थे। भागो मधुर दीदी, खूनी हंगामा जब तक बंद नहीं होगा जब तक वह अभिशप्त हीरा हासिल ना हो। तभी आगे टांग धासी होती धा खचाक उफ। दरवाजा पूरी तरह झंडों जाने लगा था। और रोनाल्ड सूर्य और सास के साथ ही पूरी पहुँच गया था प्रिंस के सामने। प्रिंस, यह बात निर्बाध रूप साबित हो चुकी है कि कल रात शहर में खूनी पीने वाले जितने भी बार हुए हैं वह महल
कि लोगों द्वारा किया महल में मौजूद सभी लोग रक्त नहीं है लेकिन फिर भी वे जिंदा हैं। यह बात उन लोगों के बयानों की है जिन्होंने कल रात महल में खून पीते देखा था। इस समय संपूर्ण महल में पुलिस का पहरा है। और हाँ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ख्याल पूछना चाहता हूँ कि मैं इस मौसम में अपने हाथ में दस्ताना क्यों चढ़ा रखा है? मुझे अपने दस्ताना उतार कर दिखाएं और फिर कानूनी रूप से निपटाने में आपको पुलिस स्टेशन चलना है। यहाँ से फ़ौरन चले जाओ ऑफिसर। प्रिंस, क्या हुआ तुम्हें? चले जाओ प्रोफेसर बनना, शेर उठे कदम। ओ गॉड! और प्रिंस ने उसकी रोनाल्डी गर्दन नहीं हो फिर रोनाल्ड की तेज चीख के बाद हम गुना जानबूझ कर इतनी तेज चीखा था वह कि परिणाम से पुलिस फोर्स आ गई हम पर रोको इसे। लेकिन शैतान का साथ सामना इतना आसान नहीं था। उसी पर पुलिस की कारें बाहर खड़ी हैं। शायद पुलिस के सामने अंदर हंगामा मचा हुआ है। एक वैम्पायर की वेशभूषा पहना वैसे यही प्रिंस है। ऑफिसर, ये सारा है खूनी हंगामा ये सब सब हीरे के कारण हुआ है, बता सकता है? यह हमें कौन बता सकता है बेशकीमती हीरा कहाँ है? प्रिंस ने हाल ही में खरीदा धड़ाक। लेकिन इससे पहले कि मधुर जवाब मिलता, उफ़ हा विक्की, अब विवश होकर गोली चलानी पड़ेगी। मधुर दीदी, धाएँ 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 विक्की, आ मैं तुम्हें कुछ नहीं हो दूँगा। उफ़, यह क्या, यह तो मे वही हीरा है। तभी विक्की ने गर्दन प्रिंस का खूनी हाथ गर्दन के शिकार के करते प्रिंस के खूनी दांत मधुर की गर्दन के पास। और तब विक्टर ने झपट लिया ब्रेसलेट को और विक्टर के बला से पवित्र क्रॉस को। तभी अचानक ढालों के ऊपर गिर पड़ा। आहा! और प्रिंस के जबड़े और नुकीले दांत दोनों गायब होते चले गए। गोरिल्ला के स्थानों से फुब्बारा निकला और तब आहा, मुझ पर एक ऐसा जुनून सवार हो गया था। जिस दिन प्रिंसेस को चमगादड़ ने काटा और खून उतर देकर पागल हो गया था और मैंने प्रिंसेस का खून पीना चाहा, मगर थोड़ा सा खून पीने के साथ ही सूर्योदय कारण में ढाल हो गया। और तभी एक सर्वप्रथम बटला का खून पिया। मैं जैसा खून पीता वही वैम्पायर बन जाता। अगले दिन प्रिंसेस का सारा खून पी गया और कहने के साथ ही आवाज़ में फंस गई। लेकिन ऑफिसर, मुझे नहीं पता था कि ये सब क्यों किया। मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। ऐसा खामोश हो गया प्रिंस। सभी लोग वास्तव में मृत हो गए थे जो वैम्पायर बन चुके थे। और प्रिंसेस डायन सहित और मधुर दीदी और विक्टर की आंखें भरी हुई एक चाक विक्टर की भी आंखें भरी हुई थी। मधुर दीदी, आखिर इस कीड़े ने कई और निर्दोष लोगों की जान ले ली। हाँ, न जाने हमें ऐसी कितनी खूनी परिस्थितियों में सफर गुजरना पड़ेगा शेष हीरों तक। दी एंड। दोस्तों, ये शानदार हु 5 यंग समाप्त होती है। हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट हु 6 में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना हो प्रस्तुत है हु की अगली कॉमिक्स हु 6। इससे पहले की पिछली कॉमिक्स हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हु कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। शुरू करते हैं हु 6। ये कवर पस्ट हु 6। अमेरिका का शहर हैटन, जहां अपराधों के लिए दिन रात का कोई मतलब नहीं है। अपराध फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के दिलों में न जाने कब किस आहट से दहशत जाग उठे। टनाक दहशत भी ऐसी कि आह नहीं, उफ ठहरो नहीं, मुझे मत मारो, डरो नहीं, बताओ तुम किस क्यों घबरा रहे थे, किसको घबरा कर भाग खड़े हुए, देखकर घबरा कर भाग खड़े हुए। मैं जोरदार पटकने की आवाज़ सुनकर डर गया था, वह तो मैं डंडा पटकने की आवाज़ थी। ये सारा डर स्कूल स्कल मास्टर का है जो सुनसान जगह पर शिकार का तलाश करता घूमता है उनकी खोपड़ी तोड़ने के लिए। खच आहा, खून देखकर सुकून मिलता है। उफ, स्कल मास्टर द्वारा को हत्या, कुल मिलाकर वह उस विच्छेद हत्यारे द्वारा 25वीं हत्या है। सभी हत्या कनपट्टी पर वार करके की गई हैं, मगर इस बार हत्यारे ने एक नई हरकत की। अपने शिकारी की खोपड़ी तोड़ने के बाद उसका भेजा गायब कर दिया, मगर वो पहली या दूसरी घटना नहीं थी। एक और ऐसी हत्या जिसमें खोपड़ी से भेजा गायब है, एक और हत्या, मगर इस बार स्कल मास्टर का शिकार भेजा सही सलामत है। इधर ऑस्टनबर्ग के हैटन की धरती पर कदम पड़ चुके थे माधुरी विक्टर के। मधुर दीदी पिरामिड के 4 हीरों को प्राप्त करके 4 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, मगर विक्की, अभी तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 5 और हीरो की जरूरत है, जिनमें से एक में हैटन में किसी डॉन नाम के अपराधी के पास है। इधर उस शैतान की निगाहें एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी में बढ़ते मधुर विक्टर की थी। इंसानियत की रक्षा के लिए अभिशप तीनों को प्राप्त करने निकले हो तुम दोनों, लेकिन मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हें हर कदम पर तुम्हारी मंजिल दूर करता रहूंगा। हा हा, किसी भी तरह से। हा हा, और ओफ, देख कर नहीं चलते क्या? ओह सॉरी मैन, देख के जरा तुम्हारी जेब तराश कर भागा है। ओह नो, पर्स में मेरे क्रेडिट कार्ड हैं जिनमें किसी भी देश की मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, जिनके बिना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मोटरसाइकिल पर सवार एक्सीटर घुमा चुका था, पर विक्टर अपने स्थान से कूदा। एक तेरे कारण कितने लोगों के जीवन खतरे में पड़ जाएंगे, तुझे ऐसा कैसे जाने? तू शैतान, मोटरसाइकिल समेत दोनों सड़क पर आ गए।
किंतु शीघ्र ही फुर्ती से खड़े हुए ठक ऑफ। विक्टर ने भागते जेब करते हुए कांच की बोतल मारी। ऑफ कार बीच में आ गई। विक्टर ने मालिक को समझाना चाहा लेकिन वह जेब को तो पड़ जा, किंतु तुम्हें मेरा नुकसान भरना होगा। व्यवस्था जांच बीच करेगा। वह जेब कतरा मेरी पहुँच से दूर जा चुका है। तब आखिर विक्टर को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ऑफिसर ने मिस्टर बूस से आश्वस्त किया, डोंट वरी मिस्टर विक्टर, वह जो भी है जल्दी गिरफ्तार होगा। आपको हमारे देश में हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। पुलिस स्टेशन में प्रत्येक क्षेत्र के अपराधियों का ब्यौरा, तस्वीरें होती है, पॉकेट मार की पहचान, पुलिस स्टेशन चलना होगा। जरूर आओ दीदी, अगर ना पकड़ा गया तो हम अपना मिशन अधूरा छोड़ना होगा। वह रात उन्हें फुटपाथ पर गुजारने के लिए बचना पड़ा। हमारे पास जो थोड़ा बहुत कैश बचा है उसे हम अगले दिनों के लिए खाने पीने जैसी जरूरतों के लिए पूरा के चाहिए, जिसे हम होटल पर खर्च नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड मिलने चाहिए, विक्की बिना सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। फिलहाल तो सो जाओ क्योंकि सुबह से पहले कुछ नहीं हो सकता। मगर सुबह भी दूर थी और रात को बहुत कुछ बीतना था, भले ही कुछ घटता रहे। वह स्कल मास्टर था मुझ पर रोड का पार कर, मगर अचानक कुत्ते भौंकने से नींद खुल गई और भाग निकला। तेज शोर मचा, उसे पकड़ना होगा। हम लोगों पर हरदम नंगी दरबार बनकर लटकता रहता है वो, आज नहीं बचना चाहिए वो हत्यारा। इधर खूंखार भाव लिए पहुंचा स्कल मास्टर खोपी वो, इन दोनों को मौत देगा अभी हत्यारा, कुछ क्षणों में अपने वश में कर लूँगा। बेखबर नींद में सोए पड़े थे मदर विक्टर, दूर से उठते शोर की परवाह नहीं थी, मगर सिर्फ होंडे की पूरी दरिंदगी थी। टूटी हुई खोपड़ियाँ, बहता हुआ खून राहत पहुँचाता है। ठीक उसी पर विक्टर की टांग उठी। ओफ, सही समय पर हाथ मिल गया आक्रमण की। ओफ फिक्की, ओह गॉड, विक्टर ने पूरी शक्ति से हरकत करके घुमाया सूटकेस को। धाक, मजबूर होगा तुम, फुटपाथ पर सो रहे थे हत्यारे मगर बेहोश नहीं थे। फुर्ती के साथ उठकर हत्यारे ने सतर्क किया, कौन है ये, शायद कोई चोर है, हमारा सामान चुराना चाहता है। एक तीव्र झटका दिया हाथों में, उफ, मजबूत पंजों की जकड़ में आ गया। सूटकेस का पहाड़ हुआ दूर दरिंदे, ओफ, इसने दम घोट जा रहा था। धड़ाक, बड़ी फुर्ती से लबादा खींचा। ओफ, ये तो दरिंदा है, हत्यारा कहाँ गया, वो उस तरफ भागा है, मगर तुम वो खुंखार हत्यारा स्कल मास्टर है जो फुटपाथ पर रहने वाले खोपड़ी तोड़ता है, उसका भेजा खा जाता है। इस शहर में दिखते ही दिखते हैं, हमें इस परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा विक्की, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड वाली परेशानी हल नहीं हुई तो वापस लौटना मुश्किल होगा। तब ऐसा हुआ देखेंगे क्या करेंगे, वो फिलहाल हमें हत्यारे से ये पुलिस को सौंप देना चाहिए। उधर हत्यारा भीड़ के हाथ नहीं आया, इसे हमें दूसरे बिलाना के सरगर्मी बची थी। वूँ वूँ वूँ, खोपड़ी पूरी तरह तोड़ी गई है, स्कल मास्टर की दरिंदगी का शिकार हो गया, तलाशी लो, इसके सर से भी दिमाग निकल गया। सर, इसकी जेब से कुछ पर्स बाहर हुआ है। पर्स, ओहो ये पर्स तो, फिर उसमें पर्स में देखकर फोटो चौका प्रूस, सासान बोनर पलट दिया कि जल्दी, अरे तुम दोनों अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, क्यों क्या हुआ, कल वह जेब का था स्कल मास्टर का शिकार हो गया, तुम्हारा पर्स ही बरामद हो गया। ओह रियली मार्वलस, इसमें क्रेडिट कार्ड सुरक्षित है, वो थैंक यू वेरी मच ऑफिसर, अचानक चौका प्रूस, मगर ये तुम्हारे हाथ में क्या है। मिस मधुरी, इसका स्मार्टर का हथियार है वो, हाँ असल दर्द में हम हथियारे को पुलिस को सौंपने आए थे, विक्टर से बताया चला गया और चेहरे पर अविचिन भाग लिए थे ब्रूट, उस पर खून नहीं लगा, इसका मतलब उसने जेब कतरे की हत्या नहीं हुई थी उस समय। फिर हथियार स्कल मास्टर, इसके बिना हत्या भी अपनी चिरपत्ते अंदाज में कैसे कर दी। स्कल मास्टर, आप मिस्टर विक्टर, आप हत्या स्कल देखने पहले पहले व्यक्ति हैं, मुझे शक है कि हत्या से पूछ जेब कतरा स्कल मास्टर का पर्स भी ले उड़ा होगा, और यह दूसरा पर्स उसी का है, कहीं यही तो स्कल मास्टर नहीं होगा। और ये तो डॉन है, ये स्कल मास्टर नहीं है क्योंकि मैं हजारों की भीड़ पर जा सकता हूँ। ये क्या, इस कार्ड में क्या छपा हुआ है, लाओ मुझे दो, मुझे मैं नहीं मालूम, तो मैं मालूम पर से एक बहुत बड़े अपराधी डॉन का है, इस पर शायद कोई कोड बनाया गया, इसका संबंध जरूर किसी आपराधिक गतिविधि से, इस पर चलना होगा। स्कल मास्टर की जानकारी देने शुक्रिया, यह तो मेरा फर्ज था ऑफिसर, और शुक्र है क्रेडिट कार्ड मिल गया, थोड़ी चिंता दूर हुई। दोनों होटल में पहुँच चुके थे, हमें डॉन से हीरा हासिल करना है। डॉन हेडक्वार्टर बाबा खान की आत्मा का पता दिया था, अब कैसे बोल सकता है, हमें सोचना है। बाबा खान अभिषेक हीरों के बाहर जाने के लिए पूर्व कथानक पर नज़र डालें, सर डिकोस्टा, डेविड फर्नांडेस, पिरामिड मम्मी के नए और बैत खामिन की मम्मी खजाने तक पहुंचे। पिरामिड की भटकती आत्मा ने डेविड पर कब्जा किया, तब वापस डिकोस्टा ने महल पर बैत खामिन की मम्मी का चलाया हार, सबको सांग सुन गया, सार को वापस पिरामिड में पहुंचाना होगा, लेकिन फादर जॉन समझ चुके थे सब इतना आसान ना होगा। डेविड ने काबिज आत्मा को फर्नांडिस को भी मार डाला, विवेश होकर फादर जॉन ने डेविड और उस पर हावी आत्मा को मार दिया। तभी वहाँ पहुंचा खुक्यात डाकू बाबा खान डिकोस्टा महल पे, उधर पूरी तरह घायल थे फादर जॉन डिकोस्टा, मरते समय फादर ने डिकोस्टा को वचन दिया। पुलिस की जबरदस्त कोशिश किया, बाबा खान मारा तो गया, लेकिन अब उसकी मौत से वो डिकोस्टा महल के हार के विश्व के कई खुक्यात अपराधी सरगनाओं में नीलाम कर गया। नीलामी प्राप्त सोना पुलिस ने प्राप्त कर लिया था, वह सोना डिकोस्टा महल के वारिस का था। हॉस्पिटल पहुंचकर डिकोस्टा की मौत हो गई, तब पुलिस की जानकारी डिकोस्टा और एकमात्र वायरस विक्टर को दी। मैं लाऊंगा वापस हार दादाजी, दादी मिलकर विक्टर, तांत्रिक चाचा माइकल,
की मदद के लिए पहुंचा। उसकी मुलाकात अमित से बहन मदर से हुई और जहां माइकल ने तन शक्तियों में बाबा खान की प्लेन चिटवाकर उस नीलामी का पूरा ब्यौरा देने पर विवश कर दिया। इस प्रकार शुरू हुआ मधुर विक्टर का वह खौफनाक सफर जिसे मुश्किलें भी थी और सफलताएं भी थी। डॉन जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी स्मगलर मोगैम्बो के साथ था, वह हीरा कहाँ है डॉन? इतनी भी क्या जल्दी है मोगैम्बो, मैं तुम्हें हीरा दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन किसी निकाय पहले पेट पूजा में काम दो। ठीक है, तुम्हारे हंटरिंग सबसे प्रसिद्ध चीज़ मंगाओ। एक बार याद दिला दूँ, हीरा न्यूयॉर्क तक भेजना होगा डॉन, उसके बाद उसे अफ्रीका ले जाने की सरदर्दी मेरी होगी। घबराओ नहीं, मैं सब कुछ सोच लिया किस तरह हीरा न्यूयॉर्क भेजा जाएगा। मगर मिस्टर ने बहुत सुंदर टेस्ट था इस डिश का, ये क्या थी? फ्राइड ह्यूमन ब्रेन। क्या नसलता मिस्टर, हीरा न्यूयॉर्क में तुम्हें कहाँ कैसे मिलेगा? कोटबार होटल में तुम्हें मिल जाएगा। जो हरकत डॉन के सामने कर सकता था वह खुद को करने से रोक नहीं पाया। उसे आँख सजमुल मानव मस्तिष्क खाने की कल्पना भी कितनी घिनौनी थी। एंटन की मेट्रो रेल डॉन, ताबूत के इंजन को पीछे लगा दो, लगेज बोझी में लोड कर दिया गया। गुड, ट्रेन नवारा रवाना हुई। मेट्रो रेल न्यूयॉर्क से ताबूत की डिलीवरी मोगैम्बो खुद ले लेगा और उसके बाद हीरे पेमेंट भेजने के लिए सरदर्दी भी खुद मोगैम्बो की होगी। अपने मोबाइल होम में संवार हो गया डॉन, इसे लेकर चल पड़ा मोबाइल होम। बारमैन अनजान था। डॉन की आंखों में बढ़ती सुर्खी तेजी के साथ सड़क पर से गुजर गया। मोबाइल होम और तब मुझे ही बताओ मधुर दीदी, आखिर आपने क्या किया? डॉन तो निकला जा रहा है मोबाइल होम, क्या दुनिया का मेरा दावा है? यह देखो, सड़क पर हमने जो बारीक गोलियां बिखेरी थी वह अधिकांश में से मोबाइल होम के टायरों में फंसी फंस चुकी होंगी। विके गोलियां कुछ द्वारा विशेष केमिकल द्वारा निर्मित की गई हैं, गर्मी पाती फट जाती हैं और उसके आसपास इंच का क्षेत्र एक इंच क्षेत्र में तो मार करती हैं। बची गोलियां सड़क पर बटोली, लेकिन टायरों में फंसने के बाद इन्हें गर्मी कहाँ से मिलेगी? सड़क पर टायरों तो घर्षण द्वारा, वो देखो मोबाइल होम लड़खड़ा रहा है, यानी टायर की गर्मी से गोलियां फट गया, टायर नष्ट कर दिया, ड्राइवर मैन को नहीं संभाल पा रहा है। और देख लो, वैन पेड़ से टकरा गई है और समय डॉन का एक अकेला आदमी जो मोबाइल होम में मौजूद था, धड़ाक। अब तो मैंने डॉन को यहाँ घेरने की योजना बनाई, क्योंकि जब हम कुत्तों के व्यापारी बनकर डॉन के चौकीदार से मिले थे तो उसने बताया था कि डॉन साहब एक अनजाने जनाजे में शरीफ होने के रेलवे स्टेशन का यही वह स्पॉट है जो मुझे अपनी योजना की जांच आया, क्योंकि डॉन की वापसी इसी रास्ते से बंगले में होनी थी। हमें सावधान रहना होगा, डॉन पर हमला कर सकता है हम पर। वैन में आग लग गई है, दुर्घटना से कारण कोई बात जानने के लिए बाहर निकला है, हो सकता है ड्राइवर बेहोश हो गया हो। ओ गॉड, ये तो ब्रेन खा रहा है। इसका मतलब ब्रेन ईटर स्कल मास्टर नहीं ड्रोन है, ब्रेन ईटर दिमाग खोर। बैटरी चले तेल मशीन से डॉन मदर विक्टर पर झपटा। मेरा ये हाल जानने के बाद तुम्हें मरना होगा। तुम्हें बड़ा तेजी से विक्टर ने दरवाजा बंद किया, तड़ाक। इधर डॉ विक्टर, बाहर से विक्टर ने साइकिल लगा दी। इधर चौक पड़ा विक्टर, मधु दीदी वैन के इंजन में आगे मोबाइल फ़ोन में फैल रही है, होम में फैल रही है, मगर इसने हमने डॉन को बाहर निकाल लिया तो उससे समय तो खून सवार है, हमारे खून को देखकर शांत होगा, मगर हीरे का पता तो लगाने होगा। शायद हीरे की प्रवृत्ति शैतानी प्रवृत्ति आ गई है। डॉन वैन में आग लग चुकी है, ड्राइवर केबिन में देख चुके होंगे, तुम्हारी जान बचाने की यही सूरत है। हीरे का पता बता दो जिसे बाबा खान ने नीलामी में खरीदा था, वह हीरा शब्द है। डॉन तो शैतान, तुम्हारी शैतानी हरकत, तुम ब्रेन ईटर बन गए हो, अगर तुम्हें हीरा में नहीं दोगे तो मारे जाओगे। अंदर से ड्रिल हिलने की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा खोल क्यों नहीं खोल दो, क्योंकि अगर मैं चल गया तो हीरा कभी नहीं मिलेगा। ड्रिल से दरवाजे खोलने की नाकाम कोशिश है की गई है, दरवाज़ा तब खुलेगा डॉन जब तक तुम हीरे का पता नहीं बताते। बेवकूफ मत होना, अंदर आग जलते अंदर रिजर्व पेट्रोल टैंक तक पहुँचने वाली है, तुम तो अच्छा है, तुम अच्छी तरह से भून सकोगे। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो, हीरा मेरे पास नहीं है। उसने फिर से ट्रेलर दरवाजा खोलने की कोशिश की है। मैं बताता हूँ हीरा, इस समय दरवाजा खोलो। आग, उफ विक्की जंप, गगन भेदी धमाके के साथ आग जरूर रिजर्व पेट्रोल पर पहुँच गई होगी, उसी का धमाका है। डॉन बुरी तरह से चल रहा है। आहा, ये तो खत्म हो गया, हीरे का पिस्टल हमें से बचाना चाहिए था। मधुर दीदी, अब हमें फौरन पुलिस को सूचना देनी होगी, हीरे की तलाश के लिए पुलिस की मदद लेना जरूरी हो गया है। मधुर की कॉल के बाद ऑफिसर को पहुँचते देने लगी, फिर सब कुछ सुनेगा। ओह, मगर तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अब इन सब बातों का समय नहीं है मिस्टर बूट, उस हीरे को तत्काल मिलना जरूरी है। उफ, आज के बाद आज एक के बाद एक बुरे समाचार मिले। उधर हैटन एक्सप्रेस को ना जाने क्या हो गया, सभी सिस्टम ठीक काम करने वाली, रेल रुक नहीं रही है। सबसे हैरानी की बात है, ट्रेन खुद पे खुद क्रॉसिंग बदलती जा रही है, और जिस समय हमने डॉन को रोका वो रेलवे स्टेशन से लौटा था। ढूंढ लिया मैंने हीरा, ढूंढ लिया मधुर दीदी। क्या मिस्टर बूट, डॉन के पर्स में जो क्लू मिला था वो दरअसल उसी हीरे के हैंटन से देने के लिए बुलाया था। जरा याद करो उस क्लू को। याद है,
क्लू कार्ड में सबसे पहले एच लिखा है, जो एक हीरे की आकृति में बंद है, और इसका मतलब हीरा और हैंटन। फिर इलेक्ट्रिक इंजन दिखाया गया, यानी कि ट्रेन। फिर उसमें ताबूत, एक खोपड़ी देखने लगाया गया। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क स्थित एम्पायर स्टेट की इमारत, जिसका सीधा सा मतलब है हीरा रेंटल में ताबूत में रखी लाश में खोपड़ी में न्यूयॉर्क पहुँचा। इसी कारण ट्रेन नहीं रुक रही, क्योंकि हीरा अभिशप्त है, जहाँ जाता है मौत में तबाही लाता है। ऑफिसर ब्रूट तुरंत स्थिति में अपने अधिकारियों से अवगत कराया। इधर हैंटन के एक्सप्रेस को रोकने की हर कोशिश की जा रही थी। हैंटन एक्सप्रेस की बिजली काट जो ट्रेन नहीं रुक रही, इन ट्रेन के सैकड़ों यात्रियों को नहीं बुझा सकता। ट्रेन अब नहीं रुकेगी क्योंकि वो एक लाइन पर पहुंच गई है, बंद लाइन पर पहुंच गई है। ट्रेन जब रुकेगी, मेरे पास ट्रेन को रोकने का शानदार तरीका है, मगर वह तरीका क्या है? यह है क्या है? बिजली की तारें टूट गई हैं, अब हम आगे नहीं जा सकते। इलेक्ट्रिक डीजल नाम का यह इंजन विशेष रूप से किसी ट्रेन दुर्घटना इत्यादि जैसे आपात समय के लिए बनाया गया है। यह बिजली और डीजल दोनों से दुगनी गति से चलता है। अब मैं इसे डीजल से चलाऊंगा। तूफानी रफ्तार से दौड़ पाया इलेक्ट्रिक डीजल, मगर अपने इंजन के उसी लाइन में रखने को क्यों कहा गया है जिस पर हैंटन एक्सप्रेस जा रही है? क्योंकि ट्रेन को इसी तरीके से रोका जा सकता है। ट्रेन दिखने लगी है, गति कम करने पर इंजन के ट्रेन को निकट ले आओ। इधर बदहाली छा गई एक्सप्रेस के ड्राइवरों में, मौत हमसे कुछ ही मीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर, बंद लाइन है। उफ, क्या हुआ? ट्रेन पर जादू हो गया, मौत का जादू का हो, जीसस हेल्प अस। और इसी पल सारण का आवाज, हैंटन एक्सप्रेस के ड्राइवर और इंजन इसी पटरी के पीछे एक और इंजन चला रहा है। क्या ये बेवकूफ़ी किसने की? मुझे क्या पता। विक्टर इंजन को बराबर की गति दौड़ा रहे और अगली ट्रेन से जोड़ना है। क्विक, इससे ट्रेन को हम अपने तरीके से रोक सकते हैं। संभल कर विक्टर, मौत मौत से टक्कर है ये। तुम्हारे हाथ दिए क्रॉस के साथ मैं तैयार हूँ। ट्रक ड्राइवर, इंजन ट्रेन से हटाओ। एंटेंस में बोई बचा, वेरी गुड विक्टर। और बूट हैंटन में प्रवेश कर गया। तुमने हुक अटका दिया है ड्राइवर, अपनी गति को कम करते जाओ। किंतु ट्रेन अब तब तक नहीं रुकी जब तक मिस्टर बूट हीरे को कोई क्रॉस में बंद नहीं कर रहे थे। तो यह है वो अभिशप्त हीरा, और हीरा क्रॉस में आती है रुक गई ट्रेन। और तब मिस मधुर विक्ट्रिया, आप दोनों की साहस बहादुरी से सैकड़ों जाने बच गई। हीरा पवित्र क्रॉस, हीरा आपके पास, थैंक गॉड। मगर मोदी अभी तो ना जाने कितनी और बाधाएं हैं, ना कितनी मंजिल दूर है। हिम्मत का जज्बा सीने में हो तो मंजिल दूर नहीं होती। विक्टर सची का मधुर ने, और इसी रात पुलिस मुठभेड़ मारा गया एक और दरिंदा, यानी असली स्कल मास्टर, जिसकी शिनाखत विक्टर ने कर दी थी। हाँ, यही बहुत तारा, उस रात हमें भी मार डालना चाहता था। मगर ये ऐसा क्यों कह रहा था? क्या कर रहा था? कुत्ता जब पागल हो जाता है, कभी कभी बिना कारण ही काटने लगता है। सत्यारे के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ लगता है। समाप्त। तो दोस्तों, हु 6 यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट हु 7 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ फ्रेंड्स, पेश है अगली कॉमिक्स हु 7। इससे पहले की 6 कॉमिक्स हम पेश कर चुके हैं। नहीं पढ़िए चैनल में कॉमिक्स से हु कॉमिक्स सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में। अब पढ़ते हैं हु 7। यह है शानदार कवर पृष्ठ। हु 7। तेल अबीब, दुनिया भर में जहाँ सर्वाधिक तेल मौजूद है। तेल के अलावा तेल अबीब की एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ऊँट दौड़। लेकिन इसमें ऊँट दौड़ में छोटे बच्चों को ऊँट पर इसलिए बांधते ताकि उनके रोने चीखने से ऊँट अधिक तेज दौड़े। ब्राउक ब्राउक, बकअप बकअप, बैकअप। इसके अलावा एक और चीज़ है, शायद दुनिया भर के लोगों को हमेशा अपने आकर्षित, वह जादू मैजिक, गिरी 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 छू। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके रोमांच से नहीं बच सकते। जो फिर चाहे लोग तेल अबीब क्यों ना, उस समय सुंदर सोनाली के जादू पाशा बने थे। कृपया आप मंच पर चली आए। मैं आओ मधुर दीदी, मैं तो वो तुम्हें मंच पर बुला रहा है। कैटन का सफर तय करके तेल अभी पहुंच चुके थे विक्टर और मधुर। ये मेरे कार्यक्रम का आखिरी किंतु सनसनी के स्टंटे से मैं प्रत्येक कार्यक्रम दर्शन में ऐसी किसी एक पर ही करती हूँ। इसी वक्त बला की चमक थी आंखों में। तो यह है तुम्हारी दरिंदगी का भी, जिंदगी का भी आखिरी जादू होगा, क्योंकि इस जादू के साथ तुम हमेशा के लिए सो जाओ। ये कड़प सांस रोके देख रहे थे दृश्य। अब मैं मिस मधुर को दूंगी एक सुंदर सी मोरनी का रूप, और उसके हाथ आगे आ गई अद्भुत। और इसी के साथ मैं मधुर के उछाल मारे चीखे, अरे इसे तो मोरनी बनना था, जीती जागती लड़की को कुत्ता बना दिया इसने। कुत्ता क्यों बना दिया इसने मधुर को? इसी के साथ छट छट टूटा झूमर कड़ाक, और इस तरह गया कोई आहा, और झटक कर मंच पर आहा, अरे इसे ठीक करो, ये तो बेहोश हो गई। उफ,
ओ ये क्या हो गया मुझे, अब तक मुझे इसी रूप में रहना होगा? सुनाली जब तक होश में नहीं आती, इसी बीच जिसमें झुर्दी दौड़ गई उसके, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुँचाओ, कुछ कुछ हो गया कि एक निर्दोष का जीवन भी नरक बन जाएगा। घबराने मत दी, तुम ठीक हो जाओगी। लड़की कुत्ता बन गई सोनाली, अपना जादू तोड़ पाने से पहले बेहोश हो गई। जल्दी करो, होश में आने से पहले तुम्हारा जादू तोड़ना होगा। फिर मिस सोनाली की बहुत सीरियस है, अभी कुछ नहीं कर सकता, हो जाएगा। नहीं ऐसा मत कहें डॉक्टर, ऐसा मत कहें, यकीन नहीं होता कोई लड़की किसी जादू से कुत्ता बना सकती है। हैंटन जहाँ पाँचवा अभिशप्त हीरा प्राप्त करने का, मधुर विक्टर पहुंचे तेलवी। तेलवी अलफ्रान के पास है वो अभिशप्त हीरे। होटल अलफ्रान में विकी 3 दिन बाद होनी है ऊँट दौड़, जिसका आयोजन अलफ्रान ने पहली बार तेलवी में किया था, जो 1 सप्ताह में 3 दिन जारी रहेगा। तो फिर कल हम चलेंगे भारतीय जादूगरी सुन्नी सोनाली का जादू देखने, जहाँ एक घटित आश्चर्य घटना। इधर सोनाली होश में आने के बाद प्रतीक्षा कर रहे थे, चहलकदमी कर रहा था। सोनाली को होश में आने होगा, मगर उससे मधुर को मोरनी के स्थान पर कुत्ता कैसे बना दिया? तभी घटिया आश्चर्य घंटा क्लिक। ओ ये हम रिपोर्टर हैं, फोटोग्राफ्स हैं, पता चला आपकी बहन जादू से कुत्ता बन गई। क्या ये वो, क्या ये बोल पा रही हैं? प्लीज़ आप लोग हमारी मुसीबत को समझाने में तंग ना करें। अचानक इन 10 हीरों पर शैतानों का अधिकार है, इसलिए मैंने धरती पर पाप फैलाने के लिए भेजा है। इनमें से 5 पर तुम कब्जा कर चुके हो, मगर मैं अपनी शक्ति का अधिक प्रयोग करके तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटका दूंगा। घर घर मिस मधुर, आप बोलने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आप इंसानी भाषा बोल चुके हैं। वफ वफ कर चीख गूंजे उस पत्रकार के, हाँ बचाओ मधुर दीदी, वो रुक जाइए मधुर दीदी। कुत्ता यूँ तो एक साधारण प्राणी है, मगर उसका ये रूप देखकर किसी दहशत ना हो, फिर तो पागल हो गया। आह मधुर दीदी, कुत्ते के रूप में सड़क पर आ पहुँची है, मधुर दीदी चिल्लाऊंगा तो पागल समझेंगे। दौड़ता चला गया कुत्ता, वफ ठहरो, लेकिन मैं मधुर दीदी को कैसे रोकूँ? दूसरे देर पहुँचा कर गया, ओह नहीं डॉग स्क्वाड, ही पी वफ वफ ठहरो रुक जाओ, नहीं उफ पी पी पी, ओह गॉड उफ, अगर मधुर दीदी कुछ हो गया कैसे दूंगा माइकल चाचा को? नहीं नहीं मैं उसे बचाऊंगा। तीव्र गति से बहन बढ़ती जा रही थी, वाऊ 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 वाऊ, और दांतों की शक्ति का प्रयोग कर रहा था कुत्ता। गर्र डॉग स्क्वाड में बहन आती, कुत्तों की ऐसी आवाज़ें हरकतें आम बात थी, लेकिन आज वो खास बन रही थी। खड़ा वफ वफ गर्र, ओहो ये जाली तोड़कर बाहर कैसे आ गया? चलती बहन से स्क्वाड दूसरा कर्मचारी क्रेंच, इस कुत्ते पर तो किसी शैतान का छाया है। धाओ और धड़ाक धड़ धड़ धड़ाक, वैन गिर गई, पीछे हट जाओ। अरे है क्या, धम 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 धम, बाऊ माऊ माऊ, डॉग स्क्वाड के ड्राइवर को देखो, ओहो गॉड उफ 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 कर 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 उफ 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 उफ, ड्राइवर को तो कब तक बेहोशी की दुनिया में पहुंचा चुका था वो। कुत्ते द्वारा सनसनी के जमले, तेल हबीब की पुलिस सक्रिय हो गई, इस पागल कुत्ते को छोड़ जल्दी ढूंढ कर खत्म करना होगा। विक्टर ही पहुंचा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर हबीब के सामने, क्या कुत्ते ने डॉग स्क्वाड के ड्राइवर को बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है? उसके बाद कई और लोग घायल हो गए? नहीं विक्टर, मिस्टर विक्टर, उस कुत्ते को ढूंढकर ख़त्म करना होगा, पुलिस विभाग में जुट गया। नहीं कुछ करना होगा, एक तो ये तो एक निर्दोष की हत्या होगी, सबसे पहले उसे हॉस्पिटल पर जाकर सुंदरी सोनाली की स्थिति का जायजा लें, अगर उसे होश आ गई तो मिस मधुर की तलाश तुरंत कर लेंगे, जो कि उस सोनाली को जादू कुत्ते में बदली हुई है। उससे पहले अभी दुआ करो, पहले वो कुत्ता दूसरा कोई प्राण लेवा हमला करें, यानी कि हमारे दूसरे ऑफिसरों को दिखाई ना पड़े। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हें अभी एक नहीं कई लाशें देखने को मिलेंगी। हाँ हॉस्पिटल में आपातकालीन में आऊँ, मैं आऊँ बिल्ली की माध्यम बनाऊंगा जादू को सुंदरी को खत्म करने के लिए। म्याऊं म्याऊं आहा म्याऊं म्याऊं म्याऊं, नहीं आ, बदकिस्मती से मधुर उस सोनाली होश में आया था, मगर उस वक्त वो मौजूद नहीं थी। चीखने चलाने की और विक्टर के लिए हादसा के सदमे से कम था। शैतान बिल्ली, या अल्लाह, बिल्ली ने इसकी पट्टियाँ ऑक्सीजन पाइप में उठ डाले। माऊँ म्याऊँ, और एक पैर रिवॉल्वर की एक गोली ने बिल्ली की अंतड़ी को घुसा गई। म्याऊँ धाएँ नर्स टॉयलेट से बाहर निकली, मैं केवल 2 मिनट के लिए गई थी, ये कैसे हो गया? मिस सोनाली ये मर चुकी है मिस्टर विक्टर, जुड़नी उस चीख पड़ा। नहीं यानी हो सकता है, जादू तोड़ना होगा। मिस सोनाली अजीब बात है, पहले सोनाली ने जादू के से मधुर को मोहनी बना चाह, फिर अब कहने इसी के साथ बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल चली गई सोनाली। उधर मधुर इस रूप में खून सवार है, इधर आश्चर्य ढंग से सोनाली की मौत हो गई। आखिरी चक्कर क्या है? विक्टर के दिमाग को बुरी तरह सिलाई दे रहे थे प्रश्न। हाँ हाँ आखिर मैंने के उद्देश्य से भटकाने में कहा हो रहा, मैं इधर मेरी शैतान सेना दोनों जवाब पाप पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं, पिरामिडों के हीरो हैं मौजूद, उन्हीं शैतानों के असर से अलफ्रान द्वारा आयोजित की गई ऊँट दौड़। वहाँ बच्चों को चीखने चिल्लाने की ऊँट दौड़ देखो, चेक अलफ्रान ने बेहद रोमांचक खेल की शुरुआत की है। ओफ ऊँट के पाँव तले आ गया उसका पाँव, अरे वो बच्चा कर्र कर्र भाँ भाँ प्राँ प्राँ, उस खेल के प्रति जबरदस्त तेजना थी दर्शकों में, मगर वो क्या वाकई खेलता अलफ्रान? अलफ्रान पहली रेस में दीनारों में जमकर बारिश होगी। हाँ मैं जानता था खालिद ऐसा ही होगा, खेल घुड़दौड़ से भी ज़्यादा प्रसिद्धि और मुनाफा हमारी तिजोरियों में डालेगा। लेकिन अल्फ्रांस दौड़ के बाद बच्चों की क्या अवस्था होगी, काम जाए उसके बाद ज़िंदगी भर अपाहिज बन जाने का खतरा होगा, क्योंकि ये हाथ पांव हड्डियों को नुकसान पहुँचा है, और इसकी तुम फिक्र मत करो खालिद, इस संसार में कई निर्धन देश धन की खातिर अपने अंग बंग खून बेचते हैं, लोग हमें अपने बच्चे ही बेचेंगे, और फिर ये दोनों
ये दोनों हीरे मेरे लिए मुबारक से दूँ हैं, क्योंकि बाबा खान की खरीद के दौरान मैं शानदार ऊँट की दौड़ आयोजित की गई थी। दुल्ला चमकती हीरों में, खूनी चमकती अलफरान की आंखों में। इधर विक्टर ने शुरू से लेकर आज तक घटी घटनाओं को याद करा था। यह कहानी तब शुरू हुई जब छाडे कोस्टा डेविड फर्नांडिस के साथ 10 हीरो के अभिशप्त हार पे तेन खाम पे खामेन की खजाने डे कोस्टा मेल पहुँचा। इस हार में वापस पिरामिड में पहुँचाना होगा। डेकोस्टा महल में मौत में तबाही के बाद हार के 10 हीरों को डेकोस्टा महल के सहित खजाना से लूट लिया। बाबा खान ने रोम पुलिस की जबरदस्त कोशिश में बाबा खान मारा गया, मगर उसकी मौत से पहले डेकोस्टा महल खजाने हार की दुनिया को नीलाम अपराधियों में नीलाम कर चुका था। पुलिस से इन सब घटना को सुनने के बाद विक्टर डेकोस्टा अपने चाचा माइकल और उनकी बेटी मधुर के पास पहुंचा। माइकल ने बाबा खान की प्लेन चिट बुलाकर उन लोगों के नाम पते तलाश किया और अचानक मधुर दीदी सोनाली के जादू से मोनी से बजाय कुत्ते में बदल जाना। उसके बाद घटनाओं सुस्त से बुधवाटा है। कोई ऐसी शक्ति है जो मैं हीरो को प्राप्त करने से रोकना चाहती है? वही शक्ति कदम कदम पर बाधा खड़ी कर रही है, क्योंकि मेरा दिल इन सब बाधाओं को मात्र संयोग मानने से इनकार कर रहा है। और देखो, हम जिस देश से निकले तेल अभी पहुँचे, इन घटनाओं में बिना सोच नहीं पाया। फ़ोन शायद हबीब का ही होगा। करेंट करेंट नज़र शायद हबीब द्वारा मिली और टैक्सी में सवार पड़ा विक्टर मधुदी का पता चला। कुत्ते के रूप में ट्रांसपेरेंट कंपनी का कई घायलों को अब कहीं छिपी है। यार्ड के चप्पे चप्पे तलाशी है, सावधानी से तलाशी लो। यह साधारण कुत्ता नहीं है, दरअसल एक लड़की का मधुर है जिसे जादू से कुत्ता बनाया था। हारना है उसे, सिर्फ पकड़ना है। तभी अचानक खोज खुल देने में धड़ धड़ बचो धड़ाम धूम धड़ा धड़ाम। दृश्य को देखकर छक्के छोड़ गए। वैरा पेन कंट्रोलर उसी कुत्ते के हाथ में, पकड़ो उसे। वह घुमाकर हमला कर रहा है, हमें कुछ लड़ना चाहता है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, वह है गोली उसके नाम की। ये गोली नहीं, ठहरो रुक जाओ। उसी समय पहुंचा विक्टर वह स्पेक्टर ही, लेकिन गोली चल चुकी थी। धाएँ और अद्भुतता दृश्य वो थप जबरदस्त शास्त्र था। गोली कैसे रुक गई? तभी वोफ नहीं, मधुर दीदी वोफ। इसे अचानक क्या हुआ? वोफ अचानक आगे बढ़ा विक्टर, मचला हाथ में लपलपाई अग्नि। अब वोफ 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 और दूसरे ही पल वोफ 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 हम फम फम्फ और भाव तरीके से। मधुर दीदी तुम अच्छी कैसे हो गई? मदर उफ मेरा सिर कितना भारी हो रहा है, कुत्ते में परिवर्तन होने का। मुझे अचानक क्या हो गया था विक्टर? मैं अपने आपको भूल गई थी, सब कुछ अचानक सन्न रह गई। एकाएक तेज प्रकाश चुना गई। उफ यह क्या? वैसा ही आपको गोला जैसे मधुर दीदी को कुत्ते में परिवर्तित किया था। यह जादूगरनी सुंदर सोनानी की आत्मा थी बच्चों, और उसकी गोली को मेरी शक्ति ने रोका था। यह आवाज़ तो पापा से जी। हाँ, मेरे बच्चों को जाना ही पड़ा तुम्हारी मुसीबत को देखकर। माइकल आ गया। उस वक्त मैं तो तुम्हारे साथ ना आ सका, लेकिन मैंने एक सदाचारी आत्मा को गुप्तचर के रूप में तुम्हारे साथ रवाना किया था। मैक की आत्मा हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। मेरा इनसे प्रत्येक पल सामना होता रहेगा, और मैक की आत्मा ने मुझे तुम्हारी प्रत्येक कठिनाइयों सफलताओं की सूचना मिलती रही। और फिर जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ घटना घटी है, तो मैं स्वयं को रोक ना पाया। यहाँ का सोनाली की मौत का पता चला, पा चुकी तुम्हारे जादू को तोड़ने के लिए मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को प्लेन चिट बुलाकर दरअसल मधुल को मोड़नी की बनाना चाहती थी, मगर उसे एक व्यक्ति ने उसे विवश कर दिया। और मैं नहीं चाहती थी शक्ति क्या थी, अज्ञात शक्ति हो, लेकिन शुक्र है कि मधुर के हाथों कोई खून नहीं हुआ। मैं कानून के अपराध क्षमा करने की अपील करूंगा, जिससे किसी अज्ञात शक्ति के वशीभूत होकर किया है। उसके बाद तीनों निकल पड़े। पापा अगर समय में रहते ना पहुँचते ना क्या होता? बच्चे पवित्र को अपने पास से अलग मत करना, इससे अज्ञात शक्ति का कोई जादू तुम पर नहीं चलेगा। ईश्वरी शक्ति पर मेरा टूट विश्वास है। मैं बच्चों, इधर ऊँट दौड़ का तीसरा दिन था। भौंक भौंक नंबर 10, नंबर 1 बैकअप बैकअप नंबर 10 अल्फरान। आज दर्शकों की संख्या दुगनी है। आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या है। ऊँट दौड़ के बारे में सुनकर रेस सभी कई दिनों तक चली। खालिद, तुम हिंदुस्तान के बच्चों का अरेंजमेंट करो किसी भी कीमत पर। इधर तेज गति से बच्चे ढीले पड़ रहे थे। मासूम बच्चा बचाओ, प्रांग प्रांग चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, तुम्हारी चीख चिल्लाट से ऊँट दौड़ सफल होती है। उधर आप पहुँचे, ये खूनी खेल बंद होना चाहिए। विक्ट्री वह बच्चा ऊँट के पाप तले कुचल जाएगा। ये खूनी खेल सिर्फ अल्फरान बंद करा सकता है, इसके बाद दो अभिशप तीर हैं। दरअसल इस ऊँट दौड़ में सफलता जमान दर्शकों पर भी ऐसे खूनी खेल जगह की संख्या पहुँच रहे हैं, इसमें थोड़ा सबक सिखाना होगा। दर्शकों में खली में जारी नहीं, क्या हुआ? यह तो सभी ऊँट हमारी ओर आने लगे हैं, भागो। ऊँट को क्या हुआ? रेस को क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों? ये रेस तो बंद करानी इरफान, क्योंकि वो दोनों अभिशप्त हीरे तो मैं लौटाने होंगे। उन्हीं हीरों से तो मैं शैतानी भरे थे खेल आयोजित करने में प्रवेश कर दिया था। इस टावर को मैं जल्ला टावर कहता हूँ, ओहनो उफ। और इस ऊँट दौड़ में हिस्सा लेने वाले बच्चों को यहाँ पर ला काट डालता हूँ। यहाँ बच्चों का मांस मेरा प्रिय आहार है। भैया हमें बचाइए, तुम लोगों जो मौत का कैसे प्रबंध करते हो पता चलेगा। मैं इस खोपड़ी का शस्त्र की तरह इस्तेमाल करता हूँ, मगर मधुर को तो बोझ लिया खालिद ने, तुम दोनों की ऐसी मौत दी जाएगी, तड़पने का अवसर नहीं मिलेगा। अल्फान की जगह पर हीरे नहीं, अब मौत मिलेगी तुम्हें। शीघ्र इस टैंकों में जब हो जाए, पेट्रोल की थी इंगन, पेट्रोल के उस पाइप से टैंक भर रहा है। हाँ, जरा इस मौत के कुएं के ऊपर देख, जल रही है मशाल, लेकिन घबरा नहीं आया। आग अभी पेट्रोल को पकड़ने की क्षमता दूर है, सिर्फ 5 मिनट में पेट्रोल भर रहे क्षमता पैदा होगी, तब आग होगा। पेट्रोल तुम्हारी आत्मा को संगम, हम पेट्रोल
से भीग चुके हैं, अगर सीढ़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वह आग हमें मशाल की आग छूलेगी। अब क्या होगा विक्टर? इधर अल्फान दोनों सेफ निकल चुका था, खालिद मैंने बच्चों को निकाल लिया बहन भाई, अब केवल 2.5 मिनट में बचे हैं। ऊँट दौड़ भी अब दूसरी जगह पर करूँगा, दरिंदगी से भरी ऊँट दौड़ नहीं होगी शैतान, क्योंकि खालिद ख़त्म करने के लिए सभी बच्चों को आज़ाद करा चुका हूँ मैं। बता कहाँ है विक्टर? और आधे मिनट में बता शैतान, बता इस गलती मैंने इस पुतले के टुकड़े कर दूंगा, इस संबंध तेरी मौत जिंदगी से। वो इस पुतले पर कोई जादू किया है, यह पुतले का कोई भी अंग तोड़ेगा मेरा अंग टूट जाएगा। माइकल ने दोनों हीरे फ़ौरन सुरक्षित किया पवित्र क्रॉसों में। इधर मौत के वैसे पता चल गया अल्फरान, तब एक भी क्षण में विलंब ना किया माइकल ने एक पुष्प दी गर्दन तोड़ने में। आहा, ये तेरे लिए यही सजा ठीक रहेगी, तेरी भी आखिरी चीज गुड़ी अल्फराम की। उधर पेट्रोल का स्तर बता विक्की, हम नहीं बचेंगे, पेट्रोल छड़ पड़ सकती है आस, और छंड लाई पानी की बौछार, ये पानी की बौछार। मधु दीदी आओ बच्चों, मैंने कहा था ना ईश्वर शक्ति है, क्या आगे शैतान शक्ति है? वो नहीं पापा, चाचा जी अल्फरान के पास जो हीते मैंने हासिल कर लिए हैं, और अब आगे निकलने के लिए पहले 5 हीरे भी तुम्हें मुझे सौंप दोगे, मगर आप ये हीरे लेकर वापस चले जाएंगे? हाँ, इच्छा शक्ति से एक जगह दूसरी जगह पहुँच सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है, अब केवल इस सिद्धि को ग्रहण करके मुझे ये करना बाकी है जिससे मैं लौटना आवश्यक है, और फिर जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं अपने पास ही पाओगे। और इधर माइकल की बातों में आकर इम्तिहान था मधुर और विक्टर के चेहरे पर भी समाप्त। तो दोस्तों हु 7 ये कॉमिक समाप्त होती है, और टोटल 7 हीरे आ चुके हैं। अब मिलेंगे इसके आखिरी पार्ट हु 8 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक शो के लिए। नाउ अब पेश है कॉमिक्स हु 8। इससे पहले कि हु की 7 कॉमिक्स हमने अपलोड कर चुके हैं, ये उसकी लास्ट पार्ट कॉमिक्स है हु 8 जो है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक शो के लिए। हु 8 काफ़ी ऑसम सीरीज थी। हु 8 करोड़ों वर्ष पहले लुप्त हो चुके विकराल सरीसृप, जिन्हें मशीन रूप में बनाकर विश्व कई देशों में सफलतापूर्वक प्रदर्शन के बाद दिल्ली के चिड़ियाघर मैदान में प्रदर्शन के लिए रखा गया था। लेकिन अभी इस प्रदर्शनी में 2 दिन बाकी थे, जिससे दिल्ली की जनता में भारी बेचैनी थी। मशीनी रूप में बनाकर रखा गया है और जनता भारी बेचैनी थी। दिल्ली जो परमाणु का घर है, भारत में इस प्रदर्शनी का साथ में शक्ति का भी और तिरंगा का भी, भारत में इस प्रदर्शनी का जमा उठा था क्रांति लैंड एंड रिसर्च रिसोर्स कंपनी ने। बख्तावर आज की रात ये काम होना चाहिए, क्योंकि कल से प्रदर्शनी शुरू होनी है। ओके क्रांति साहब, डायमंड्स को अमेरिका भेजने का बहुत शानदार तरीका आपने सोचा। क्रांति साहब, हमारा धंधा ऐसी शानदार चीज़ों के आधार पर टिका हुआ है। दिलावर क्लिक्स, यहाँ 7 हीरे आ चुके हैं विक्टर, उसके माधुर के पास 3 हीरे अब इस कॉमिक्स में मिलेंगे, टोटल 10 हीरे आ जाएंगे। उधर एक साया प्रदर्शनी स्थल पर इधर चक्कर लगाकर न जाने किस काम में व्यस्त था। बख्तावर का साया था, क्रांति साहब के अनुसार काम हो गया है। घनघोर अंधेरा सन्नाटे में आदमी कर्र कर्र टप 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 थर आ गए, और डर खौफनाक का रूप थर रहा था। मुझे लगा मैंने कोई आवाज़ सुनी है, किसी मशीने घराने की आवाज़, शायद मेरा वहम था। लेकिन अगर वो वहम था तो फिर ये क्या था? पांडाल में पुनर्स्थापित हुआ मौत का अंधेरा। शैतान सम्राट हु ने धरती पर फैलाया अपनी शैतानियत का जाल, उसने भेजे 10 शैतान पिरामिडों के 10 हीरों में समाकर विश्व के कोने कोने में फैल गए। तब मधुर विक्टर ने बीड़ा उठाया हीरे वापस पिरामिड तक पहुँचाने का, अपनी जान पर खेलकर 7 हीरों को प्राप्त करने में सफल हुए, मगर अभी शेष थे 3 और हीरे जो कि अभिशप्त है। मधुर दीदी, बाकी 3 हीरे अंडरवर्ल्ड के सबसे जहरीले सांप समझे जाने वाले शैतान क्रांति के पास है। दिल्ली हम क्रांति की तलाश में आए हैं विक्टर। क्रांति सांपों को शिकार का जबरदस्त शौकीन, फन का सांप कुचलना जूतों से कुछ फन का सांप का फन में हमेशा जूतों से खुजला करता हूँ। सांप का शिकार करने का एक फ़ायदा यह भी, दुश्मन पर किया गया हमारा वार खाली नहीं जाता। उस वक्त अब तो तुम सांपों का सह निकल में सांप बेचते हो? हाँ साहब, हम तो तमाशा देखने आए हैं, आपके आदमी ने बताया कि हमें सांपों का शौकीन है, हम सांप भी खरीद लेंगे और हम यहाँ से चले आए। ये सांप दुनिया के जहरीले सांप हैं, हमारे पास और भी खतरनाक किस्म के सांप हैं। हिस्पुस दिन में से एक का जहर एक इंजेक्शन में भरा हुआ है। कौन हो तुम? मुझे मधुर कहते हैं, मुझे विक्टर और विक्की क्या चाहते हो? तभी एक सांस में कहती चली गई है, तो तुम्हें उन हीरो की तलाश है, यूँ समझ लो तुम उन हीरो के रूप में। तुम 3 ऐसे सांप पाले हुए जो तुम्हें डसेंगे तो उनका जहर दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं उतार पाएगा। वो हीरे हमें दे दे क्रांति, तब जहर वाला इंजेक्शन फेंक दे मिस मधुर, वरना खोपड़ी में रेड होल कर दूंगा। रेड होल लाल छेद यानी लहू का छिद्र। सांप का फन में हमेशा जूतों से खुलता हूँ। आह क्रांति, तुम भयानक भूल कर रहे हो, हीरे नहीं तो मौत लिए घूम रहे हो तुम। अब मैं उन हीरो को जल्दी अमेरिका भेजने वाला हूँ, जहाँ वहाँ करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास आज मेरे काम आएगा। हमने सांप का फन कुचल डाला क्रांति साहब। मधुर और विक्टर नाम के इन दोनों नाग नागिनों का फन अब मैं कुचलूँगा।
इधर सर बावजूद इंजेक्शन मधुर की बाजू में लगा, हाँ तब जहर न गया। अरे इस पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जहर नहीं है, इसमें केवल विटामिन भरे हैं। हमने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए झूठ बोला था। और तब मिस मधुर विक्टर ऑफ विक्की, मैं तुम्हें बस निकलने का अवसर देता हूँ। तुम्हारे लायक है सांप से इंजेक्शन जहरीले नहीं थे, मगर ये सब एक से बढ़कर एक जहरीले हैं। इन्हें काटने का अर्थ है 5 मिनट 7 मिनट में तुम्हारी मौत। ये अजीब सी हल्की सरसराहट झपट पड़े, देखो ऐसे। और अगर तुम भागने की हिम्मत ना जुटा पाए तो वापस मेरे साथी तुम्हें रहम इतना रहम जरूर कर देगा कि तुम्हें गोली से उड़ाकर एक आसान मौत दे दे। हमें इस कैद से निकलना होगा मधुर दीदी, हमें इस जबरदस्त खतरा उठाना होगा। क्रांति लौटा है, हमें दोनों की मौत लाया है। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? विक्टर बस निकलने का रास्ता था, उधर मंडल के रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर मधुर दीदी आप तैयार है ना? हाँ, लेकिन ये सीधे सीधे मौत में मुँह में छलांग लगाने जैसा है। मजबूरी है, इस प्रयास में हम दोनों एक दो या तो एक दो या दोनों ही मारे जा सकते हैं। लेकिन सुना है भगवान भी आपकी मदद करते हैं। जो अपनी मदद आप करते हैं। मैं चैम्बर का दरवाजा खोल रहा हूँ। मधुर दीदी हिस कमीज का पुलंदा सा बांधकर फर्श पर उछला। खप, और अब ये कुछ सेकंड के लिए होगा मेरे पास। चूक का मतलब होगा मौत, असफलता। खप, और कमीज के बाद 8 सप। ये रास्ता भी क्रांति ने हमें दिखाया है कि वो कैद सांपों का ना उछलता ना खतरा देखता है। हिस और चैम्बर से भागने के लिए भागो दीदी मधुर। हम दोनों जिसमें भागे और क्रांडों आर्ट ऑफ सर पर क्रोश सर उनकी तरफ लपके। हुश क्रांति, धोखेबाज ना हुआ दरवाज़ा बाहर से बंद हुआ। सांपों से कक्ष बाहर होंगे, कुछ सांप हमारी आठ पा चुके हैं। लेकिन पाँव स्लिप हो गया। ओह विक्की, धार धार आह हस्सा विक्की आह। कुछ नहीं होगा मधुर दीदी, दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं बना जो परोपकार के अमृत को चीख कर तुम्हारी मौत बन सके। उधर चैम्बर खाली हुआ, दोनों कहाँ गए? संभव यहाँ से क्रांति का कोई दुश्मन जिंदा नहीं निकला। तभी हिस फुस फुस फुस। तो सांप तुमने पूरी, देखो इस शीशी में दवा भरी है। सांप के काटे का जरूर इलाज है। तुम्हारे पास बचने की 2 मिनट है, मुझे दवा दे दे। जरूर दूंगा, लेकिन मुझे दे दे समय क्रांति कहाँ मिलेगा। आह आह, मैं समझ गया क्रांति इस समय कहाँ मिलेगा। तुम सांप के डर से ही मारे गए क्योंकि सांप जहरीला नहीं था। जल्दी मधुदी, आप कैसी हैं? मधुदी अभी बिल्कुल ठीक है, तुम इसे बिल्कुल ठीक टाइम लाया मिस्टर विक्टर। थैंक यू डॉक्टर विक्टर, आज तुम्हारे का नया जीवन मिला है। जीवन देने वाला गॉड है मधुर दीदी। उधर क्रांति साहब मौजूद था। बख्तावर को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। क्रांति साहब यहाँ आइए, यहाँ पत्थर के खून निशान मिला। खून कहाँ से आया? ये लाइट तो बख्तावर के पास थी, लाइट कैसे टूट गई? क्या बख्तावर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया था? सब कुछ रहस्य में लग रहा है क्रांति साहब। सीढ़ी जल्दी लाओ, हमें चेक करना होगा। बख्तावर दिलावर, बख्तावर काम पूरा हो चुका है। मगर दिलावर डायनासोर की गर्दन तक जाम पहुँचा। मगर दिलावर तुम इस मैकेनिज्म को छेड़छाड़ कर रहे हो, ऐसा मत करो वरना मैं खाम कहाँ डर जाऊँगा। गर्र गर्र। ओफ दिलावर, इसकी मशीन को स्टार्ट करने वाले बटनों छेड़छाड़ बंद करो। ओफ दिलावर ओफ गर्र। मैंने बटनों से कोई छेड़छाड़ नहीं, क्रांति साहब को मार डाला। मैंने बटनों से छेड़छाड़ नहीं की, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। मैंने बटनों से छेड़छाड़ नहीं की, वो जिंदा हो गया, पागल हो गया। फौरन हॉस्पिटल चलो, हम तो यहाँ क्रांति की तलाश में आए थे, चक्कर कुछ और है। क्रांति की बात वो मुझे ध्यान लगा रहे विक्की, उधर से कहा था। हाँ, मैं हीरो को जल्दी अमेरिका भेजने वाला हूँ, और शायद यहाँ बिजनेस बुक करोड़ों वर्ष का इतिहास आज मेरे काम आएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड मधुरी, तुम अच्छा ग्रुप करोड़ वर्ष के इतिहास से, उसका मतलब जरूर डायनासोर से रहा होगा। इसका मतलब साबित हो गया कि क्रांति डायनासोर डायमंड्स का अमेरिका भेजने के लिए डायनासोर का प्रयोग करने वाला है। मगर इस आतंकित से व्यक्ति का बातों का अर्थ पलन जी बड़ा, कौन जिंदा हो गया, कैसे बटनों छेड़छाड़ नहीं की और किसने किसने उसे मार डाला? इन सब बातों की तह तक पहुँचने के लिए आज रात छिप पर जाना होगा। डायनो मशीन प्रदर्शनी का दिल्ली के नागरिकों ने खोल दिया गया। ओहा डायनासोर, ऐसा जोरदार क्रेज स्टीवन एपलबर्ग में जुरासिक पार्क से ही बना है। ऐसा वास्तविक रूप प्रदान कर करोड़ों वर्ष पूर्व जंगल में था। वो डरो नहीं बच्चों, ये नकली हैं, ये सब शरीर के विभिन्न हिस्सों द्वारा मशीनों द्वारा संचालित किए गए। अद्भुत, वंडरफुल, अमेजिंग, वाव, प्रम प्रम, गर्र गर्र गर्र। ये था आज के दिन की प्रदर्शनी समाती है। क्यूब आ बनाकर बाहर निकलो, बच्चों की गिनती हुई, 2 बच्चे कम हैं। शालू और प्रेमी प्रेम पीछे ही छूट गए हैं। छोटे बच्चों के मामले में ऐसी लापरवाही आपसे कैसे हुई मिस नलिनी? अगर सारा बंदा तो कोई नहीं है, मैंने पूरा पंडल चेक किया, दरवाजा बंद किया था, फिर हमें ही देख लेने दो। यहाँ तो सचमुच कोई नहीं है, यहाँ टूटा हुआ लंच बॉक्स, मिट्टी में दवा वगैरह सब, कहाँ गए दोनों बच्चे? क्यों बाहर देखो, मैं कह रहा था कहीं बच्चे बाहर घूमेंगे, उन्हें ढूंढो। मैंने चुप से ये सहाया था, हू का परम हा अब होगा धरती पर शैतान सम्राट हू का राज। प्रदर्शनी स्थल पर रात्रि प्रवेश की सूरत में संभव ना था इनके लिए, तो बिल्कुल नहीं, जो ठान कर यही आए हो। मधुर दीदी, सांधे समाचारों में सुर्खियों में 2 बच्चे गायब होने के समाचार छपा है, और वह पगला उस व्यक्ति किसी के मारे जाने का शोर भी यहाँ मचा रहा था। क्रांति ने भी आंख को गड़बड़
किया नहीं, ये सबसे पहले ये पता लगाओ। अरे मदरदी लंच बॉक्स, वो यहाँ बच्चे गायब हुए, वो बच्चों में किसी एक का, अरे ये क्या, ओफ ओ माई गॉड, ये तो अंगूठी तो क्रांति की है। ओह मैंने भी इसकी उंगली में देखा था, तो फिर अब देख लो आखिरी बार। हाँ, तो क्या क्रांति यहाँ आकर मारा जा चुका है कहीं सुबह सुबह? कहीं मैं सुबह तो यहाँ क्रांति ही तो नहीं मारा गया था? ओ गॉड, ज़रूर ऐसा ही होगा, वरना क्रांति की कटी उंगली यहाँ ना मिलती। इसका मतलब अभी सब तीनों ने क्रांति की जान ले ली, और दोनों घोषणाएं जीवित डायनासोर व टूटा हुआ लंच बॉक्स इसी के पास पड़ा है। मधुरी, ओह दो बच्चे भी, बच्चों को दीदी। ओफ, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो विकी? बचो दीदी, विक्टर ढोकर रेलिंग कर रहे हो। पैमला, ये जिंदा कैसे हो गया, मगर इसे रोकना होगा, ये खूनी है। प्लाम प्लाम, मधुर दीदी रेलिंग की रस्सी खींच कर मुझे दो। हरी अब, विक्टर ने उस रस्सी को डायनासोर से लपेट दिया। वरुम सोचती हुई चीख निकली। विक्की, मुझे लगता है कि ये हीरे उस डायनासोर ने पहुँचा दिए गए हैं, ये सब तीनों कारण जीवित हो उठा है। अब तो मुझे भी इस बात का यकीन ना मदद दी, मुझे लगता है उस हीरे तक अंदर होंगे, मुझे खून खराबे को रोकना होगा। कड़ाक, कैसे पता चले हीरे कहाँ रखे हैं? उसे अपने बंधनों को तोड़ दिया है। हाँ विक्की, बचो, बचाओ, मैं जीवित जो था तो इस पर हमारे वार असर करते हैं, मगर ये तो शैतानी व्यक्ति के बचबूतों का जीवित हुआ है। हाँ वह अभिशप धीरा निकले, भैया अभिशप धीरा निकला है डायनासोर की एक आंख से। उफ, याहू, मोर्चा फतेह, धम्म। इसका मतलब इसकी केवल एक आंख में हीरा था, क्योंकि अगर इसके पास हीरा होता तो ये निर्जीव करना गिरता। फिर शेष दो हीरे कहाँ? सीधी सी बात है, वो भी दर्द सर चरपों के किसी एक या दो आंखों में होंगे, फिर भी दूसरी आंख को चेक करना पड़ेगा, दूसरी आंख में हीरा नहीं था। पकड़ लो इन्हें, ये क्या हंगामा मचा रखा है हमने, तुमने मदर को सुनाई तो कहानी, मगर नहीं, हमें तुम्हारी कहानी पर जरा सा भी एतबार नहीं है। इस पवित्र बॉक्स को खोलकर हीरा दिखाओ। बेवकूफ़ ही मत करो, ये खुल गया तो तबाही, बाहर निकलने का रास्ता फिर मिल जाएगी। अजी हम तो देखेंगे, ठहरो इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। ठीक है, पहले इन्हें पवित्र क्रॉस को खोलने की चालाकी दिखाने दो, अंजाम देखने दो। धम 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 धम, ओह नो, धम धम। विक्की, वो देखो उसकी आंख में दूसरा हीरा, वो अभिशप्त हीरा। मगर चौकीदार कहाँ गया? मधु दीदी, वह हमारे साथ बाहर निकला होगा, इसका मतलब हमारा हाथों मारा गया। मगर अब सोचो ये आंख से दूसरा हीरा कैसे निकाले, भागो वरना ये मार डालेगा। इस छोटे से आकार को निकालने के लिए तरकीब सूझी है, जनरेटर से तुम क्या करोगे? जनरेटर से नहीं, इसके फ्यूल से, माचिस, किसी के पास माचिस लाइटर है? वो सर फर रबड़ और एक ऐसी जलनशील है जो इसके जिस्म को राख बनाते देने लगेगी। और उसके संग कांपता चला गया स्ट्रेक्टो साइट्रेक्स, और उसके भयानक धाड़ों से कांप उठाकर वरण तेजी के साथ पिघलता गया उसका जिस्म। वर्रम परम, और फिर ओ गॉड, ये तो अपने मशीन रूप में आगे बढ़ा चला रहा है। लेकिन साइकोटो से चढ़ी रबड़ चल उठी, किरी आग यानी हीरा टक। और भाई अब से तेरा दूसरा हीरा भी हमने हासिल करें, मौजूदी अब आखिरी, अब जल्दी पवित्र क्रॉस में रख दो विक्की, अब आखिरी हीरा बचा है। 9 हीरे आ चुके हैं। धड़ाम से स्ट्राइकर्स एक बार, डायनामेशन का सबसे बड़ा डायनो अपनी सही जगह पर है, ख़त्म हो गया शैतान। तो तीसरा हीरा कहाँ है? तीसरा हीरा भी डायनो की आँख में है। ओहो, जल्दी पहुँचे। इस तरह तो डायनो को चिड़ियाघर में चला गया। चिड़ियाघर में जाने के बाद चिड़ियाघर के दर्शकों को प्रवेश रोकना गजब हो जाएगा, हरी अप मूवी। मगर जब तक चिड़ियाघर के दर्शकों का प्रवेश रोका जा सकता है, 5 स्कूल की बसों के बच्चे चिड़ियाघर में प्रवेश कर चुके थे। चिड़ियाघर के बाजू में लगे डायनासोर प्रदर्शनी चिड़ियाघर देखने के बाद वहीं चलेंगे। इधर दो पुलिस जीपें सामने जाती हुई, बच्चों को जल्दी बाहर न निकाला तो डायनासोर ट्रायनो भयानक तबाही मचा देगा। वो वो जिले में जीप पहुंची सनसनीखेज में, चिड़ियाघर में खूनी डायनासोर घुस गया। चिड़ियाघर के परिसर को खाली करो। क्या डायनासोर, हमें बेवकूफ़ बनाने के इन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए हम ही मिले थे क्या? हम बच्चे इस बात को सीरियसली नहीं रहे, बल का प्रयोग करना होगा, मगर ध्यान रहे बच्चों में ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं। चिड़ियाघर खाली करो, चिड़ियाघर खाली करो। तभी देखते हैं हृदयवारक चीखें। ओहो, इसका मतलब सामने, इस तरह सामने आना पब्लिसिटी स्टंट है। फ्रॉम भला डायनासोर जिंदा कैसे सकता है? मैं जाता हूँ उसके सामने, हम भी रोमांच का मजाक खोना नहीं चाहते। नहीं, रुक जाओ, खूनी है, उसके पास मत जाओ। खच, आहा, तभी मची भगदड़ दहशत। भागो, मैं वह सचमुच खूनी है, उसने अजय और केतकी को मार डाला। मधु दीदी क्या करें, इसे चलाया नहीं जा सकता, अब इसे ऐसी कोशिश करें, इसका जिसम इतना विशाल है, चाहे तो राख होने के लिए चिड़ियाघर के आसपास क्षेत्र आग में चला सकता है। सचमुच अगर इस जानवरों के बाड़े को तोड़ना शुरू किया तो मुसीबत हो जाएगी। पुलिस फोर्स चलाएगी गोलियां, जंग 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 फट फट फट। मगर तभी यहाँ पहुँची क्रेन, धड़ाम धड़ूम, इस विशाल गोले का प्रहार करो इस पर। धरुम फट 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 फट, इस लोहे का विशाल गोले को भी पकड़ लिया। हेलीकॉप्टर ब्रह्म, शिकंजा डायनासोर पर शिकंजा गिराओ। क्वैक का ब्रह्म, ओफ, डायनासोर को रोकने का यह तरीका बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। वही हुआ, वरुम, इसकी आंख से निकला हीरा निकालने की एक तरकीब सूझ रही है। चौड़े पर कसकर शिकंजे छोड़ने को तड़प रहा डायनासोर, इधर चेहरे पर मधुर लिए, शिकंजे से बौखला कर चिड़ियों के विशाल बाड़े को तोड़कर उसमें प्रवेश कर गया। हमें डायनासोर को वहाँ से बाहर निकालना है, और इसके लिए अंदर हल्के धमाके फटने वाले, धुएं गोले, दीवारी पर छुड़ाए पटाखों की लड़ियाँ काफ़ी होंगी। चर्र चट चट चट,
डायनासोर बौखला कर कोशिश कामयाब हुई। परम तरतर चढ़ा चढ़ चढ़ा डायनासोर चिन्ह से बाहर आया और इस समय लहराया विक्टर का जिस्म के मेरी या क्रेन की चालक की एक क्षण की चूक भी भारी तबाही का कारण बन सकती है। दूसरी पल कर वो मारा कर खचाक और मधु झपट पड़ी उसके सिर पर भरुम खचाक और मधु तीस क्षण डायनासोर की एकांक उसी के साथ जबरदस्त रूप में चमत्कार हुआ। तीसरा हीरा भी मिल गया। मधु दीदी इस हीरे को भी पवित्र कोष में डाल दो, आखिर हम उसे हासिल करने में सफल हो गए विक्की। और इधर धड़ाम से गिर पड़ा डायनासोर, विशाल धड़ धड़ाधड़ और पुलिस का घेरा तोड़कर देखने को मिली भीड़। यह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया, मगर यह आखिरी जिंदा कैसे हो गया था? खूब तबाही मचाई इस कमबख्त ने। जी हाँ, यहाँ पे इसका सर काटा था डायनासोर का। जिंदा कैसे? खूब तबाही मचाई और इस प्रकार सभी अभिशप्त हीरे प्राप्त कर सारी कानूनी कार्रवाई निपटाने के बाद वहाँ से रवाना हुए दिल्ली से। मधु दीदी, अब माइकल चाचा के साथ हमें जाना होगा मिस्र, जहाँ मम्मी की अमानत 10 हीरों को पिरामिडों में रखना होगा हमें। समाप्त। तो दोस्तों, शानदार यह हू आर्ट सीरीज यहाँ ख़त्म होती है। विक्टर और मधुर को हीरे मिल चुके हैं, वो हीरे को अब पहुँचाएंगे कहाँ पे? मिस्र जाएंगे और वो अमानत जो अमानत है 10 हीरों की, उसे पिरामिडों में रख देंगे। यहाँ पर आके ये कहानी ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसमें ये नहीं दिखाया गया था कि हीरो को उन्होंने माइकल चाचा के साथ पिरामिड में कैसे रखा। लेकिन अब जो हु रिटर्न्स वापस आ रही है, तो उस नई हु रिटर्न्स में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि अब ये विक्टर और मधुर जो कंटिन्यू करेंगे कहानी को माइकल चाचा के साथ, उन हीरो को पिरामिड में रखने जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो शैतान सम्राट हु है अपना कहर बरसाएगा, और क्या वो हीरे वहाँ रख पाएंगे? 10 हीरे वहाँ रखने पर क्या होगा आगे? ये सब हमें पता लगेगा इसके आगामी पार्ट हु रिटर्न्स में, जो बहुत जल्द आ रही है हमारे पास। तो इंतज़ार कीजिए उस शानदार आगामी सीरीज हू रिटर्न्स का, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।